हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम लोग दिसंबर 2018 के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दिसंबर 2018 के पूरे मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं गाइज। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मैगजीन के थ्रू हम लोग एक एक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड यहां पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हर एक करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा, यानी कि टॉपिक टू टॉपिक पूरी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। एंड गाइज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और स्पेशली जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो डेफिनेटली एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कहीं से भी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ने वाली है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीलिम्स के पहले पिलर से। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें बात की जा रही है आध्यात्मिक विभाग के बारे में पहली न्यूज़ में। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया है, जिसको आध्यात्मिक विभाग बोला जा रहा है। ये वेरियस डिपार्टमेंट्स को मर्ज करते हुए इसको क्रिएट किया है, जैसे कि रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट डिपार्टमेंट को, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट को, डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड एंडोमेंट को। तो इनको मर्ज करते हुए इन्होंने एक अलग से स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो याद रखना कि स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट हम लोग को मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जॉर्जिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट का नाम सलोमे जुराबिश्विली हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो अभी हम लोग को देखने को मिली है जॉर्जिया की, राइट? तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक नया नेशनल अवार्ड जिसका नाम है नेशनल यूनिटी। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा कि नेशनल यूनिटी जो है, ये न्यू नेशनल अवार्ड जो है या नेशनल ऑनर जो है वो बनाया गया है, और ये बिल्कुल पद्मा अवार्ड्स के पैटर्न के ऊपर ही बनाया गया है। और ये वाली बात बताई जा रही है कि ये उन इंडियंस को दिया जाएगा जो लोग नेशनल यूनिटी के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि सभी लोग को एकत्रित करके यूनिटी बनाने के लिए जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? इंडिया के अंदर यूनिटी के लिए जो लोग काम करते हैं। विजय दिवस की बात करें, जिसको विक्ट्री डे के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइस 16th ऑफ दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16th दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल कर ली थी। तो आपको याद आ रहा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी 1971 की, तो उस समय इंडिया 16th दिसंबर को जो है वो पाकिस्तान से जीत गई थी, और ये इसकी 47th एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और नाम से समझ आ रहा है विजय दिवस, यानी कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में हम लोगों ने जीत हासिल करी थी 1971 में, याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि इंडिया 2022 में G20 की समिट होस्ट करने वाली है, और 2022 ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि 2022 को इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस हम लोग को देखने को मिलेगी, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और G20 की बात करें तो G20 का फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। G20 में 19 प्लस यूरोपियन यूनियन हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन अपने आप में 28 कंट्री का एक यूनियन हम लोग को देखने को मिलता है, 28 कंट्री का गठन है ये यूरोपियन यूनियन, राइट? तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि G20 में टोटल 20 कंट्रीज हैं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि G20 में 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, ठीक है? अब देखिए, एक्सरसाइज अवनेंद्र 2018 की बात की जा रही है, तो याद रखना कि एक्सरसाइज अवनेंद्र कंडक्ट की जाती है इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स के बीच में, यानी कि इंडिया और रशिया की एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज अवनेंद्र जो है वो कंडक्ट की जाती है, जो कि जोधपुर में कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये इमिराती वुमेन, यानी कि UAE जो वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन फेडरल नेशनल काउंसिल में जो है वो बढ़ाने वाला है। ये बोल रहे हैं कि 22.5% से 50% UAE जो है वो अपनी फेडरल नेशनल काउंसिल के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि UAE और जितनी भी अरब कंट्रीज वगैरह हैं ये वुमेन के ऊपर अब फोकस कर रही हैं। यहाँ पर हम लोग को रिफॉर्म देखने को मिल रहा है, जैसे कि कुछ समय पहले वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस अलॉट कर दिए थे, और इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। इवन कई सारी कंट्रीज जो हैं, अरबिक कंट्रीज़ की बात करें या मुस्लिम कंट्रीज़ वगैरह की बात करें हम लोग, इस्लामिक कंट्रीज़, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रिपल तलाक जो है, जो कि आज की डेट में हम लोग को न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है ये मुद्दा ट्रिपल तलाक का, तो ये वहाँ पर भी इवन बैंड है इस प्रकार के रूल्स, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि फ़ोन कॉल्स जो है गाइज उनको अलाउ कर दिया है, फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट कनेक्शन को, कि फ्लाइट और शिप वोएज जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जितनी भी फ्लाइट्स उड़ान लेंगी और शिप वगैरह उसके आसपास से गुजरेंगे, तो यहाँ पर इंटरनेट और फ़ोन वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी रूल 2018 के थ्रू जो है ये अलाउ कर दिया गया है। अब आईगॉट की बात करें गाइज, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, तो इन्होंने लॉन्च किया है एक आईगॉट।
IGOT का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का टारगेट है जो भी ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग जो है वो ऑफर की जाएगी, राइट। और इसके फ्लेक्सिबल टाइम बेसिस पर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी ऑफिसर्स वगैरह को, जो भी आज करेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। आइडिएट फॉर इंडिया की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मीटी ने लॉन्च किया है नेशनल चैलेंज फॉर यूथ आइडिएट फॉर इंडिया क्रिएटिव सॉल्यूशन यूजिंग टेक्नोलॉजी को, जिसका एम यह है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं छठवीं से लेकर बारहवीं क्लास के, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो सॉल्यूशन निकालें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का, राइट। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन निकालें, और फोकस किया जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेशन की तरफ जो है वो जाएं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेट करें, उनका दिमाग जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी इस प्रकार के सेक्टर में जो है वो लगाएं और नए नए इनोवेशन जो है वो करें। तो ये इनोवेट इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है इस प्रकार का जो आइडिएट फॉर इंडिया, याद रखिएगा इसके बारे में आप। और इसमें से टॉप 50 स्टूडेंट्स जो हैं उनको टेक क्रिएशन चैंपियन डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि इस चैलेंज जो है वो ऑफर करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और उस जो भी चैलेंज होगा यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी, जैसे मीटी जो है वो बोलेगी स्टूडेंट्स को कि ये प्रॉब्लम है और उसको आपको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उससे रिलेटेड आप एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आओ। तो जो भी स्टूडेंट्स इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आएंगे उनमें से टॉप 50 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उनको टेक क्रिएशन चैंपियन का दर्जा मिलेगा, यानी कि उनको टेक क्रिएशन चैंपियंस बोला जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ें लेकर आ रही हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है और एक अवार्ड के थ्रू जो है उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, इनोवेशन के ऊपर काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर ली है अपनी अवनगार्ड मिसाइल को। अवनगार्ड मिसाइल जो है, याद रखिएगा, ये हम लोग को रशिया की देखने को मिल रही है, उन्होंने सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर कर लिया है। और ये गाइस बताया जा रहा है कि 15,000 माइल्स पर आर की स्पीड पर जो है वो फ्लाई कर सकती है, 15,000 माइल्स पर आर। ये न्यूक्लियर वॉरहेड और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों को कैरी कर सकती है, तो आप बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल है ये, अवनगार्ड हाइपरसोनिक सिस्टम जिसको बोला जा रहा है, राइट। और इसमें मैन्यूवरेबल ग्लाइडिंग फीचर है, यानी कि ये जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे कि कुछ ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं जिसके थ्रू, जैसे कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी मिसाइल अगर उस कंट्री के अंदर आ रही है तो वो सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस मिसाइल को ऑटोमेटिकली हवा में ब्लास्ट कर देता है, राइट। तो ये हम लोग को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। तो बट ये बताया जा रहा है कि ये इतनी ज्यादा एडवांस है रशिया की ये सिस्टम, अवनगार्ड हाइपरसोनिक सिस्टम, कि वो इस प्रकार के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी अवॉइड कर सकता है, क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग फीचर है। ये अपने एल्टीट्यूड को, डायरेक्शन को इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि वो सिस्टम जो है, जो डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, वो भी इसको पहचान नहीं पाता, राइट, इसके रेंज वगैरह को जो मिसाइल के। तो ये काफ़ी एक अच्छी मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा बनाई गई है। अब हमारे नेक्स्ट प्रीलिम्स के पिलर की तरफ चलते हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर की तरफ। द्यूजिंग फेस्टिवल की बात की जा रही है गाइस, तो 12 दिन का ये फेस्टिवल होता है, इसका थर्ड एडिशन हम लोग को अभी रिसेंटली आसाम में देखने को मिला है, और आसाम गवर्नमेंट का रिवर टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंडर ये फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और द्यूजिंग का मतलब ही होता है रिवर बैंक। कोची मुजरिस बायनाल के बारे में बात करें गाइस, तो इसका फोर्थ एडिशन हम लोग को देखने को मिला था अभी रिसेंटली कोची केरला में, नाम सीजन में आ रहा है कोची मुजरिस। तो देखिए, इसकी थीम जो थी वो थी पॉसिबिलिटीज फॉर अ नॉन एलियनेटेड लाइफ, और ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हम लोग को देखने को मिला था कंटेम्प्रेरी आर्ट का, जो कि कोची केरला में हुआ था, राइट। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट यानी कि आज की रेट में जितने भी नए नए प्रकार के आर्ट फॉर्म्स हैं, तो उसका ये एग्जीबिशन था, और ये लार्जेस्ट आर्ट एग्जीबिशन था इंडिया का, और बिगेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फेस्टिवल हम लोग को एशिया का देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। पहला म्यूजिक म्यूजियम जो है वो तमिलनाडु के तिरुवायारु में हम लोग को देखने को मिल रहा है, पहला म्यूजिक म्यूजियम, याद रखना। और ये तिरुवायारु की अगर हम लोग बात करें, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, तो ये बर्थ प्लेस है सेंट त्याग राजा का, और सेंट त्याग राजा की बात करें तो ये वन ऑफ द ट्रिनिटीज है कर्नाटिक म्यूजिक के, यानी कर्नाटिक म्यूजिक में तीन जो पर्सनालिटीज हैं उनका नाम काफी उच्च लेवल पर हम लोग को देखने को मिलता है, ऊंचे लेवल पर देखने को मिलता है। तो एक है सेंट त्यागराज, और दूसरे हैं मुथु स्वामी, और तीसरे हैं श्यामा शास्त्री। तो ये तीन लोगों के नाम आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा, कर्नाटिक म्यूजिक में इनको जाना जाता है। और साहित्य अकादमी अवार्ड्स की बात करें तो 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और ये अवार्ड काफ़ी सारे लोगों को अभी दिया गया है अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो आप वीडियो को पॉज करके ये लोगों का नाम जो है वो एक बार आप देख सकते हैं, राइट। तो ये अलग 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 लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, हम लोग को देखने को मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेरी ऑनर है ये, राइट। तो हर साल दिया जाता है इंडियन राइटर्स को, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। और इसमें कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो टोटल पहली चीज़ तो याद रखना है कि 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है, जिनमें से 22 हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और
जो अलग अलग लैंग्वेज है वो एक है इंग्लिश, दूसरी है राजस्थानी. स्पेशली राजस्थानी लैंग्वेज पे याद रखिएगा क्योंकि यही से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं. ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें गाइस, तो अमिताभ घोष जी को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये प्रेस्टीजियस लिटररी ऑनर है जिसकी शुरुआत हुई थी 1961 में इस अवार्ड की शुरुआत. अब बात करें पोस्टेज स्टैम्प के बारे में गाइस, तो एक पोस्टल स्टैम्प जो है वो हम लोग को देखने को मिला है महाराजा सुलेदेव का, महाराजा सुलेदेव का, और इसको प्राइम मिनिस्टर जो है गाजीपुर के उनके द्वारा रिलीज किया गया था, महाराजा सुलेदेव. तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, महाराजा सुलेदेव के बारे में हिस्ट्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तानसेन सम्मान की बात करें तो जो सितार प्लेयर हैं मंजू मेहता जी, तो उनको ये तानसेन सम्मान से सम्मानित किया है. 2018 का ये तानसेन सम्मान हम लोग को देखने को मिला था और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये तानसेन सम्मान जो है वो दिया जाता है और ये प्रेस्टीजियस नेशनल तानसेन सम्मान जो है गाइस ये हर साल दिया जाता है, जिसमें से 2 लाख रुपए जो अवार्डी को मिलते हैं, यानी कि जो भी जीतता है ये पुरस्कार उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक मेमेंटो भी दिया जाता है. तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें तो मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल ये तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है और ये ग्वालियर में होता है. तो ये इस प्लेस का नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ये तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पर होता है स्पेसिफिक लोकेशन, तो ग्वालियर में होता है. ये कमसाले डांस के बारे में बात करें गाइस, तो ये फोक डांस है एक तरह का, कमसाले या फिर इसको कैसे और तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, कामसले, राइट? तो वो जो लोकल लैंग्वेज में जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसे अगर आपको पता हो तो कर लीजिएगा. बाकी ये जो कमसाले डांस जो है ये फोक डांस हम लोग को देखने को मिलता है और ये पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा जो कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज़ हैं मैसूरू के, इसके अलावा बेंगलुरु के भी कई सारे जो एरियाज़ हैं तो वहाँ पर ये डांस फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ये डांस और मार्शल आर्ट्स का एक मिक्सचर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डांस में डांस और मार्शल आर्ट का मिक्सचर होता है, तो ये कमसाले डांस में हम लोग को देखने को मिल जाता है. तो इस प्रकार से ये डांस होता है कुछ, आप देख सकते हैं. इलम वैली की बात करें तो इलम वैली याद रखिएगा इस आपकी, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो है वहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिलती है, इलम वैली. यहाँ पर एक हेरिटेज पार्क जो है वो क्रिएट किया जा रहा है इस इलम वैली में और यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, राइट? तो ये जो इलम वैली जो है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है बोथ फॉर हिंदूज एज वेल एज फॉर बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़. और हिंदू की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया जाता है कि इस एरिया में भगवान राम जो थे उन्होंने अपना 14 वर्ष का वनवास जो है वो यहीं पर गुजारा था, तो यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था. और बुद्धिस्ट के परस्पेक्टिव से बात करें कि बुद्धिस्ट के लिए कैसे ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा जो थे उनका जो प्रीवियस अवतार था तो उसका जन्म यहीं पर हुआ था और उसने अपनी उसकी लाइफ जो है वो यहीं पर गई थी, यानी कि जो प्रीवियस लॉर्ड बुद्धा के जो अवतार थे तो वो यहाँ पर शांत हुए थे, राइट? स्वर्गवास किया था उनने. अब नेक्स्ट पिलर इंडियन एंड वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो माउंट इटना आपको याद रखना है. माउंट इटना हम लोग को इटली में देखने को मिलता है, तो इटली में है ये माउंट इटना और काफ़ी समय से यहाँ पर जो है गाइस ये वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हो रहा था काफ़ी समय से, यानी कि 2-3 महीने पास से जो है ये होना शुरू हो गया था और इवन अभी तक हो रहा है. और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वॉल्केनो इरप्ट होने के कारण जो है 130 अर्थक्वेक्स हम लोग को देखने को मिले हैं 4.3 मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड स्केल के. और माउंट इटना लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप का, याद रखिएगा आप, एक्टिव वॉल्केनो है ये, यानी कि इरप्ट होता रहता है ये. और वर्ल्ड का मोस्ट फ्रीक्वेंटली इरप्टिंग वॉल्केनोज है, यानी कि पूरी दुनिया भर पे काफ़ी ज़्यादा इरप्ट होता है ये वॉल्केनो. और इवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम हम लोग को देखने को मिलता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जो है उसमें 2013 में इसका नाम जो है वो दर्ज किया गया था. इंडोनेशिया माउंट सोपुटन जो है गाइस ये इरप्ट हुआ है और याद रखना आपकी माउंट सोपुटन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? माउंट सोपुटन, ये इसकी मैप में भी आप लोकेशन देख लो, ये माउंट सोपुटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और सुलावेसी एरिया की अगर बात करें, आइलैंड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था और जिसने काफ़ी मेजर डैमेज जो है वो किया हुआ है, राइट? और 1400 लोगों की यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि मृत्यु हो गई है इस सुनामी के कारण, क्योंकि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से सुनामी हुई और ये हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई. और सेकेंडली सोपुटन जो है वो भी एक वॉल्केनो हम लोग को देखने को मिल जाता है, माउंट सोपुटन, राइट? तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है इरप्ट हुआ है, राइट? तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ ली जाती हैं. अब नेक्स्ट पिलर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन टूर की यहाँ पर बात की जा रही है. तो ये क्या है गाइस? तो एजुकेशनल और मोटिवेशनल टूर है युवाओं के लिए, जो भी जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उनके जो युवा होते हैं उनको हर साल जो है वो टूर करवाया जाता है और जिसमें कि वो हमारी कंट्री के अलग अलग एरियाज़ पर जाकर विजिट करें और हमारी कंट्रीज़ के बारे में और जानें,
राइट। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन टूर जो है वो हम लोग को देखने को मिल जाता है इस प्रकार का। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टूर जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो है गाइज वो पहली स्टेट बन गई है जिसने सेक्सटॉर्शन को बैन कर दिया है। और देखो हालांकि ये जो हम लोग जिसके बारे में भी बात करेंगे, अब आप जानते हो कि आर्टिकल 370 जो है वो उसको हटा दिया है जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल पावर थी जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना अलग कानून हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी वगैरह नहीं चलती थी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रणबीर पीनल कोड चलता था, जैसे कि हमारे आईपीसी चलती है ना इंडियन पीनल कोड, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में चलता था रणबीर पीनल कोड, उनका एक अलग कानून था, उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट। बट अब आप जानते हो कि स्पेशल स्टेटस हटा दिया है और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, और दूसरी यूनियन टेरिटरी हम लोग को लद्दाख देखने को मिल गई है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी हो गई, बट उस समय ये चल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पहली स्टेट बन गई थी जिसने सेक्सटॉर्शन को बैन कर दिया था। अब देखो सेक्सटॉर्शन क्या होता है, तो जो भी महिला जिनको जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट अधिकारी पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, तो वो अगर किसी महिला को एक्सप्लॉइट करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, तो उस टर्म को सेक्सटॉर्शन जो है वो बोला जाता है। तो इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 जो है उसको पास कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2018 को पास कर दिया था, और उनके गवर्नर जो थे वहाँ पर उस समय सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया था। तो उसी के चलते ये एक हम लोग को कानून नया देखने को मिला, बट अभी जो है वो स्क्रैप हो गया और अभी सब पूरी चीज़ जो है वो आईपीसी के अंदर अब हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी, राइट। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा, पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, इसलिए थोड़ा सा ये रणबीर पीनल कोड के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना था, हालांकि अभी भी पढ़ लो क्योंकि रणबीर पीनल कोड फिर भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि रणबीर पीनल कोड एक अपना अलग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जम्मू एंड कश्मीर का, राइट, जैसे कि हमारे आईपीसी चलता है वैसे ही वहाँ पर रणबीर पीनल कोड चलता था। अब गोवा ने सेलिब्रेट किया है 57th लिबरेशन डे को, 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है वो पोर्चुगीज से आज़ाद हो गया था, और 450 साल तक पोर्चुगीज ने राज किया था गोवा के अंदर। और गाइस आपको ये याद रखना है कि पोर्चुगीज जो थे वो पहले यूरोपियन थे इंडिया में आने वाले, और सबसे लास्ट में हो गए, यानी कि सबसे पहले जो अलग अलग यूरोपियन पावर्स हमारे इंडिया में आई ना, एक पोर्चुगीज आई थी, फिर ब्रिटेन आया हम लोग को देखने को मिला, ब्रिटिशर्स जिसको इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, फ्रांस हम लोग को देखने को मिली, तो इस प्रकार से अलग अलग लोग आए हमारे इंडिया में, डच भी आए थे, राइट। तो अलग अलग यूरोपियन पावर्स आई थी, उनमें से सबसे पहली पावर जो आई थी वो थी पोर्चुगीज, और सबसे लास्ट में जाने वाली भी यही हम लोग को देखने को मिली थी। आपको याद रहा होगा कि वास्को डा गामा आया था सबसे पहले, राइट, तो वो एक पोर्चुगीज हम लोग को देखने को मिला था। तो 1961 में गोवा जो है वो आज़ाद हो गया था, गोवा काफ़ी समय बाद जो है वो इंडिया से आज़ाद हुआ, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, बट गोवा को इंडिपेंडेंस मिली 1961 में। और यहाँ पर ऑपरेशन विजय आपको याद रखना है, जो हमारे उस समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ऑर्डर किया था December 17, 1961 को कि गोवा को जाकर आज़ाद करवा लो, यानी कि हमारी यहाँ से फोर्सेज गई थी इंडियन आर्मी की फोर्सेज, और उन्होंने पोर्चुगीज फोर्सेज पर जो है वो हमला किया और वहाँ से गोवा को जो है वो आज़ाद करवा दिया, और इवन दमन एंड दीव को भी, क्योंकि पोर्चुगीज के अलग अलग कंट्रोल एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि गोवा में पोर्चुगीज का राज था, दमन एंड दीव में पोर्चुगीज का राज था, तो वहां से जो है वो हटा दिया गया पोर्चुगीज को और उनको भगा दिया, और गोवा को, दमन एंड दीव को जो है वो आज़ादी मिल गई थी। अब शिक्षा सेतु की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है शिक्षा सेतु। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी अबाउट देयर अटेंडेंस, फीस, ऑनलाइन एडमिशन, स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में। तो याद रखना शिक्षा सेतु हरियाणा की एक मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिलती है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। आंध्र प्रदेश को जो है वो नया हाईकोर्ट मिल गया। तो देखो गाइस 2014 में आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाइफरकेट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, हम लोग को देखने को मिला था। बट हुआ यह था कि उस समय जो हैदराबाद जो थी गाइस, जो उनकी कैपिटल सिटी थी, यानी कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल सिटी हम लोग को हैदराबाद देखने को मिलती थी, तो जब बायफर्केट होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि कुछ समय तक हैदराबाद का हाईकोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर जब तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का एक नया हाईकोर्ट बन जाएगा, जब एक नया हाईकोर्ट क्रिएट होगा तब उस समय बायफर्केट हो जाएगी वाली चीज़। अब इनका एक नया हाईकोर्ट हम लोग को देखने को मिल गया है, और आपको पता होगा कि तेलंगाना जो है वो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हम लोग को देखने को मिल रही है, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती हम लोग को अब देखने को मिल रही है, और अमरावती के अंदर ही एक सेपरेट हाईकोर्ट जो है वो अब क्रिएट हो गया है, राइट, आंध्र प्रदेश का। तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती में हम लोग को देखने को मिलेगा, और तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है जो कि एग्जिस्टिंग हैदराबाद जो हम लोग को देखने को मिली थी पहले, जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, तो वहीं पर है ये। अब नेक्स्ट पिलर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथ आश्रम की बात की जा रही है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जी जो हैं गाइज, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, उनको अब जगन्नाथ आश्रम से
जाना जाएगा, राइट। तो जगन्नाथ आश्रम इनका नाम रखा था। इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका नाम रखा है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI। और ये पूरी दुनिया भर में तीसरी यूनिवर्सिटी हम लोग को देखने को मिल रही है रेलवे के ऊपर स्पेसिफिकली बनाई गई ये यूनिवर्सिटी, यानी कि रेलवे यूनिवर्सिटी। तो पूरी दुनिया भर में अभी तक सिर्फ तीन ही जगह पर रेलवे यूनिवर्सिटी है, एक है रशिया, दूसरी चाइना, तीसरी हमारी इंडिया। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रम अवार्ड की बात करें गाइस, तो 1985 में श्रम अवार्ड जो है उसको शुरू किया गया था। तो ये उन वर्कर्स को दिया जाता है जो लोग अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन के लिए, इंडिजिनाइजेशन के लिए, यानी कि इंडिया में ही चीज़ों को बनाने के लिए, राइट, और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए। तो ये उस पर्पज़ के लिए ये अवार्ड जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जो लोग इन पर्टिकुलर फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ट देते हैं। और चार अलग अलग टाइप के ये श्रम अवार्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर, श्रम वीरंगना, श्रम देवी या श्रम श्री। तो इस प्रकार के ये चार अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, तो ये 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी वन एवरीवेयर, यानी कि पूरी ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो 3 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और 2018 की इसकी थीम थी एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी, राइट। तो ये थीम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखनी है आपको। वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रिडर रेलवे ब्रिज हम लोग को देखने को मिल गया। अब देखो ग्रिडर क्या होता है, तो ग्रिडर का मतलब जो पिलर नहीं होते, ब्रिज जो होता है वो पिलर के ऊपर खड़ा रहता है, तो वो जो पिलर होता है उसको ग्रिडर बेसिकली बोला जाता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रिडर रेलवे ब्रिज जो है वो हमारे इंडिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये मणिपुर में कंस्ट्रक्ट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर दिया है और मणिपुर में ये हम लोग को ब्रिज देखने को मिल रहा है, जिसकी हाइट बताई जा रही है 141 मीटर्स की, यानी कि 462.598 फीट की। और ये बताया जा रहा है कि जो यूरोप के अंदर स्थित माला रायजेका वाइडक्ट इन मॉन्टेग्रो, जो मॉन्टेग्रो में जो एक ब्रिज है बेसिकली यूरोप के अंदर 139 मीटर्स का, तो उससे भी ऊंचा अब ये 141 मीटर्स का ब्रिज जो है वो रेलवे ब्रिज ये हमारे इंडिया में मणिपुर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और देखिए गाइस, काफ़ी सारे ब्रिज वगैरह की यहाँ पर बात की जा रही है इसी साल में, अगर आप देखो 2018-19 में काफ़ी सारे ब्रिज आ गए हैं, टनल आ गए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में है, तो इन सब चीज़ों का एक सेपरेट आप अपने नोट्स तैयार करके रखो क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। और इस ब्रिज का नाम रखा है ब्रिज नंबर 164, राइट। तो ये इसका नाम रखा है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब नाम वगैरह, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे, बट मे बी ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो, वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज जो है, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अब ट्रेन 18 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पहली इंजनलेस ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रही है, ट्रेन 18, जो कि 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर दौड़ रही है और जिसको सक्सेसफुली जो है वो इसका टेस्ट वगैरह हो गया था। और आप जानते हो कि लोगों ने भी इस ट्रेन को तोड़ताड़ भी दिया था, पथराव वगैरह कर दिए थे इस ट्रेन के ऊपर, तब भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो देखो मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, हालांकि अभी इस ट्रेन 18 का नाम जो है वो बताया नहीं, बट आप लोग को नाम इसका पता ही, सभी को पता है इसका नाम, क्योंकि काफ़ी जो है वो हमारे लिए प्राइड की बात है कि हमारे इतनी फास्ट इंजनलेस ट्रेन हम लोग को देखने को मिली और काफ़ी शानदार, इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इस ट्रेन 18 का नाम क्या रखा था, राइट। तो इसका नाम तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जरा देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी तेज़ है, अच्छा है। तो क्योंकि ये न्यूज़ जो आप लोग पढ़ रहे हैं दिसंबर 2018 की पुरानी, आप लोग खुद ही जानते हैं, तो इसका नाम तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख के। अब ट्रेन 18 की थोड़ी सी बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, वहाँ पर ये ट्रेन जो है वो बनाई गई थी और मात्र 20 महीने में इस ट्रेन को जो है वो बिल्डअप किया था, मात्र 20 महीने में। और 100% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये, पूरी की पूरी ट्रेन इंडिया में बनाई गई है, कहीं से भी हम लोग ने दूसरी कंट्री की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं ली है, राइट। तो टेक्नोलॉजी शेयर वगैरह भी नहीं होगी, हमने खुद ब खुद जो है वो इस ट्रेन को बनाया। और इवन ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जितने की ये ट्रेन हम लोग इम्पोर्ट कराते हैं उससे आधे कॉस्ट में ये ट्रेन जो है वो हमारी बन के तैयार हो गई है। काफ़ी फैसिलिटीज है इस ट्रेन के अंदर, आप वीडियो वगैरह देखिएगा, इस ट्रेन की वीडियो भी लीक हो गए और कई सारे लोगों में भी शायद आप लोग देख रहे होंगे, तो आपने ट्रैवल भी किया होगा इस ट्रेन में, राइट। अब बात करने हैं SRPHI के बारे में, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस, ये कैप्चर करेगी पेमेंट हैबिट्स इंडिविजुअल्स की। तो ये बोला जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्वे कंडक्ट करवा रही है, जिस सर्वे का नाम है सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, इसका नाम ही है ये SRPHI।
तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी लोग पेमेंट्स वगैरह करते हैं किस तरीके से करते हैं, तो उसका एक सर्वे जो है वो कंडक्ट कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये सर्वे कंडक्ट करने के फायदे बहुत सारे होंगे, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता लगेगा कि लोग जो है वो किस किस एरिया में किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, राइट, पेमेंट वगैरह करने के लिए, राइट, और लोगों को क्या परेशानियां हो रही है। तो उसका एक पूरा ओवरऑल सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट इंडिया को जो है वो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात चल रही है, और उसके लिए एक नंदन निलेकानी कमेटी भी डेवलप की जा चुकी है, जो कि डिजिटल पेमेंट के ऊपर जो है वो काम कर रही है। निलेकानी कमेटी के नाम से जनरली जान रहे हैं हम लोग। और नंदन निलेकानी जी की बात करें तो ये ऑलरेडी फॉर्मर सीईओ हम लोग को देखने को मिल चुके हैं इंफोसिस के, इवन आधार आर्किटेक्ट भी इनको जो है वो माना जाता है, नंदन निलेकानी जी को। अब नेक्स्ट पिलर की बात करें एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की, तो बहुधा रूकरी की यहां पर बात की जा रही है। तो न्यू ऑलिव रिडले मास नेस्टिंग साइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ओडिशा के, उन्होंने स्टार्ट करी है एक नई ऐसी जगह जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो अपने अंडे दे सकेंगे। तो ये बहुधा रिवर जो है उसी के पास में ये साइट जो है वो बनाई गई है। और देखो ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, राइट। तो याद रखना कि इसकी नई नेस्टिंग साइट जो है वो अब हम लोग को देखने को मिल गई है, जो कि ओडिशा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है बहुधा नदी के माउथ पे, राइट। तो इसको बहुधा रूकरी के नाम से भी जाना जा रहा है। अब देखिए ओडिशा जो है वहां पर पूरी दुनिया भर में जितने भी ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ना, तो उसके 50% ऑलिव रिडले टर्टल्स हम लोग को ओडिशा में देखने को मिल जाते हैं। और IUCN की रेड लिस्ट में ये टर्टल जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, याद रखिएगा। और इन टर्टल को प्रोटेक्शन दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर। और गाइस यहां पर बताया जा रहा है कि जो CITES है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसके अंडर भी इन टर्टल्स के जो ट्रेडिंग होती है उसको बैन किया गया है। और इवन इन टर्टल्स के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, जैसे कि किसी प्लांट से मेडिसिनल प्रोडक्ट बन जाते हैं, किसी एनिमल को मारकर चमड़ा या वेरियस चीजों के लिए एक एनिमल को मार दिया जाता है, तो और उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। तो CITES के अकॉर्डिंग जितने भी बताया जा रहा है कि इस ऑलिव रिडले टर्टल्स को मारकर इनके जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी बैन किया गया है, जिससे कि वो प्रोडक्ट्स मार्केट में ना बिकें। और प्रोडक्ट्स मार्केट पर नहीं बिकेंगे तो लोग बाग ऐसे स्पीशीज को मारेंगे नहीं, तो इसलिए CITES इन सब चीज़ों पर काम करती है। और इसको ऑलिव रिडले टर्टल को पैसिफिक रिडले सी टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, और यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट के तौर पर जो है ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इवन बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये हम लोग को देखने को मिला था, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो लाई गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम करके, राइट, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। अब देखो स्पेसिफिकली हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज़ तो याद रखना है आपको कि ये नागालैंड में फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, और नागा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है। अब नागा जो है वो एक ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है नागालैंड के अंदर, और ये हॉर्नबिल क्या है गाइस, तो हॉर्नबिल एक चिड़िया हम लोग को देखने को मिलती है, एक बर्ड हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। आप देखो ये हॉर्नबिल बर्ड है, राइट, तो इसी को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और नागा लोग जो है वो इस बर्ड को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मानते हैं, और ये बर्ड हम लोग को देखने को मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में, हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अब देखो ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है, ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। अब एक्सरसाइज सी क्लीन 2018 के बारे में बात की जा रही है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसको बोला जा रहा है क्लीन सी 2018 एक्सरसाइज। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्लीन सी 2018 एक्सरसाइज जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट की गई है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट की गई है। फोकस ये है कि जो समुद्री एरिया जो है जो पल्यूट हो रहा है, और स्पेशली यहाँ पर ऑयल स्पिल्स की बात की जा रही है, जो ऑयल्स वगैरह जो होते हैं गाइस वो शिप वगैरह के थ्रू जो है समुद्र में फैल जाते हैं, और आपको पता है कि ऑयल फैलने से कितना नुकसान है। ऑयल क्या होता है कि पानी के ऊपर एक परत क्रिएट कर देता है, परत क्रिएट करने से होने वाले नुकसान ये होते हैं कि जो उसके नीचे का जो जीवन है, पानी के नीचे का जीवन, वो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में जो है वो पड़ जाता है, राइट। ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाती है प्लांट्स वगैरह को, प्लांट्स मर जाते हैं, नीचे कई सारी स्पीशीज रहती हैं वो मर जाते हैं। तो ये इस क्लीन सी इनकी एक्सरसाइज के थ्रू जितने भी ऑयल स्पिल्स एरियाज वगैरह हैं, राइट, तो उसको क्लीन करने पर फोकस कर रही है ये इंडियन कोस्ट गार्ड। और भी ना ही सिर्फ ऑयल, और भी कई सारे पॉल्यूशन पर भी यहाँ पर फोकस किया गया, जो समुद्री सी पॉल्यूशन जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं। COP 24 के बारे में बात की जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24,
जो यूनियन मिनिस्टर, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है गाइस, उन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडियन पवेलियन को, और इसकी 24th मीटिंग में हम लोग को इसका इनॉग्रेशन हम लोग को इंडियन पवेलियन का देखने को मिला था, COP24 का, और ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP24 था, राइट। तो ये कटोवाइस पोलैंड में कंडक्ट किया गया था, जिसकी इंडियन पवेलियन की इसकी थीम थी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अब वर्ल्ड सॉइल डे की बात करें तो याद रखिएगा कि 5th of December को वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का ये वर्ल्ड सॉइल फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है, और 2018 की थीम है बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पोल्यूशन। अब देखिए गाइस, यहां पर बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात की जा रही है, तो हर साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, और इस अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए से लेकर 51 लाख रुपए तक का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो देखो गाइस, जो भी लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट के काम पर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, या लोग या ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल वगैरह, तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ इंडिविजुअल हुआ, तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हालांकि नाम से ही क्लियर हो गया ये वाली चीज, बेसिक चीजें। अब देखिए, पुंगन्नौर काऊ के बारे में बात की जा रही है, पुंगन्नौर काऊ, तो पुंगन्नौर काऊ जो है ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट ब्रीड है, काऊ की यानी कि कैटल की सबसे छोटी ब्रीड पूरी दुनिया भर की, पुंगन्नौर काऊ। तो देखो एक बार पुंगन्नौर काऊ जो है ना, उसकी फोटो देखिएगा और आपको शॉकिंग लगेगा कि ये काऊ जो है उसकी हाइट हम लोग को सिर्फ 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर की ही देखने को मिलती है, 70 to 90 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, सेंटीमीटर, समझ रहे हो कितना होता है। तो एक बार देखिएगा इसको, फोटो वगैरह देखिएगा, काफ़ी शानदार लगेगी ये आपको काऊ। और देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए थी गाइस क्योंकि जो पुंगन्नौर काऊ है, पहली चीज़ तो ये भी याद रखना आप कि ये काऊ जो है वो आंध्र प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलती है, और न्यूज़ में ये इसलिए थी क्योंकि यहाँ के फार्मर्स वगैरह जो है ये इस काऊ की क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जिसके चलते ये जो काऊ है वो एक्सटेंड होती हुई जा रही है, यानी खत्म होती हुई जा रही है इस काऊ की ब्रीड। तो इस काऊ की ब्रीड के प्रोटेक्शन के लिए को लेकर आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने वेरियस एक्शन जो है वो लिए हैं, और इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था पुंगन्नौर काऊ का। अब पोकाली पैडी के बारे में बात करें तो सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पैडी हम लोग को देखने को मिलती है, और केरला के अंदर ये पैडी जो है वो पाई जाती है, पोकाली पैडी, और ये बेसिकली पोकाली एक तरह का कल्टीवेशन है, जिस कल्टीवेशन में राइस और फिश यानी कि चावल और मछली, तो ये एक साथ जो है इसका कल्टीवेशन होता है, राइट, रोटेशनल बेसिस पर राइस फिश जो है ये रोटेट करते रहते हैं। आप जानते हो कि चावल जो है उसको उगाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और मछली भी पानी के अंदर रहती है, तो ये फिश कल्टीवेशन और राइस कल्टीवेशन एक साथ ही हम लोग को देखने को मिलता है, और ये मेथड जो है वो रोटेशनल बेसिस पर चलता है इनका। और ये पोकाली पैडी जो है, पोकाली राइस के नाम से भी इसको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया हुआ है, राइट, क्योंकि इसके इनका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है राइस को उगाने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग को देखने को मिलता है। अब गाइज, नेक्स्ट पिलर जनरल साइंस की बात करें तो अकादमिक लोमोनोसोव के बारे में बात की जा रही है, तो दुनिया की पहली फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, जो कि रशिया के द्वारा बनाई गई है, और ये पता है यार, इस न्यूज़ में बोल रहे थे कि ये आने वाली है, बट अब आप जानते ही हो कि ये जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 2019 में। अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी कुछ समय पहले मुश्किल से मेरे ख्याल से ऑगस्ट लास्ट वीक में इसको जो है वो लॉन्च कर दिया गया था। अब देखिए, बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सिमन के बारे में, तो सिमन जो रोबोट है गाइस, ये हम लोग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर देखने को मिल गई है। अब देखो, इस रोबोट को तैयार बनाया ही इसलिए था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो साइंटिस्ट रिसर्चर जो काम करते होते हैं तो उनको ये असिस्ट करेगी बेसिकली, और सिमन का फुल फॉर्म है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। तो ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो इतने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स काम कर रहे हैं, तो उनको जो है ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये मात्र 5 किलोग्राम की है सिमन, और इसको बनाया है जर्मन स्पेस एजेंसी DLR, एयरबस और IBM कंपनी के द्वारा, तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। और VG-18 की बात करें, 2018 VG-18 तो क्या है गाइस, ये तो ये मोस्ट डिस्टेंट बॉडी है जिसको अभी तक ऑब्जर्व किया गया है। अब देखो ये, आप देखो इस फोटो में देखो, आपको दिखाई दे रहा है सूर्य है, मरकुरी, अर्थ, वीनस, मार्स, तो ये प्लैनेट आपको इस तरफ देखोगे आप तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये कुछ प्लैनेट दिख जाएंगे, जिसमें से हमारी धरती भी हम लोग को देखने को मिल रही है। और जिस हम लोग अभी प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है, जिसका नाम रखा है VG-18, तो ये इतनी दूर है। अब ये बोला जा रहा है कि धरती और सूर्य का जो डिस्टेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो उतना दूर है ये प्लैनेट हमारी धरती से, यानी कि जितनी धरती और सूर्य के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो उतनी दूर पर ये प्लैनेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि काफ़ी
दूर दराज का प्लैनेट है जो कि अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, जिसका नाम रखा है 2018 VG18। तो VG18 अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही दूर का ये प्लैनेट है जो कि अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है, और इसको फार आउट नाम से भी जाना जा रहा है। फार आउट यानी काफी दूर है ये, राइट? तो इसका नाम ही फार आउट रख दिया है, और इसको डार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा है। आप जानते हो कि डार्फ प्लैनेट जो है वो काफी दूर दराज के प्लैनेट होते हैं, जैसे कि प्लूटो, प्लूटो भी डार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया है, राइट? और सेकेंड मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जर्व्ड सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इतनी दूर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और जो इससे पहले जो काफी दूर दराज का जो प्लैनेट, जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, उसका नाम था ईरिस, राइट? जो कि 96 AU का था। अब 96 AU यानी कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 96 है, क्योंकि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको 1 AU के नाम से जाना जाता है, और उसको अगर आप 96 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ईरिस आपको दिखाई दे देगा, और अगर आप 120 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये फार आउट प्लैनेट जो है वो आपको दिखाई दे देगा, या फिर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे देगा। और प्लूटो कितनी दूर पर है हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये 34 AU जितनी दूरी पर है ये, राइट? तो देखो कितने दूर दराज के प्लैनेट जो है वो डिस्कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात की जा रही है फ्लोटिंग सोलार प्लांट के बारे में। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्लांट जो है अभी तक का हमारे इंडिया में, फ्लोटिंग सोलार प्लांट आप समझ रहे हो, यानी कि जो ये आप फोटो देखो आप, तो ये नदी के ऊपर जो है ये सोलार ग्रिड्स बिछे हुए हैं, फ्लोट हो रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग सोलार प्लांट है। और सोलार ग्रिड से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, सभी लोग आप जानते हो उसके बारे में। तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार प्लांट हमारे इंडिया में अभी तक की डेट का ये 2 MW का था, जो कि एक विशाखापट्टनम में हम लोग को देखने को मिलता है 2 MW का। और अब बताया जा रहा है कि कंट्री का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्लांट 50 MW का ये सेटअप किया जा रहा है रिहंड डैम में। रिहंड डैम गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद रिवर जो है उसकी ट्राइब्यूटरी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की ट्राइब्यूटरी है, और उत्तर प्रदेश में ये हम लोग को सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। तो वहां पर ये रिहंद डैम है, जहां पर इस डैम के ऊपर ये आपको 50 MW का फ्लोटिंग सोलार प्लांट जो है वो देखने को मिल जाएगा, 50 MW का। और एक और हम लोग को देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक था 2 MW का और एक 500 kWh की बात की जा रही है, तो ये 500 kWh का जो ये प्लांट था, ये एक तो हमने बात करी एक अभी तक की डेट का, एक विशाखापट्टनम में है, दूसरा जो है वो हम लोग को बानासुर सागर डैम में हम लोग को देखने को मिल जाता है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। तो एक आपको दिखाई दे देगा विशाखापट्टनम केरला में, और दूसरा है, और तीसरा आपको यूपी में देखने को मिल रहा है। तो अब देखो एक मेन चीज़ याद रखना कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्लांट है हमारे इंडिया में वो 50 MW का है, और वो उत्तर प्रदेश की सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिल गया। तो सिंपल सी चीज़ याद रखिए। कंधामल हल्दी के बारे में बात करें तो ओडिशा की ये कंधामल हल्दी है, और कंधामल बेसिकली इस जो हल्दी आप देख रहे हो उस फोटो में, तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी अभी मिला हुआ है। आप जानते हो कि हल्दी के फायदे कितने सारे होते हैं, राइट? चोट लग जाती है तो उसमें भी हल्दी काफ़ी फायदेमंद होती है, सर्दी वगैरह किसी को जाती है तो उसमें भी हल्दी पिया जाता है, तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के चलते हल्दी जो है वो जानी जाती है। अब कंधामल हल्दी को GI टैग जो है वो मिल गया है। और अब मिसलिनियस टॉपिक्स के बारे में बात करें, न्यूज़ के बारे में बेसिकली, मिसलिनियस जो भी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ अलग अलग टाइप की जो कि हमारे टॉपिक के बाहर की है, राइट? तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आ सकती है एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक रसोगुल्ला फेस्टिवल है, अब रसगुल्ला आप सभी लोगों ने खाया होगा, तो ये रसोगुल्ला फेस्टिवल है, तो ये कोलकाता में हम लोग को रसोगुल्ला फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो इस रसोगुल्ला फेस्टिवल में जिस इंडिविजुअल ने रसगुल्ला को इन्वेंट किया था, अब रसगुल्ला को किसने बनाया था, नबीन चंद्र दास ने रसगुल्ला को बनाया था, राइट? और ये वेस्ट बंगाल की स्वीट है, वेस्ट बंगाल की डिश हम लोग को देखने को मिलती है, स्वीट डिश रसगुल्ला। तो इसको बनाने वाले व्यक्ति जो थे नबीन चंद्र दास, तो इनका एक पोस्टल स्टैम्प जो है वो तैयार किया है, रिलीज किया था वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने, और 150 साल पहले जो है वो नबीन चंद्र दास जी ने रसगुल्ला बनाया था, और यहीं पर ही एक रसगुल्ला फेस्टिवल हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 3 दिन का फेस्टिवल है ये, राइट? याद रखिएगा गाइस आप लोग इसके बारे में। अब बात करें हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो इसका 7th एडिशन अभी रिसेंटली हम लोग को चाइना में देखने को मिला है, और इंडिया और चाइना के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, और प्राइमरी फोकस इसका होता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के ऊपर। अब देखो नेशनल मैथमेटिक्स डे 2018 की बात की जा रही है, तो देखो आपने नाम सुना होगा श्रीनिवास रामानुजन का, तो ये फेमस मैथमेटिशियन है, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, और उसी दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो हरियाणा की झाझर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिला है, जो कि ओपन किया गया है।
तो ये हो गई पूरी प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स की बात। तो इतने जितने भी अभी हम लोग ने बात करी करंट अफेयर्स की, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मेंस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक टू टॉपिक, जनरल स्टडीज, पेपर 1, 2, 3 तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 के अंदर हमारा पहला पिलर आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। यहाँ पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। तो याद रखना आपकी ये स्कीम जो है वो दिल्ली की है। इस स्कीम के थ्रू जो दिल्ली में रहने वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 रिलीजियस सर्किट्स में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और ये रूट्स कौन से हैं, दिल्ली मथुरा वृंदावन आगरा फतेहपुर सिकरी दिल्ली, तो ये एक रूट है। दूसरा है दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश नीलकंठ दिल्ली, दूसरा हो गया। तीसरा है दिल्ली अजमेर पुष्कर दिल्ली, चौथा हो गया दिल्ली अमृतसर बाघ बॉर्डर आनंदपुर साहिब दिल्ली। तो देखो दिल्ली से शुरू हो रहा है, दिल्ली पे वापस खत्म हो रहा है। तो ये 5 अलग अलग टूर्स हैं जिनमें, यानी कि टूर रूट्स हैं जिनमें जाने का मौका जो है वो मिलेगा दिल्ली में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स को, राइट। तो जो भी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर की होगी तो उनको ये मौका मिलेगा इस टूर में जाने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब भेजे जाएंगे सीनियर सिटीजन्स। और इवन ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग 70 साल के ऊपर की उम्र के हैं वो अपने साथ एक 20 साल के ऊपर की उम्र के अटेंडेंट को ले जा सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें देखो यहाँ पर मेंशन ये नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन होंगे वो किस कैटेगरी के होंगे, क्या वो बीपीएल के होंगे, क्या वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के होंगे, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली में स्थित जितने भी सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पर जा सकते हैं, बट ये बोला जा रहा है कि प्रेफरेंसेस दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बुजुर्गों को। तो कोई भी इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी ये कि जो भी पहले जाता है उसको पहले मौका मिलेगा ट्रैवल करने का फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि कर्नाटका की हाई कोर्ट ने यह बोला था कि कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी टैग जो है वो लिंगायत या फिर वीर शैवा कम्युनिटी को नहीं दिया जाएगा। तो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लिंगायत और वीर शैवा कम्युनिटी कहां की है, कर्नाटका की, क्योंकि कर्नाटका में ये न्यूज में हम लोग को देखने को मिली थी। तो हाईकोर्ट ने ये बोला था। अब ये बोला इसलिए था क्योंकि गाइस काफी समय से ये दोनों कम्युनिटी जो है वीर शैव्या और लिंगायत, तो ये जो है डिमांड कर रही थी कि इनको माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो दे दिया जाए। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक पार्ट जो था कम्युनिटी का वो डिमांड कर रहा था कि माइनॉरिटी स्टेटस दोनों को दे दिया जाए, और दूसरा पार्ट डिमांड कर रहा था कि सिर्फ लिंगायत जो है उन्हीं को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, क्योंकि वीर शैव्या को ये लोग बोल रहे थे कि ये हिंदू है। अब देखो इतना डिटेल में आपको खिचड़ी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चीज याद रखो जो कि एग्जाम में काम की होगी, वीर शैव्या और लिंगायत, और चाहो तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और आप पढ़ लेना, राइट। लिंगायत और वीर शैव्या के बारे में तो आप चाहो तो ये जो आपको सामने ये डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि लिंगायत जो है उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, वीर शैव्या का ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, तो ये याद कर लोगे आप तो इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके ध्यान में आ सकती हैं, राइट, एग्जाम में आ सकती हैं। सिर्फ वीडियो को पॉज करके ये चारों चीज़ें याद करो कि इन दोनों का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, वर्शिप कहाँ पे किसकी करते हैं ये लोग। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि लिंगायत जो है जो फॉर्मलेस एंटिटी है शिवा का, तो उसकी वर्शिप करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मलेस एंटिटी यानी कि इनका कोई फॉर्म नहीं है शिवा का, राइट। जैसे कि वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो सिर्फ शिव जी का जो है वो मेडिटेशन के थ्रू ध्यान करते हैं और उस हिसाब से ये लिंगायत पूजा करते हैं। बट वहीं वीर शैव्या जो है वो जैसे कि शिव जी जो ह्यूमन फिगर में हम लोग को जो देखने को मिलते हैं जटाधारी शिव जी, तो वो उनकी पूजा करते हैं, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, राइट, वीर शैव्या। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि राजकुमार शुक्ला जो है गाइस उनका पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया है। अब देखो राजकुमार शुक्ला जी के बारे में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये इनके कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिले थे महात्मा गांधी जी का, जो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था 1917 के दौरान, तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा डिटेल में, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप नहीं भी पूछे जाएंगे मेंस में तो आप ऐसे टॉपिक्स में एग्जाम्पल्स वगैरह के तौर पर भी आंसर लिख सकते हो अपना। अब देखो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे रिलीज किया था एक और कॉइन और पोस्टेज स्टाम्प पाइकर रेबिलियन के ऊपर। अब पाइकर रेबिलियन आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, राइट। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था, यानी कि इसका उद्घाटन किया था ललितगिरी के अंदर। तो बेसिकली पाइकर रेबिलियन, अब पाइकर रेबिलियन क्या है इसके बारे में दो तीन चीजें आप ध्यान में रखो, जैसे कि पाइकर रेबिलियन जो है जिसको पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ओडिशा के अंदर हुआ था, ये विद्रोह हुआ था ओडिशा के अंदर 1817 में। तो ये पाइका रेबिलियन हुआ था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आर्म्ड रेबिलियन हुआ था पाइका का। अब 1817 की बात की जा रही है और आप जानते हो कि 1857 जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे पहला वार था इंडिया का,
इंडियंस का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहला वार था, राइट, हम लोग को देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है, ओडिशा के अंदर ऑलरेडी 1817 में एक आर्म्ड रेबिलियन कंडक्ट किया जा चुका था, पाइका विद्रोह, पाइका रेबिलियन के नाम पे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था, किससे, मतलब किसके बीच में हुआ था, मैंने आपको बता दिया क्यों हुआ था, थोड़ा पढ़ो आप और उसके बारे में थोड़ी डिटेल और ध्यान में रखो, क्योंकि ये क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जो चीज़ें आती है ना वो स्टैटिक पोर्शन से लिंक होती है। तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स में ये मेन मेन चीज़ें जो मैं आपको बताता रहूँगा वो चीज़ें कि आप नोट्स बनाइए और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए, राइट। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या किसका उद्घाटन किया, एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का। कहाँ पर है ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ललितगिरी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और ललितगिरी किस लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट है ओडिशा की। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट जो थे वो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे, राइट, स्टार्टिंग पीरियड में। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जाती है। और भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर की दूरी पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है करंट अफेयर्स में जो लोग स्किप कर जाते हैं, और वही चीज़ आपसे स्टैटिक में पूछी जाती है, फिर आप सोचते हो कि यार स्टैटिक में ये पूछना है, करंट अफेयर्स में ये नहीं पूछना। बट होता ये है कि एग्जाम में स्टैटिक पोर्शन में जो चीज़ें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिंकअप करना है, जो कि मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है स्पेशली स्टैटिक पोर्शन के लिए भी। अब देखिए बताया जा रहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन को डेवलप किया है, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर जाते हो टूर करने के लिए तो आपको क्या चाहिए होता है, गाइड चाहिए होता है। बट यहाँ पर एक ऐसी मोबाइल ऐप ऑडियो गाइड जो है वो लॉन्च करी है, जिसमें कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर जिस प्लेसेस के बारे में आपको ऑडियो के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो 5 आइकॉनिक प्लेसेस के लिए जो है ये मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की गई है, और ये अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर ये हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि MOU जो है वो साइन की गई है, राइट। तो ये 5 आइकॉनिक प्लेसेस कहाँ कहाँ की है, अब देखो आमेर फोर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो ये 5 आइकॉनिक प्लेसेस के लिए जो है ये मोबाइल ऑडियो गाइड एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, डेवलप हुई है। तो आपसे शायद ये ना भी पूछ लिया जाए, इस एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि आमेर फोर्ट कहाँ पर है, काजीरंगा कहाँ पर है, क्लोवा बीच कहाँ पर है, कुमारकोम कहाँ पर है, राइट, महाबोधि टेंपल कहाँ पर है। तो इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में आ जाए क्या पता क्वेश्चन, तो आपको हर तरफ से जो है वो प्रिपेयर होना है। अब देखिए इसके अलावा और भी हम लोग को देखने को मिला था कि 7 शॉर्टलिस्ट एजेंसी जो है जिन्होंने भी लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो इशू किया था, जैसे कि तेलंगाना की आलमपुर टेंपल, मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका रॉक शेल्टर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये इसमें आप बेसिकली लोकेशन याद रखो, राइट, कि गुजरात में हम लोग को बुद्धिस्ट केव देखने को मिलती है ऊपरकोट, राइट, रानी की वाव कहां पर है, तो ये भी गुजरात के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये भी गुजरात में है। यूरोपियन टॉम्ब हम लोग को देखने को मिलता है, यूरोपियन टॉम्ब भी गुजरात में ही, अली चीज याद रखिएगा, लोथल गुजरात में है। आपसे IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड लोथल के बारे में पूछ लिया जा सकता है, तो ये गुजरात में है, राइट, याद रखना आपको। खजुराहो टेम्पल्स जो है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो मध्य प्रदेश में है। महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। महाराजा छत्रसल म्यूजियम कॉम्प्लेक्स ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार की लोकेशन आपको याद रखनी है। आप अडॉप्ट अ हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट जो है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के बीच में। इसमें फोकस किया जाता है कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं उनको अच्छा किया जाए और वहां पर टूरिज्म को जो है वो बूस्ट किया जाए, राइट, और लोगों के बीच में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हमारा जो हेरिटेज है इस प्रकार का है और आपको प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ जो इंडिया के जो लोग हैं उनको भी फोकस किया जाता है कि वो वहां पर जाकर जो है वो टूर करें उस प्लेसेस वगैरह में, समझ रहे हो बातों को। अब ललितगिरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म या फिर बुद्धिस्ट की स्पेशल साइट जो है ये मानी जाती है, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए डायमंड ट्राइंगल की बात करें तो ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी को, ये तीनों साइट्स जो हैं उनको डायमंड ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये याद रखना आपकी इस जगह पर तांत्रिक बुद्धिज्म की प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। बुद्धिज्म में भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं, तांत्रिक बुद्धिज्म हो गया जैसे, तो तांत्रिक बुद्धिज्म के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। कर्म काग्यू स्कूल की बात की जा रही है तो ये सिक्किम के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, कर्म काग्यू स्कूल, याद रखिएगा गाइज आप। तो ये वन ऑफ द 4 मेन स्कूल्स हैं टिबेटन बुद्धिज्म के, उनमें से एक है ये कर्मा काग्यू स्कूल, बस इतना ही आप ध्यान में रखो इसके बारे में। अब नेक्स्ट पिलर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडोनेशिया सुंडा स्ट्रेट सुनामी, अब देखो सुंडा स्ट्रेट कहां पर है ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो ये इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर एक सुनामी हम लोग को देखने को मिली थी, जिस सुनामी के चलते काफी सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी, राइट, तो याद रखना आपको।
अब गाइस सुनामी कैसे आई है, तो इंडोनेशिया की क्लाइमेटोलॉजी एजेंसी का कहना है कि सी के अंदर यानी कि समुद्र के नीचे लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते क्या हुआ, यहां पर एक माउंट अनक क्रकाताऊ है। अब देखो ये नाम याद रखना है कि माउंट अनक कहां पर है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंडोनेशिया में है। तो ये माउंट अनक जो है गाइस ये ट्रिगर हुआ और इससे वॉल्केनो जो है वो निकला। तो यहां पर इनका कहना है कि यहां पर जो सुनामी आई है ये बेसिकली लैंडस्लाइड के चलते आई है, जो नीचे समुद्र के नीचे एक लैंडस्लाइड हुई जिसके चलते एक ट्रिगर हुआ माउंट अनक को, राइट। तो उसके चलते सुनामी आई और काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई, और जिसके बारे में हम लोग ने प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया था कि लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हो गई थी यहां पर इंडोनेशिया में अर्थक्वेक के आने के चलते। गाइस जब बात की जा रही है विंटर सोलस्टिस 2018 के बारे में, तो 21 दिसंबर को ये विंटर सोलस्टिस ऑब्जर्व किया गया था। हर साल ये विंटर सोलस्टिस होता है और इस समय जो सूर्य जो होता है गाइस ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। देखो प्रैक्टिकल टर्म्स में आप सभी जानते हो कि सूर्य जो है वो घूमता नहीं है, वो हमारी धरती घूमती है, बट ये ऐसा समझने के लिए बताया जाता है कि सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। तो उसको समझने के लिए रखो, एक्चुअल तरीके से ये मत बोलना कि सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, बिकॉज यू ऑल नो कि सूर्य अपनी जगह पर ही है, धरती अपना चक्कर, धरती जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और रोटेट होती है, यानी कि आपस में अपने एक्सिस में गोल घूमती है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, तो देखो सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग को लगता है कि सूर्य जो है वो उगा है, शाम में हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है वो ढल रहा है, और दिन में 12 बजे देखते हैं सूर्य हमारे सर के ऊपर है। बट क्या एक्चुअल में सूर्य का मूवमेंट हो रहा है? नहीं, वो तो सिर्फ हम लोगों ने समझने के लिए हम लोग इस प्रकार की टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं थ्योरेटिकल टर्म्स में। तो याद रखना विंटर सोलस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूर्य होता है और धरती दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, आप सभी जानते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर पे है। तो विंटर सोलस्टिस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सोलस्टिस मनाया जाता है दिसंबर के समय पे, और 2018 में दिसंबर 21 विंटर सोलस्टिस था। और आप जानते हो कि दिसंबर का समय जैसे ही यानी कि दिसंबर का मंथ जैसे ही हम लोग प्रोनाउंस करते हैं या जैसे ही दिसंबर के महीने के बारे में सोचते हैं इंडिया में, तो हम लोग के दिमाग में आते हैं कि यार बहुत ठंड है। बट किसी ऑस्ट्रेलियन से आप पूछना कि दिसंबर के समय पे क्या होता है, आपके आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो वो बोलेगा कि यहाँ पर गर्मी है। जैसे कि और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, दिसंबर में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, तो जब जहाँ पर भी हम लोग क्रिसमस का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि यार ठंड है, ठीक है इंडिया में, बट वहीं क्रिसमस के समय पर ऑस्ट्रेलिया में ठंड नहीं होती, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इन सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलता है, और इक्वेटर हम लोग को 0 डिग्री पे देखने को मिलता है धरती के, जो इक्वेटर डिवाइड करता है धरती को दो पार्ट्स में, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब देखना आप, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर विंटर सोलस्टिस पे सन होता है, तो इसका मतलब है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर है, सदर्न हेमिस्फीयर पे, वहां पर गर्मी होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहां पर सर्दी होगी। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखो, और बाकी और अच्छे से आपको कंसेप्ट समझना है तो एक बार जीसी लियोंग को पढ़िएगा, और क्योंकि वो तो आपको पढ़ना ही, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या फिर ज्ञान सर के वीडियोस देख लीजिएगा जो कि आपको हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपके पूरे ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो याद रखना है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट लोग ऑब्जर्व करते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हम लोग को शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट देखने को मिलती है। और 2018 में 21 दिसंबर जो था वो विंटर सोलस्टिस था, इस दिन सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वापसी कर रहा है। अब देखो वापसी कर रहा है तो आप समझ ही गए हो कि वो कंसेप्ट क्या है वापसी करने का, वही सेम कंसेप्ट जैसे कि सूर्य सुबह उठते हैं तो सूर्य उगता है, फिर शाम में सूर्य ढल जाता है, तो ऐसा नहीं है, सूर्य अपनी जगह पर ही है, धरती गोल घूम रही है और धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इसलिए कुछ वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अब सोलस्टिस का मतलब क्या होता है, तो सोलस्टिस एक लैटिन वर्ड है सोलस्टिटियम, जिसका मतलब है सन स्टैंडिंग स्टिल, सन अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, बट सन तो अपनी जगह पर हमेशा ही खड़ा रहता है। एनीवेज नेक्स्ट पिलर सोशल इश्यूज की बात करें तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 जो है वो हम लोग को देखने को मिल गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में माल न्यूट्रिशन कुपोषण का बहुत ज्यादा बर्डन है, यानी कि बहुत तेजी से माल न्यूट्रिशन बढ़ता हुआ जा रहा है, कुपोषण बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस रिपोर्ट में आया है। और इसमें बताया गया है कि स्टंटिंग जो है 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की, तो स्टंटिंग जो है गाइस वो स्टंट वाला स्टंट नहीं है, स्टंटिंग उस चीज को बोला जाता है जब जो छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट जो होती है गाइस वो उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, उससे कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को स्टंटिंग बोलते हैं, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि स्टंटिंग जो है वो उसकी प्रॉब्लम पूरी दुनिया भर में घटी है, बट अफ्रीका में इसकी प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि अंडरवेट को एड्रेस करने में प्रोग्रेस हुई है, यानी कि जो बच्चे होते हैं अंडरवेट बच्चे जो होते हैं और जिन बच्चों को एनीमिया होता है, तो अंडरवेट और एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हुई है, यानी कि वास्टेड वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और
ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, बट वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो महिला जो है उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस हुई है, बट हुई है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया भर में प्रोग्रेस जो है वो हम लोग को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखने को मिला है, तो इस रिपोर्ट के थ्रू सामने आया है। और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के बारे में इंडिया परस्पेक्टिव की बात करेंगे। इस रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में क्या कहा, तो बताया कि इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसके दो फॉर्म्स हैं, एक है एनीमिया और दूसरा है स्टंटिंग, राइट। जिसमें बताया जा रहा है कि 37.9% चिल्ड्रन हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम की है तो वो स्टंटिंग से अफेक्टेड हैं, और 20.81% जो बच्चे हैं 5 साल से कम की उम्र के वो वास्टेड से अफेक्टेड हैं, राइट। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और 17.8% अडल्ट मैन और 21.6% अडल्ट वुमेन जो है ये ओवरवेट है, तो हमारे यहाँ ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी है। और 50.4% जो वुमेन है गाइस वो रिप्रोडक्टिव एज उनकी अफेक्टेड है एनीमिया के कारण। तो एनीमिया, स्टंटिंग, ओवरवेट, ये 3 प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, जिसको लड़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और अभी सितंबर 2019 में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर जो है वो नेशनल मंथ ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषण माह है ये। और इस समय इंडिया यानी कि सितंबर में, जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, तो काफ़ी सारी इंडिया नई नई प्रोग्राम्स, नई नई स्कीम्स लेकर आ रही है। और इवन इंडिया ने एक प्रोग्राम ऐसा भी लेकर आया है जिसमें उसने टारगेट किया है कि सभी लोग अपनी डाइट में से 30% शुगर को रिड्यूस कर दें आने वाले 3 सालों में। तो ऐसी चीज़ें भी आप अभी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ में देखोगे। हालांकि मेरा आपको वीडियो मंथली वाला मिलने वाला है, क्योंकि ये मैंने सीरीज शुरू करी है अक्टूबर 2018 से। अक्टूबर 2018 का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, 19 का नवंबर का कंप्लीट हो गया, अब ये दिसंबर का आप देख रहे हो, इसके अलावा जनवरी का लाऊंगा, फरवरी का लाऊंगा। तो इस प्रकार से मंथली पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग जो भी लोग 2019-20 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि यूपीएससी 2019 में आपने पेपर देखा होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पेपर देख के यानी कि आपकी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी कि पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स अब यूपीएससी पूछ रही है। अब पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का फायदा नहीं है। अब जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको पिछले 2019 साल का ही पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो नहीं, 2018 और 19 दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा अगर 2020 को क्वालिफाई करना है। तो अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है, राइट। तो ये तो हो गई थोड़ी सी बात, मैंने आपका थोड़ा समय लिया है ये सब कुछ बताने के लिए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब अगेन करंट अफेयर्स चालू कर देते हैं। हार्ट अटैक रिवाइंड के बारे में बात की जा रही है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने एक न्यू मास मीडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है हार्ट अटैक रिवाइंड नाम का, और इसके थ्रू लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट कर दिया जाए 2022 तक, राइट। तो ये इनका टारगेट है और अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि जो ट्रांसफैट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ट्रांसफैट यानी कि ये आर्टिफिशियल हम लोग को तरीके से जो है वो फैट्स देखने को मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, और जो कि जैसे कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं हम लोग, बर्गर खा रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसफैट डाला हुआ है जो कि हमारी बॉडी को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है। और इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और हम लोग को देखने को मिलता है हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए काफ़ी सारे इंडिया में लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, राइट। क्योंकि ट्रांसफैट को कंज्यूम करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और इसको खत्म करने की बात की जा रही है 2022 में, ये टारगेट रखा है। अब 30 सेकंड का पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है ये, जिसको 17 लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट किया गया है, और 4 हफ्तों के पीरियड के लिए यूट्यूब, फेसबुक, हॉटस्टार, वूट हो गई, और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन रेडियो स्टेशंस हो गए, आउटडोर होर्डिंग्स वगैरह हो गए, यानी कि जो बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगते हैं, तो उसके थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ट्रांसफैट से दूर रहिए, क्योंकि ट्रांसफैट आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। और 60,000 मृत्यु जो है वो हर साल होती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कारण, और ट्रांसफैट के कंजम्पशन के कारण ये मृत्यु हम लोग को देखने को मिल जाती है। और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं FSSAI के, जैसे कि हार्ट अटैक रिवाइंड, जिसके बारे में मैंने भी आपको बता ही दिया। इससे पहले उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, ईट राइट कैंपेन, और अभी भी सितंबर 2019 में एक कैंपेन चल रहा है इसी प्रकार का, ईट राइट कैंपेन, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ी ध्यान में रखना, और इसमें फोकस यही है कि ट्रांसफैट को जो है वो 2022 तक अपनी डाइट में, यानी कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो है उन्होंने भी प्लेज लिया है इस कैंपेन के थ्रू कि ये ट्रांसफैट को जो है, ट्रांसफैट के कंटेंट को एडिबल ऑयल से 2% तक रिड्यूस कर देंगे 2022 में, राइट। और इसके अलावा और भी कैंपेन है, स्वस्थ भारत यात्रा, ये एक इनिशिएटिव है ईट राइट कैंपेन के अंडर,
राइट, जिसमें लोगों का अवेयर किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने भी, WHO ने भी गाइडलाइंस दी थी कि ट्रांस फैटी एसिड जो है उसको कैसे एलिमिनेट करना है इंडस्ट्री वगैरह से, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करी थी इंडस्ट्रीज को, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज को। इंडिया जो है, ये बताया जा रहा है कि इंडिया सबसे पहले 5% से लेकर 2% तक रिड्यूस करेगा 2022 में ट्रांसफैट को। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो पुणे में हम लोग को देखने को मिला है, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसमें दो कैटेगरी होती है, अंडर 17 की और अंडर 21 की हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें स्पोर्ट्स कल्चर जो है इंडिया में उसको रिवाइव करने के लिए खेलो इंडिया को लॉन्च किया गया था। अब ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उन्होंने 2018 जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो रिलीज कर दिया है, और ये 149 कंट्रीज को इस इंडेक्स के अंदर मेजर किया गया, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया जो ये जेंडर गैप इंडेक्स था। जेंडर गैप इंडेक्स आप समझ ही गए हैं कि महिला और जो मैन है, यानी कि मैन और वुमेन जो है, उनके बीच में क्या कितना गैप है, चाहे वो वर्क को लेकर हो गया हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो गया हो। तो इसके लिए चार थीमेटिक डायमेंशन है जिसको, जिसके बेसिस के ऊपर 149 कंट्रीज को रैंकिंग करी थी। और ये डायमेंशन है इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटी की, महिला को, मैन और वुमेन की अगर हम लोग बात करें तो एक काम के लिए मैन को जो है वो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सेम काम के लिए वुमेन को उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि इसमें अगर वेजेस की भी बात करो तो एक घंटे काम करने के लिए मैन को जितना पैसा दिया जा रहा है तो क्या उतना ही इक्वल अमाउंट जो है वो फीमेल को दिया जा रहा है उतना ही सेम टाइम के लिए काम करने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से ये जेंडर गैप जो है वो एनालाइज किया जाता है। एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो ये सब कुछ डायमेंशन है जिसके बेसिस के ऊपर ये रैंकिंग रिलीज हुई है। और आइसलैंड नंबर वन पर है, यानी कि सबसे कम जेंडर गैप हम लोग को आइसलैंड में देखने को मिलता है, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में, राइट। और सबसे ज्यादा जेंडर गैप यानी कि जो इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल के बीच में, जेंडर के बीच में, तो ये सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन के बीच में हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक भी काफ़ी पुअर है, 108th रैंक है इंडिया की, तो काफ़ी ख़राब रैंक है इंडिया की, राइट। और बिल्कुल सेम थी 2017 में भी। तो जेंडर गैप को इंडिया से जो है वो रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके अलावा सेंटर गवर्नमेंट ने जो है गाइस ये कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं क्रैश के लिए। अब क्रैश क्या होते हैं गाइस, तो क्रैश यानी कि झूला घर को हम लोग क्रैश के नाम से जानते हैं। तो वर्क प्लेसेस में झूला घर की फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि वर्क प्लेसेस में जितनी भी मदर्स वगैरह हैं, जितने भी फादर्स हैं जिनके छोटे बेबी हैं, तो वो अपने बेबी को जो है वो रख सकें ऐसे झूला घर में, जिससे कि क्या होगा कि उनके बेबी को जो है वो घर में उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये क्रैश फैसिलिटीज जो है वो लागू करने की बात करी। और पार्लियामेंट ने पास किया था मैटरनल बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिसके थ्रू पेड मैटरनिटी लीव भी एनहेंस करी थी इसमें, यानी कि पहले के समय पे सिर्फ 12 हफ्तों के लिए ही एक मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती थी, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका जब बेबी हो गया तो बेबी होने के बाद 12 हफ्तों के लिए, 12 वीक्स के लिए उनको पेड लीव दी जाती थी, बट अब इसको बढ़ाकर 26 हफ्ते जो है वो कर दिए गए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी इम्प्रूव होगा, राइट। तो ये फोकस किया जा रहा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को इम्प्रूव करने पर फोकस किया जा रहा है, और जो पेड मैटरनिटी लीव जो है उसकी ड्यूरेशन भी इसमें इंक्रीज करी है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिली मैटरनल बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट की। और जो क्रैश फैसिलिटीज़ हैं वो लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसमें जो झूला घर जो है ये बताया जा रहा है कि उन्हीं पर्टिकुलर जो वर्क प्लेसेज हैं वहाँ पर या इंस्टीट्यूशन पर लागू किया जाएगा जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। बट ये मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे उस कंपनी के लिए अब ये मैंडेटरी है कि उनको एक झूला घर जो है, क्रैश फैसिलिटी जो है वो अरेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पर जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चे जो है वो रह सकें, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि वर्क प्लेस से 500 मीटर के अंतर्गत ही होना चाहिए ये क्रैश फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि क्रैश फैसिलिटी कहीं 4-5 किलोमीटर दूर जो है वो अरेंज कर दी हो किसी ऑफिस ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर भी इम्प्लॉय काम कर रहे होंगे या फिर जहाँ पर भी जो वर्क प्लेस होगा उस वर्क प्लेस से 500 मीटर के अंतर्गत ये झूला घर जो है वो ओपन करने की यहाँ पर बात की जा रही करी है। और ये झूला घर जो है 8 से 10 घंटे तक ओपन किया जाएगा, बट अगर किसी कंपनी में डबल शिफ्ट होती हो, जैसे कि सुबह भी काम हो रहा है रात में भी काम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्रैश फैसिलिटी लागू की जाएगी, राइट, ओपन की जाएगी। और कोई भी अनसेफ प्लेसेस नहीं होनी चाहिए इस क्रैश फैसिलिटी के आसपास, जैसे कि ओपन ड्रेन्स, पिट्स, गार्बेज बिन्स, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एक गार्ड होना चाहिए यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है।
और ये भी बोला गया है कि एक सुपरवाइजर होना चाहिए, प्लस ये बोला गया है कि एक सुपरवाइजर और एक ट्रेंड वर्कर भी होना चाहिए, राइट। तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है, वो उसके अकॉर्डिंग आप जो इतना डिटेल में हालांकि वैसे नहीं आएगा, बस ये ध्यान में रखो कि एक क्रैश फैसिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। क्रैश फैसिलिटी यानी कि झूला घर, किंडर्स गार्डन नहीं होता जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं, खेल सकते हैं, राइट। उनके पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं तो वो अपने बच्चों को जो है वो झूला घर में रख सकते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई रहे, राइट। तो ये इसलिए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चालू किया है। अब गाइस बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने ऑर्गेनाइज किया है स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज को, और ये पार्ट है स्वच्छता पखवाड़ा का। और इस चैलेंज में क्या हो रहा है गाइस, तो इसमें जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको कहा जा रहा है कि वो कुछ नए इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आए सैनिटेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर मैनेजमेंट के लिए। और इस इनोवेटिव सोल्यूशन में जो भी बेहतर इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आएगा जो भी स्टार्टअप, तो उसको स्वच्छ भारत ग्रैंड चैलेंज के जो दिया है उसके थ्रू जो अवार्ड्स वगैरह होंगे उससे सम्मानित किया जाएगा, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो रिवॉर्ड किया जाएगा ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह को जो इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आते हैं स्वच्छ भारत के लिए बेसिकली, राइट। तो यानी कि जो भी वेस्ट मैनेजमेंट हो गया इन सब चीज़ों के लिए, समझ रहे बातों को। अब ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर हम लोग को स्वच्छता पखवाड़ा देखने को मिला था, तो उन्होंने सक्सेसफुली इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है स्वच्छता पखवाड़ा को। तो ये 15 दिन का क्लीननेस ड्राइव है। अब देखो स्वच्छता पखवाड़ा कहीं पर आता है तो आपको याद रखना है कि ये क्लीननेस ड्राइव होती है जिसमें साफ सफाई की जाती है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट क्लीननेस एंड ऑल, राइट, हाइजीन एंड ऑल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी स्वच्छता पखवाड़ा को, और 15 दिन का इनका ये प्रोग्राम था जिसको इन्होंने क्लियर कर लिया है। अब ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हम लोग को देखने को मिला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया है जिसके थ्रू जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, तो उनको एम्पावर करने पर फोकस किया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये इसलिए हम लोग को ये प्रोग्राम देखने को मिला। इसमें वेरियस स्टेट गवर्नमेंट की और जो डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हैं, राइट, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। उनको इवन ट्रेनिंग भी ऑफर की जा रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मीडियम से। महिला पुलिस वॉलंटियर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, और इन्होंने महिला पुलिस वॉलंटियर को जो है वो बनाया है, राइट, महिला पुलिस वॉलंटियर। तो ये महिला पुलिस वॉलंटियर क्या होंगी गाइस, तो ये बेसिकली क्या काम करेंगी, तो पुलिस और कम्युनिटी के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करेंगी ये। तो जो यानी कि एक जगह पर, एक एरिया पर कुछ महिला पुलिस वॉलंटियर्स बना दिए जाएंगे, यानी कि एक एरिया पर रहने वाले कुछ लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को वॉलंटियर्स बनाया जा रहा है जो कि क्या काम करेंगी उस एरिया में, जैसे कि कोई भी क्राइम होता है वुमेन के अगेंस्ट तो उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगी, राइट। तो इस पर जो है ये महिला पुलिस वॉलंटियर हम लोग को देखने को मिली है। और हरियाणा जो है वो पहली स्टेट है जिसने इस महिला पुलिस वॉलंटियर को जो है वो अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर काफ़ी सारी स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राइट। तो ये हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी स्टेट में कितनी महिला पुलिस वॉलंटियर्स जो है वो अलॉट की गई हैं, बनाई गई हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको बस मेन चीज़ याद रखनी कि महिला पुलिस वॉलंटियर का काम क्या होगा, कि मैक्स टू मैप्स यही चीज़ जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, राइट। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम लोग आगे, तो उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है। तो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है गाइस उन्होंने लॉन्च किया है उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। ये भुवनेश्वर में इन्होंने लॉन्च किया है जिसके थ्रू वुमेन को हाइजीन प्रोडक्ट्स का एक्सेस दिया जा रहा है, यानी कि जो सैनिटरी नैपकिन है उनका एक्सेस देने की बात की जा रही है वुमेन को। और इवन सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि एक यूनिट बनाई जा रही है जहाँ पर वुमेन्स आकर सैनिटरी नैपकिन जो है वो बना सकें। तो देखो एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, नहीं टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद अक्षय कुमार की एक और इसी थीम के ऊपर बेस्ड एक मूवी आई थी ना, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन के ऊपर बेस्ड ये मूवी थी। तो उसी के आधार पर ही उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, राइट, भुवनेश्वर में। और ये उज्ज्वल सैनिटरी नैपकिन जो है ये लॉन्च हुआ है 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, IOCL, BPCL और HPCL के द्वारा, राइट। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है गाइस ये काउंटर करेगी ओडिशा गवर्नमेंट की खुशी स्कीम को। तो ओडिशा के अंदर एक खुशी स्कीम भी चल रही है, वो भी सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल की, तो उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो है वो दी जा रही है। और इसके लिए एक अलग अलग यूनिट्स बनाई जा रही हैं जहाँ पर इन सैनिटरी नैपकिन को प्रोड्यूस किया जा रहा है वुमेन के द्वारा, वुमेन एम्प्लॉयर्स के द्वारा, राइट। अब इम्प्रेस स्कीम की बात की जा रही है, तो सोशल साइंस रिसर्च को इंडिया में प्रमोट करने के लिए इम्प्रेस स्कीम को लागू किया गया। अब इम्प्रेस का फुल फॉर्म
जो है वो है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च एंड सोशल साइंस। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अगले 2 सालों में दिए जाएंगे कहा जा रहा है, और इसमें सोशल साइंस रिसर्च जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो प्रमोट की जाएगी, राइट। और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस इम्प्रेस स्कीम की। अब इसके अलावा इसके काफ़ी सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये अलग अलग एरियाज़ पर फोकस करेगी, जैसे कि स्टेट एंड डेमोक्रेसी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस, इनोवेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, ग्रोथ, मैक्रो ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, साइंस एंड एजुकेशन, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार की फील्ड में ही इसका काम हम लोग को देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक के बीच में देखने को मिला है, जिसका काम क्या है, तो जितने भी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, राइट। फाइनेंस किस चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, राइट, कि वहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके, तो उन सब के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए ये हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है वो बनाई गई है। दोस्तों 2018 में पार्टनर्स फोरम हम लोग को इंडिया में देखने को मिला था, इससे पहले 2010 में ये इंडिया में हुआ था, यानी कि पार्टनर्स फोरम इंडिया में दूसरी बार हुआ है। तो इस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस पार्टनर्स फोरम का उद्घाटन किया और एक कॉफी टेबल बुक प्रूवन पाथ को रिलीज किया। इस बुक में गाइज मेंशनड है 36 बेस्ट प्रैक्टिसेस मैटरनल चाइल्ड और एडल्सेंट हेल्थ के लिए, राइट। और इस पार्टनर्स फोरम को को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और पार्टनरशिप हम लोग को मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की देखने को मिली है, राइट। तो इनके द्वारा ये को होस्ट किया गया है, और न्यू दिल्ली में जो ये पार्टनर्स फोरम हुआ था उसमें 85 कंट्रीज के 1200 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। और किन के बारे में डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पर देखो पार्टनर्स फोरम बनाया ही इसलिए गया था कि ग्लोबल हेल्थ को लेकर जितने भी जो इश्यूज़ होते हैं वुमेन की हेल्थ इश्यूज होते हैं वुमेन, चिल्ड्रन और एडल्सेंट के अगेंस्ट, तो उस पर विचार किया जाता है, राइट। तो पार्टनर्स फोरम का मकसद ही ये होता है। पार्टनर्स फोरम को जब स्टार्ट किया था 2005 में, इसको जब पहली बार लॉन्च किया गया था, तो उस समय फोकस ये था कि सभी कंट्रीज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग वेरियस फील्ड के, एकेडमिक हो गए, रिसर्च हो गए, टीचिंग इंस्टीट्यूशन हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और ये एक ही चीज़ पर इनका डिस्कशन होता है कि पूरी दुनिया भर में वुमेन, चाइल्ड और एडल्सेंट, तो इनकी हेल्थ को कैसे बेटर किया जाए, राइट, या फिर इनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और उसके सॉल्यूशन सामने रखे जाते हैं। तो अभी जो ये कॉफी टेबल बुक हम लोग को देखने को मिली है प्रूवन पाथ, तो इस पर यही मेंशन है 36 बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं कि जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वुमेन, एडल्सेंट और चाइल्ड के अगेंस्ट, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो ऐसी 36 प्रैक्टिसेस यहां पर मौजूद थी इस बुक में। तो पार्टनर्स फोरम क्या है वो तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन होता है, और 2010 में इंडिया में पहली बार हुआ था ये, उसके बाद फिर दूसरी बार अब 2018 में देखने को मिला है। तो इसके अलावा 2007 में तंजानिया में हुआ था, 2014 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो ये सब इतना डिटेल में बात याद रखो, बट आप बस ये याद रखना कि इंडिया में ये पार्टनर्स फोरम दूसरी बार हुआ है। अब बताया जा रहा है कि सेंटर ने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट करी है और बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ये पॉलिसी है गाइस, और ये बताया जा रहा है कि सभी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल होगी, यानी कि सभी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। और इसमें बोला गया है कि बच्चों के अगेंस्ट जो चाइल्ड अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उस पर जीरो टॉलरेंस यहाँ पर रखा गया है। एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन किया है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा और बच्चों के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यहाँ पर रखी गई है कि बच्चों को कोई भी गलत लैंग्वेज का, बच्चों के अगेंस्ट गलत लैंग्वेज का उपयोग कोई भी नहीं करेगा, चाहे जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होता है, हम लोग देखते हैं कई बार क्या होता है कि स्टाफ्स वगैरह जो होता है स्कूल का वो बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता है, और आपने देखा ये कि कुछ समय पहले की जो केसेस हम लोग को न्यूज़ में देखने को मिले थे जिसमें एक बच्चे को जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया था, और एक क्या तो काफ़ी सारे न्यूज़ में हम लोग देखते ही हैं इस प्रकार की चीज़ें, तो ऐसी ना हो तो इसलिए एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है वो लाई गई है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बोला गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी स्टाफ मेंबर हो, एम्प्लॉई हो, तो वो बच्चों को अब्यूज़ नहीं करेंगे, बच्चों को हरास नहीं करेंगे, बच्चों के साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं करने वाले हैं, राइट। तो एक काफ़ी शानदार चीज़ बताई गई है, और इवन ये भी बोला गया है कि एक 1098 एक हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, इस नंबर पर कॉल करके जो है वो बच्चों के अगेंस्ट जो भी क्राइम होता है तो उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। बट गाइस इसमें बताया गया है कि कुछ लूप होल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर बात नहीं की गई है कि बच्चे जो हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है।
इसमें यह भी बात नहीं हुई है कि जो बच्चे जो हैं जो माइग्रेट होते हैं राइट, यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और यानी कि लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो उन बच्चों को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ों को झेलना पड़ता है, अलग अलग, जैसे कि चाहे वो कम्युनल हो जाए चाहे वो सेक्टेरियन वायलेंस हो जाए, तो अलग अलग तरीके से बच्चों जो है उनको चीज़ों को झेलना पड़ता है, बच्चों को फोर्सफुली जो है वो बैगिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है राइट. तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत नहीं हुई है, और इवन ये भी बातचीत नहीं हुई है कि जो लोकल ग्रेवियंसेज हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए राइट. तो उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई कि स्टेट के रोल के बारे में बातचीत नहीं हुई, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी, तो उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई है. हालांकि मेन चीज़ आपको जो है वो ये फोकस करना है कि आज की डेट में जो बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग डिफरेंट मेजर लेकर आ रही है, जिसमें से एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट हुई थी राइट. तो इस पॉलिसी के चार एस्पेक्ट्स हैं, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करना यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटी को कि बच्चों के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार ना हो, क्राइम ना हो, तो उसको पहले से ही प्रिवेंट करना, रिपोर्ट करना और रिस्पॉन्ड करना राइट. तो रिपोर्टिंग के लिए 1098 हेल्पलाइन मैंने आपको बताई दिया है राइट. तो ये इन्होंने लॉन्च करी है. अब पेपर टू के नेक्स्ट पिलर की बात की जा रही है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की. तो देखिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि जो सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र के वो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर खुद ब खुद गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत. और ये बताया जा रहा है कि हर मंडे को 2 घंटा शाम में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लोग बाग जो है कॉमन सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट खुद ब खुद कर सकते हैं. तो काफ़ी शानदार पावर जो है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कॉमन सिटीजन्स के हाथ में दी है, और शाम में 3 बजे से 5 बजे के बीच में हर मंडे पर लोग बाग जाकर गवर्नमेंट के ऑफिस में जाकर खुद ब खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को. बट एक चीज़ याद रखना कि ये मंत्रालय और स्टेट सेक्रेटेरिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकल डिपार्टमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेज और लोकल बॉडीज़ जो हम लोग को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जाकर ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बताया जा रहा है कि नीति आयोग ने रिलीज़ करी है 2nd डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की. तो देखो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं गाइज, जिन लोगों ने प्रोग्रेस इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हासिल करी है 6 एरियाज़ में, 6 डेवलपमेंटल एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन 6 डेवलपमेंटल एरियाज़ में हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स ने लगातार प्रोग्रेस हासिल करी है, लगातार ग्रोथ करी है, तो उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रैंक दी है नीति आयोग ने. और रैंकिंग किसके ऊपर आधारित है, तो हाउस होल्ड सर्वे जो कि नीति आयोग के नॉलेज पार्टनर्स के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जैसे कि टाटा ट्रस्ट और बिल गेट्स मिलिंडा एंड गेट्स हम लोग को देखने को मिलता है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स सॉरी फाउंडेशन जो है, तो इनके द्वारा जो सर्वेज वगैरह कंडक्ट किए थे उसके डेटा के आधार पर जो है ये रैंकिंग रिलीज हुई है. अब इसमें तमिलनाडु की विरुधु नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, ओडिशा की नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार की औरंगाबाद, ओडिशा की कोरापुट, तो इन पर्टिकुलर 5 डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि ये मोस्ट इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि बहुत शानदार तरीके से इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है. और लीस्ट इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की किफरे, झारखंड की गिरिदीह, और फिर अगेन झारखंड की छत्रा, असम की हाइलाकांडी, झारखंड की पकुर. तो ये लीस्ट डेवलप्ड है यानी कि सॉरी लीस्ट इम्प्रूव्ड है, यानी कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं हुआ है, और फास्ट मूवर यानी कि काफ़ी तेज़ी से ये इम्प्रूव कर रही हैं. तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर की हम लोग को डिस्ट्रिक्ट देखने को मिली, झारखंड की और उत्तर प्रदेश की, तो काफ़ी तेज़ी से इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है राइट. तो ये अलग अलग बेस के ऊपर रैंकिंग इसने ऑफर करी है. और अब बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो इसको 2018 में ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था. इनका फोकस ये था कि जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप हो, वो ग्रोथ करें राइट. और एक तरह से हेल्दी कंपटीशन सभी आपस में डिस्ट्रिक्ट्स के अमंग बनता हुआ नजर आए. और कोर फोकस एरिया मैंने आपको बता दिया, अलग अलग प्रकार के एरियाज हैं जहां पर डेवलपमेंटल एरियाज, जहां पर फोकस करके डिस्ट्रिक्ट इंप्रूवमेंट कर सकें. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की यहां पर बात की जा रही है. तो देखो गाइस, कॉमनली यूज जो मेडिकल डिवाइस होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर कॉमनली ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, नेबुलाइजर वहाँ पर होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, ग्लूकोमीटर होता है. तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिकल डिवाइसेज हैं, उनको अब ड्रग्स की तरह नोटिफाई कर दिया, यानी कि इनको भी मेडिसिन की तरह ट्रीट किया जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, एक डिवाइस को मेडिसिन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका पीछे बैकग्राउंड की तरफ चलो, आपको समझ में आएगा कि एक मेडिसिन है जब वो मार्केट में आती है तो उसको
जो है वो लाइसेंस ऑफर करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, उस पर लाइसेंस देती है, अप्रूवल देती है कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। वैसे ही इन मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी सही है कि नहीं है उसकी अप्रूवल देगी गवर्नमेंट, राइट। तो इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एज अ ड्रग इन चार मेडिकल डिवाइसेस को जो है वो रख दिया है, याद रखिएगा। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है गाइस, ये रेगुलेट करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ऐसी डिवाइसेस जो इंपोर्ट होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं उनको, तो यानी कि डीसीजीआई जो है ये मॉनिटर करते हैं ओवरऑल पूरी डिवाइसेस को। और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2020 से इन चार डिवाइसेस के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी डीसीजीआई के द्वारा। और ये बताया जा रहा है कि ये सभी डिवाइसेस जो जिनको ड्रग की कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो ये रजिस्टर होंगी क्वालिटी पैरामीटर्स के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगी, जो मेडिकल डिवाइस रूल 2017 है उसके तहत जितने भी क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे जो कि प्रेस्क्राइब किए जाएंगे एमडीआर के द्वारा, तो उन्हीं के बेसिस पर ये रजिस्टर की जाएंगी। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड्स भी ऐसी डिवाइसेस को फुलफिल करना होगा। तो कंपनीज जो हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं इस प्रकार के इक्विपमेंट्स को, तो उनको प्रॉपर लाइसेंस अब लेना पड़ेगा इन डिवाइस को इंपोर्ट करने का या फिर मैन्युफैक्चर करने का। और ये लाइसेंस कौन ऑफर करेगा, तो मैंने आपको बताया कि डीसीजीआई जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये काम करते हैं पूरी ओवरऑल चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, तो लाइसेंस भी यही देंगे। और अभी तक सिर्फ 23 मेडिकल डिवाइसेस जो हैं जो कि हमारी कंट्री में मॉनिटर की जाती हैं, और अब चार और डिवाइस बढ़ गई हैं, तो अब हम लोग को 27 मेडिकल डिवाइसेस देखने को मिलेंगी जिनकी क्वालिटी वगैरह को चेक किया जाएगा। आप देखो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो जितने भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड तो उस पर काम करती है डीटीएबी। अब नीवा प्रोजेक्ट की बात करें, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट की, तो गाइस फोकस किया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको जो है वो पेपरलेस कर दिया जाए, यानी कि पूरी असेंबली वगैरह जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक बनाने की बात की जा रही है, पेपरलेस बनाने की बात की जा रही है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं असेंबली के अंदर, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, डिसीजंस जो होते हैं, राइट, इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है, तो उन सबको जो है वो ऑटोमेट करने की बात की जा रही है, पेपरलेस बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये ई नेवा या फिर ई विधान प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें मेघराज जो है एक क्लाउड टेक्नोलॉजी बताई गई है जो कि क्या करेगी गाइस, तो ये आप देखो आपने देखा होगा कि क्लाउड हम लोग को देखने को मिलते हैं, गूगल क्लाउड हो गया, एप्पल का क्लाउड होता है, तो वहाँ पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो और उस डेटा को आप कभी भी किसी भी समय जो है वो निकाल सकते हो। सेम वैसे ही एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है मेघराज नाम की, इसका काम क्या होगा, तो जितने भी ऐसे डेटाज होते हैं असेंबली के, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पर अवेलेबल होंगे और जो शेयर किए जा सकेंगे अमंग रिप्रेजेंटेटिव्स। और ई विधान गाइस एक मिशन मोड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू फंडिंग ऑफर करेंगी, और मीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्निकल सपोर्ट ऑफर करेगी ई विधान के लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जो कि जिसके पास डिजिटल लेजिस्लेचर, यानी कि उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंप्लीटली डिजिटल है। इसके अलावा गाइस बताया जा रहा है सीडीएससीओ ने री इशू करी है गाइडलाइंस को आइसो ट्रीटिनियन के यूसेज के लिए। अब देखो जो एक्ने होता है, जो मुहासे की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती हैं महिला। अब सीडीएससीओ का कहना है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसके चलते, इस मेडिसिन के चलते वुमेन को सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि उनकी उनका बेबी जो है उसकी मृत्यु हो सकती है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं को हो सकती है इस ड्रग के चलते। और ये बोला गया है कि डर्मेटोलॉजिस्ट जब प्रिस्क्राइब करेंगे इस मेडिसिन को, तभी जो है ये मेडिसिन मार्केट में दी जाएंगी, यानी कि मेडिकल स्टोर्स से दी जाएंगी। तो ये भी सीडीएससीओ का कहना है। और ये बोला गया है कि पेशेंट्स को इस मेडिसिन को लेने से पहले, आइसोट्रीटोनिन का ट्रीटमेंट करने से पहले एक कंसेंट को साइन करना पड़ेगा कि वो एग्री हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, और उनको पता है कि इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद उनको मिसकैरेज, बर्थ डिफेक्ट्स जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑक्सीटॉक्सिन को कोई भी कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी, बनाएगी नहीं, सेल नहीं करेगी, राइट, मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, सेल नहीं करेगी, तो ऐसा सेंटर ने कहा था। बट सेंटर के इस डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो हटा दिया था 2018 में, बट अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को स्टे पर रखा हुआ, क्योंकि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था पूरा मामला, राइट, क्योंकि ये थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी है इसलिए मैं आपको करंट अपडेट दे रहा हूँ उसके बारे में।
तो देखो हुआ क्या है, ऑक्सीटोसिन पे आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक ऐसा इंजेक्शन होता है, ऐसा ड्रग होता है जिसकी मदद से जो वुमेन जो है वो लैक्टेट करती हैं, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, राइट, जिसकी मदद से, ऑक्सीटोसिन की मदद से। और इवन जैसे बेबीज जब होता है तो उस समय जो ब्लीडिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है तो उसको भी रिड्यूस करती है ये ऑक्सीटोसिन। तो ये बर्थ के समय पे बहुत हेल्पफुल होती है और लैक्टिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ऑक्सीटोसिन ड्रग, स्पेशली फॉर ह्यूमन। बट इसका गलत उपयोग किया जा रहा है डेयरी इंडस्ट्रीज में। डेयरी इंडस्ट्री में कैटल को ये ऑक्सीटोसिन ड्रग दिया जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है गाइस, ये जो कैटल है उसका, काउ जो है उससे मिल्क प्रोड्यूस करवाया जा रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, जिसके चलते काउज वगैरह की मृत्यु हो रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीज़ें नोटिस करते हुए सेंटर ने बैन कर दिया था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस पर्टिकुलर जो ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट, तो उस पर बैन कर दिया था उन्होंने। बट सेंटर ने ये बोला था कि कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है, जो कि एक कंपनी है, और ये हम लोग को देखने को मिलता है कि ये PSU हम लोग को देखने को मिलती है, ये KAPL, तो इसी को सिर्फ ऑथोराइज किया था सेंटर ने कि सिर्फ कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है ये ही सिर्फ ऑक्सीटोसिन को मैन्युफैक्चर कर सकती है और हमारी कंट्री में ऑक्सीटोसिन की नीड को यही प्रोवाइड करा सकती है कंपनी, और दूसरी जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बैन कर दिया था कि ऑक्सीटोसिन का उपयोग जो है वो कोई भी नहीं करेगा। अब देखो उसका रीज़न क्या था, तो एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसको डेयरी इंडस्ट्री में मिसयूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन का। दूसरा जो है, जैसे कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि वेजिटेबल्स को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर दिया जाता है, घर में शाम में आप जो है वो एक ककड़ी लाकर रखो, सुबह देखोगे आप वो ककड़ी बड़ी हो गई या लौकी बड़ी हो गई, राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसमें भी ऑक्सीटोसिन उपयोग किया जाता है वेजिटेबल के साइज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, राइट। दोस्तों सेंटर ने एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो ड्राफ्ट करी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया है सेंटर की इस ड्राफ्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का। देखो गाइज, इसमें जो विटनेस होते हैं गाइज उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, और विटनेस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो पूरे क्राइम को देखते हैं वो विटनेस होते हैं। बट आप जानते हैं कि कई बार ऐसे बड़े बड़े क्राइम में विटनेस को जान से मारने की धमकी दी जाती है, और इवन जैसे कि आशाराम बापू जी का केस की अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हो कि आशाराम बापू जो था वो उसका रेप से रिलेटेड जो केस हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें विटनेस जो था उस केस का, तो उसको काफ़ी थ्रेट जो है वो पहुंचाया जा रहा था। तो इसी के बैकग्राउंड में ही हम लोग को देखने को मिला कि इस प्रकार की कोई स्कीम जो है वो लानी चाहिए, राइट, तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिला कि सेंटर ने एक ड्राफ्ट करी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, और ये फाइनलाइज की गई है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंसल्टेशन के साथ, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि विटनेस को प्रोटेक्ट करना है। और ये पहला अटेम्प्ट हम लोग को नेशनल लेवल पर देखने को मिल रहा है विटनेस को प्रोटेक्ट करने का, जहां पर विटनेस को जो है वो सेफगार्ड्स ऑफर किए जा रहे हैं, यानी कि उसको सेफ्टी ऑफर की जा रही है कि वो प्रोटेक्टेड रहे पूरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो होता है पूरा, यानी कि पूरा जो मैटर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, तो उस पूरे यानी कि पूरे प्रोसीजर के समय पे विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए और उसकी आइडेंटिटी को भी हाइड करने की यहाँ पर बात की गई है। तो विटनेस जो होगा उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाएगी और उसको एक नई आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो केस हुआ था आश्रम का जो मैंने आपको बताया था उसी के बेस पर विटनेस जो है गाइस उसको जान से मारने की धमकी मिली थी और इवन विटनेस की पिटाई तक हो गई थी, तो उसी के आधार पर जो है ये एक पिटीशन फाइल हुआ और उसके बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चर्चा करी कि इस प्रकार की एक स्कीम आनी चाहिए, और सेंटर इस प्रकार की स्कीम जो है वो लेकर आ गई। सेक्शन 195A जो है इंडियन पीनल कोड का गाइस वो विटनेस प्रोटेक्शन के साथ डील करता है, और अभी तक USA, UK, चाइना, इटली, कनाडा, हांगकांग और आयरलैंड में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, और अब हम लोग को इंडिया में भी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम देखने को मिल गई, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी 198 रिपोर्ट में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉ जो है वो लाने की बात करी थी, राइट। अब इसके बारे में बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो लोकसभा ने पास कर दिया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 27 चेंजेस के साथ। अब देखिए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2016 हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पास हो गया था और ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अगस्त 2016 में, और इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे, क्योंकि ट्रांसजेंडर को लेकर पहले का जो लॉ था उसमें डेफिनेशन ट्रांसजेंडर की कुछ और थी, उसमें बोला था ट्रांसजेंडर के बारे में कि नीदर होली मेल और फीमेल, की ट्रांसजेंडर वो है जो ना ही पूरी तरह से फीमेल है और ना पूरी तरह से मेल है। इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था बिकॉज ये काफ़ी एक अजीब तरीके का शब्द है किसी के लिए उपयोग करना, यानी कि अगर आप किसी को रास्ते चलते बोल दो कि ना तुम पूरी तरह से मेल हो ना तुम पूरी तरह से फीमेल हो, तो ये कितना ऑड लगता है साउंड, कितना अजीब, यानी कि इनअप्रोप्रिएट ये साउंड करता है, राइट। और इससे जो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रांसजेंडर होगा उसको कितना दुख होगा ये सुनकर, तो ये काफ़ी इनअप्रोप्रिएट जो साउंड होती है ये डेफिनेशन, तो इसको चेंज करने की बात की गई, इसको क्रिटिसाइज किया गया। अब नई डेफिनेशन आ गई है, हुज जेंडर डज नॉट मैच अ ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच
द जेंडर असाइंड टू दैट पर्सन एट बर्थ एंड इंक्लूड्स ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन persons with intersex variation gender queer person having socio cultural identity such as kinnars hijras aravani jogata right to isko ab transgender ki nayi definition bataya gaya hai aur guys yahan par bola gaya hai ki ek district screening committee hogi jo ki district magistrate isko head karenge is committee ko aur ye committee jo hogi wo ek transgender ko ek certificate provide karayegi jiske basis par wo transgender barkarar kiya jayega. अब इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो है तो ये रिजर्वेशन ऑफर नहीं कर रही है, पहली बात. तो दूसरी बात, जो ये सर्टिफिकेट जो ऑफर किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो भी ट्रांसजेंडर के साथ कुछ ना कुछ अत्याचार कर सकती है, राइट. तो ऐसी चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है. तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आज की डेट में लोकबाग वगैरह. इवन ट्रांसजेंडर बिल के अंदर एक और चीज़ क्रिटिसाइज़ की जा रही है, यानी कि अभी लेटेस्ट वाले के अंदर भी, यानी कि जो बिल जो पास हो गया है तो उसमें भी एक लेटेस्ट वाले में भी एक क्रिटिसिज्म हो रहा है. ये बोला जा रहा है कि इस ट्रांसजेंडर बिल के अंदर जो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट जो रेप होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके बारे में कोई पनिशमेंट मौजूद नहीं है. और इवन जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 375 सेक्शन 376 है उसको भी इवन क्रिटिसाइज किया जाता है. ये बोला जाता है कि रेप, इसमें आईपीसी के अंदर रेप उसी को बोला जाता है जब मैन फोर्सफुली वुमेन के साथ करता है, राइट. तो अगर मैन के साथ कोई रेप हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है या फिर कोई कानून नहीं है. तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही. तो इसमें रेप की डेफिनेशन को भी अभी कुछ समय पहले जो है वो क्रिटिसाइज किया गया था कि इस प्रकार से कि वुमेन के अगेंस्ट ही जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको रेप बोला जाता है, बट मैन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, राइट. तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था. तो उसके बारे में भी दो तीन चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा. गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिए हैं 4 नए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ये बोला जाता है कि एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होना चाहिए और 10 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए. बट अब क्या हुआ, अभी तक हमारे यहाँ पर टोटल 11 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर मौजूद नहीं थे, यानी कि सीआईसी की आरटीआई की जो बॉडी है उसमें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो थे वो टोटल 11 नहीं थे. और बट अब बताया जा रहा है कि अब 4 और अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, और ये इसलिए किए गए हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार जो है वो बोला गया था कि इस प्रकार से आप जो है वो पूरी पोस्ट जो है वो लागू करें, यानी कि आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो लाए जाएँ, बट नहीं ला रही थी. अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है वो चेतावनी दी, डंडा किया, तब जाकर फिर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के अपॉइंटमेंट इसने किए हैं. अब देखिए, ये जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनको इनके नाम को प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए गाइस, यहाँ पर नेशनल रजिस्टर सिटीजन के बारे में बात की जा रही है. तो देखो, ये नेशनल रजिस्टर सिटीजन एक तरह की प्रोसेस है जो चल रही थी आसाम के अंदर. इस प्रोसेस में जितने भी लोग बांग्लादेश से 1971 के बाद फरार होकर यहाँ पर इंडिया में एंटर हुए थे इलीगल तरीके से, तो उनको डिटेक्ट करके दोबारा बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही थी. तो ये एनआरसी जैसे ही आप सुनो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रोसेस चल रही है आसाम के अंदर जहाँ पर बांग्लादेशी फॉरेनर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नॉन इंडियन सिटीजन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको दोबारा बांग्लादेश डिपोर्ट करने की बात की जा रही है. एनआरसी पहली बार पब्लिश हुई थी 1951 में, उसके बाद फिर हम लोग को देखने को मिली थी जब आसाम एजिटेशन हुआ था 1979 1985 में, और 1985 आसाम अकॉर्ड हम लोग को देखने को मिलता है. इस आसाम अकॉर्ड के थ्रू डेट डिसाइड हुई थी कि 24 मार्च 1971 जो होगी वो कट ऑफ डेट होगी, यानी कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी इंडिया में इलीगल तरीके से एंटर हुए होंगे तो उनको इलीगल इमिग्रेंट जो है वो माना जाएगा, राइट. तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है इसको आसाम अकॉर्ड के बाद अमेंड भी किया गया. ये सिटीजनशिप एक्ट ये कहता है कि जो भी इंडिविजुअल 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में मौजूद हैं, राइट, तो उनको इंडियन सिटीजन बोला जाएगा 1 जनवरी 1966 से पहले, या फिर जो लोग बांग्लादेश से इंडिया में एंटर हुए हैं तो वो भी इंडियन सिटीजन होंगे. इसके अलावा जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में इंडिया आए होंगे तो वो अगर 10 साल तक इंडिया में रुक गए और रह रहे हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया में उनका 10 साल तक रेसिडेंट है, तो वो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए. और सेकेंडली, जो भी 25 मार्च 1971 के बाद इंडिया में एंटर हुआ होगा तो उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा और उसको फिर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाएगा.
राइट। तो ये कुछ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कुछ क्लॉजेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्च 24, 1971 ही क्यों कट ऑफ डेट रखा गया, तो उसका रीजन ये था कि जब आप 1971 का टाइमलाइन देखो तो आपको पता है कि इस समय 1971 के समय वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान एक नई कंट्री बांग्लादेश बन के आ गई थी, राइट। याद आ रहा है आपको ये वाली पूरी सिनेरियो, पूरा टाइमलाइन। तो इस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने फोर्सफुली काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे बांग्लादेशियों को मार्च के महीने में काफ़ी सारे बांग्लादेशियों को भेजा था इंडिया, यानी कि फोर्सफुली उनको भगाया था इंडिया में डंडा मार के। तो इसीलिए ये मार्च 24, 1971 जो है वो कट ऑफ डेट रख दी गई। अब देखिए गाइस, बताया जा रहा है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसको, सॉरी, स्टेट की ऑटोनॉमी जो है वो इंक्रीज की जाए और कंकरेंट लिस्ट को वीक किया जाए। तो ये कंकरेंट लिस्ट क्या है, तो देखो 7 शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको 3 लिस्ट मिलेंगी, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो पर्टिकुलर मैटर्स इंक्लूडेड हैं जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सब सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिस पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। और स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स इंक्लूडेड हैं, वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून बना सकती है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट यानी कि दोनों स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट एटसेट्रा। तो ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पर ये भी बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर सेंटर ने एक कंकरेंट लिस्ट के एक सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाया, स्टेट ने भी सेम सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाया, बट सेंटर का कानून जो है वो उच्च माना जाएगा, तो सेंटर लॉ जो है वो ओवरराइड करता है स्टेट लॉ के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अब देखिए, अब 1950 के बाद 7 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गाइस, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए, स्पेशली 42nd अमेंडमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि 46th अमेंडमेंट हुआ था 1976 के दौरान। टाइमलाइन को देखो आप, 1976 इंडिया के अंदर इमरजेंसी हुई थी, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी उस समय की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इमरजेंसी कंडक्ट करी थी 1976 में। इमरजेंसी के दौरान काफ़ी सारे चीज़ें हमने देखी कि स्टेट लिस्ट के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वेट एंड मेजरमेंट, ये सब ट्रांसफर कर दिए गए थे कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि स्टेट की पावर को रिड्यूस किया था। बट अब ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्टेट की पावर को रिवाइव करो और कंकरेंट लिस्ट को जो है वो कम करो, वीक करो, राइट। तो इस पर अभी जो है ये चर्चा चल रही थी, बट मेन चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और इसके अलावा एक दो चीज और याद रखना कि एक सरकारी कमीशन बैठी थी, ये सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर एक कमीशन जो है वो बैठी थी। और इसके अलावा एक और हम लोग को देखने को मिली थी, राजमन्नार कमेटी, ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को देखने के लिए बनाया गया था। देखो सरकारी कमीशन, राजमन्नार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कमेटी क्यों बनी थी, ये क्यों बनाया गया था, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए को एनालाइज करने के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पिलर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंडिया ने 50 हाउसेज जो है वो बिल्डअप कर दिए हैं रोहिंग्या के लिए म्यांमार के अंदर। आप जानते होंगे कि म्यांमार का एक रखाइन स्टेट है जहां से लाखों की मात्रा में रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है वो भगाया गया था। आप देखो म्यांमार का मैप देखो, आप म्यांमार में आप देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक एरिया येल्लो कलर का जो दिखाई दिखा रहा है आपको, देखो मैप पे देखो आप, येल्लो कलर का बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ एक एरिया है म्यांमार का जिसका नाम है रखाइन स्टेट। अब म्यांमार के इस रखाइन की जगह से 2017 की स्टार्टिंग में और 2018 यानी मिड 2018 में हम लोग को देखने को मिला था कि काफ़ी भारी मात्रा में रोहिंग्या मुस्लिम को म्यांमार की स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो भगाया था। म्यांमार की जो मिलिट्री थी उन्होंने काफ़ी सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ से निकाला था। अब रोहिंग्या जो थे गाइस, ये यहाँ पर म्यांमार के अंदर माइनॉरिटी इनकी देखने को मिलती है और म्यांमार के अंदर मेजॉरिटी है बुद्धिस्ट की, राइट। अब बुद्धिस्ट जो है वो म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन लोग यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ये पूरी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली और काफ़ी सारे मुस्लिम्स को भगाया गया था और बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पर इनको पनाह दी गई मिली थी। उसके बाद हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस समय राजनाथ सिंह जी, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था म्यांमार की स्टेट गवर्नमेंट के साथ और फोकस किया था कि मामला जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो बात करी म्यांमार के साथ और फिर रखाइन स्टेट के अंदर म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए हम लोगों ने कुछ घर जो है वो बनाए थे और इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था, राइट।
अब देखो म्यांमार जो है वो फुल सिटीजनशिप रोहिंग्या मुस्लिम को ऑफर नहीं कर रहा था, क्योंकि इनके बीच में हमेशा से जो है वो चलते थे कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। अब रोहिंग्या जो थे वो म्यांमार के अंदर माइनॉरिटी थी, मुस्लिम्स थे, और मेजॉरिटी वहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट वगैरह की है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए फिर इनको जो है वो यहाँ से भगाया गया था। तो एक तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये हम लोग को देखने को मिला था इनके बीच में, राइट। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। गई जब बताया जा रहा है कि कतर जो है वो ओपेक को छोड़ने वाला है जनवरी 2019 में, और कतर ने ओपेक को जो है वो छोड़ दिया है। ओपेक क्या है गाइज? तो ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, यानी कि इस पर्टिकुलर ओपेक के मेंबर्स जो हैं वो ऐसे नेशन हैं, ऐसे देश हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और पहली बार इसको एस्टेब्लिश किया गया था बगदाद इराक में 1961 में, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और इसकी टोटल 15 मेंबर कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गुनिया, गाबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला, और इंडोनेशिया इसकी फॉर्मर मेंबर हम लोग को देखने को मिली है ओपेक की। बट गाइस एक्चुअल में कतर जो है उसने खुद ब खुद क्विट नहीं किया है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो कतर तो ये बोल रहा है कि इसको गैस प्रोडक्शन पर फोकस करना है, राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्शन पर फोकस नहीं करना, ये गैस प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहता है, इसलिए ये क्विट कर रहा है, इसने ये बोला है। बट एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि ओपेक जो है गाइज ये ग्रुप जो है उसमें दबदबा होता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया काफ़ी समय से कतर को पसंद नहीं कर रही थी, उसकी मैं आपको वजह बता दूँ क्यों पसंद नहीं कर रही थी। कतर और ईरान के रिलेशन अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट। तो अब मैं आपको बता दूँ इसमें हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया ने कतर को बोला कि यार ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, और उसको मजबूर किया निकलने के लिए। वजह ये नहीं है कि कतर जो है वो ऑयल प्रोड्यूस प्रोडक्शन को छोड़कर जो है वो गैस प्रोडक्शन शुरू करने वाला, वजह जो है ये सऊदी अरेबिया की, क्योंकि ओपेक के ऊपर सऊदी अरेबिया का काफ़ी बड़ा दबदबा है, राइट। थोड़ी सी चीज़ आपको बता होनी चाहिए, बट आप बोलोगे कि सर ये जो है वो यहाँ पर तो ये कुछ और लिखा हुआ है, आप कुछ और बता रहे हो, बट कहीं देखो बैकग्राउंड पर तो यही लिखा है ना कि अक्यूज़ किया है सऊदी अरेबिया ने इसको। और आप एनालिसिस सुनोगे और भी काफ़ी सारे लोगों की, हालांकि मैं तो आपको एक समराइज करके पूरी चीज़ बता रहा हूँ, बट आप इसके ऊपर और पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सऊदी अरेबिया की पूरी प्लान प्लॉटिंग है। वो तो कतर अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, जैसे कि होता नहीं कभी कभार कि कोई कंट्री डायरेक्टली कुछ बोलती नहीं है, बट इनडायरेक्टली जो है वो काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब जख्म जो है वो कोई भी इंसान अपने जख्म बताएगा नहीं खुलकर सामने, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं होती हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं शेयर की जाती हैं, बट इंटरनली सबको पता होता है कि यार चल क्या रहा है ये, राइट। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी बस ध्यान में रखिएगा इसके बारे में आप। और बाकी ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया है वेस्ट जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल। इससे पहले यूएसए ने भी जो है वो इसराइल की कैपिटल जेरूसलम जो है वो रिकॉग्नाइज करी थी, और अब जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी कर ली है। तो देखो ये मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिल रहा है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रही है हम लोग को देखने को मिली थी। इसराइल और पैलेस्टीन जो है वो दोनों के दोनों क्लेम कर रहे थे कि जेरूसलम जो है वो उन दोनों की कैपिटल है, बट यूएसए जो है वो इसराइल का जो है वो है क्या बोलते हैं दोस्त है, राइट। ऑस्ट्रेलिया भी यूएसए को काफ़ी सपोर्ट करता है, तो अल्टीमेटली हम लोग को एक तरह का ग्रुपिज्म देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो जेरूसलम इसराइल की कैपिटल क्लेम कर रहे हैं, और जो लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं वो जेरूसलम पैलेस्टीन की कैपिटल क्लेम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक राइवलरी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज़ याद रखिएगा, मेन चीज़ याद रखना कि इसराइल और पैलेस्टीन की बन नहीं रही है, और दोनों ही दोनों ही मिलकर जो है वो जेरूसलम को अपनी कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, राइट। और इवन कुछ समय पहले आपने नोटिस किया होगा कि यूनेस्को जो है उससे यूएसए जो है वो उसने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी थी। अब क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि यूनेस्को ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दी थी, यूनाइटेड नेशन की पहली ऑर्गन यूनेस्को जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कि पैलेस्टीन की कैपिटल जो है वो जेरूसलम है, राइट। तो इसको देखते हुए यूएसए ने बोला कि भैया हटो, हम तो छोड़ रहे हैं तुम्हें, और उसने जो है वो छोड़ दिया फिर उसको क्या बोलते हैं यूनेस्को की मेंबरशिप को, राइट। तो ये कुछ इंटरलिंक चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने में काम आएगी। अब बात करेंगे इस गोल्डन वीज़ा के बारे में। तो देखो इसमें तीन चीज़ याद रखना, पहली चीज़ तो गोल्डन वीज़ा किसके द्वारा इशू किया जाता है, यूके के द्वारा। दूसरी बात यह है कि गाइस गोल्डन वीज़ा वीवीआईपी लोगों के लिए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है, यूके गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इशू किया था 2008 में। इन्होंने फोकस किया था जो भी लोग मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उनको ये गोल्डन वीज़ा इशू करेंगे, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पर आएँ ब्रिटेन में और इन्वेस्टमेंट करें। और तीसरी बात, ये किन लोगों के लिए इशू किया जाता है गोल्डन वीज़ा? तो जो भी लोग
यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड को छोड़कर, यूरोपियन यूनियन 28 कंट्रीज का एक यूनियन हम लोग को देखने को मिलता है इन 28 कंट्री और प्लस वन स्विट्जरलैंड, तो टोटल 29 कंट्रीज को के बाहर के जितने भी लोग हैं, राइट, जैसे कि इंडियन, तो इंडियन जो बिलियनेयर होगा तो उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है, यूके गवर्नमेंट जो है, वो गोल्डन वीजा दे देगी, राइट. तो ये बेसिकली ब्रिटेन के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको ओपन किया था, गोल्डन वीजा को. और अभी कुछ समय पहले हम लोग को देखने को मिला था कि यूके गवर्नमेंट ने कहा था कि अपने गोल्डन वीजा की कैटेगरी को हटा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, बट अभी ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ समय तक इसको और चालू रह दिया जाएगा. अब देखिए, बात की जा रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में. तो देखो गाइस, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक हम लोग को देखने को मिलता है, जिस कॉरिडोर की मदद से चाइना जो है वो पाकिस्तान से कनेक्ट कर रहा है. चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पोर्ट बनाया है, जिस पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट. याद रखिएगा, जैसे कि इंडिया ने ईरान के अंदर एक पोर्ट बनाया था, बिल्डअप किया था, जिसका नाम था छाबर पोर्ट. और चाइना क्या कर रहा है, इस ग्वादर पोर्ट की मदद से मिडिल एशियन, सेंट्रल एशियन कंट्री पर जो है वो अपने ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कनेक्टिविटी के लिए इसने ये पोर्ट बनाया. और आप जानते हैं कि चाइना का जो एक प्लान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का, राइट, जिसको वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जा रहा है, OBOR, राइट. तो इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. इस प्लान के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, चाइना जो है वो तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसके चलते वो अपनी इकोनॉमी को इन्हेंस कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल को एक्सपोर्ट करके, और एक कनेक्टिविटी जो है ये चालू करने वाला है, और जिसके चलते चाइना अपने सामान को तीन कॉन्टिनेंट्स में जो है वो बेच पाए, अपनी मोनोपोली तीन कॉन्टिनेंट्स में बना पाए. तो इस पर ये फोकस कर रहा है. अब देखो गाइस, ये वाला जो इशू है ये थोड़ा सा अरब स्प्रिंग का हम लोग को देखने को मिलता है. इसको ऐसे हम लोग अगर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही डेडिकेटेड लेक्चर होता है आधे घंटे 45 मिनट का. तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप अरब स्प्रिंग के बारे में काफी डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अरब स्प्रिंग जो शुरू हुई थी 2011 में, उसके बाद फिर ये लगभग 2014-15 तक चली थी, तो उसी के आउटकम्स ही हम लोग को अभी एट प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है. और इवन कई जगह पर आज भी अरब स्प्रिंग का काफ़ी मेजर इंपैक्ट है. तो हुआ क्या था, जो वर्ल्ड की जो सेंट्रल कंट्रीज हैं पूरी दुनिया भर की, जैसे इजिप्ट हो गई और यमन हो गई, राइट, तो ये सब जो कंट्रीज वगैरह है गाइस, यहाँ पर सऊदी अरेबिया हो गई, तो यहाँ पर एक अरब स्प्रिंग हम लोग को देखने को मिली थी, राइट. यानी कि एक तरह की आग, जिसको एक तरह से बोला भी जाता है कि डेथ ऑफ फियर नाम से भी जाना जाता है. इवन अरब स्प्रिंग को जो है वो फेसबुक वॉर के नाम से भी इस प्रकार से इसके शब्द जो है वो लिखे गए थे कि ये फेसबुक जो है फेसबुक वॉर भी है, या एक फेसबुक रिवोल्यूशन भी है. तो ऐसी चीज़ें भी सामने आई थी यहाँ पर, राइट. तो क्योंकि फेसबुक की मदद से काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी. आप समझोगे तो आपको मिल पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि वो पूरी एक लॉन्ग स्टोरी है. क्योंकि सोशल मीडिया की मदद से यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था कि एकदम से जो है वो एक रिवॉल्यूशन हुआ. जो डिक्टेटरशिप थी कई सारी कंट्रीज की गाइस, वो सोशल मीडिया के चलते जो है वो ख़त्म हुई, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू लोगों के बीच में पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो अवेयरनेस क्रिएट हुई कि जो कई सारी ऐसी कंट्रीज आज भी हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो काफ़ी पैमाने पर चल रही है, हाई लेवल पर चल रही है, राइट. तो वो अरब स्प्रिंग एक बार डेफिनेटली पढ़िएगा, क्योंकि उसका एक अलग डेडिकेटेड लेक्चर होता है और वो काफ़ी उसी से आपको पूरी पिक्चर क्लियरिटी समझ में आएगी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में कैसे एक फ्रूट सेलर जो था, जिसने बीच चौराहे पर अपने आप को जो है वो मार दिया था पेट्रोल छिड़क कर, राइट, केरोसिन छिड़क कर, फिर उसके बाद फिर पूरी कहानी शुरू हुई, डिक्टेटरशिप को खत्म करने के ऊपर एक रेवोल्यूशन आया, डेथ ऑफ फियर के नाम से भी इस अरब स्प्रिंग के इवेंट को जो है वो जाना जाता है. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में आप पढ़िए. अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसका 39th सेशन अभी रियाद में हुआ था, जहां पर एक रियाद डिक्लेरेशन इशू किया गया था. और तो इसमें क्या होता है गाइस, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में तो एक तरह का काउंसिल हम लोग को देखने को मिलता है, जो टोटल 6 कंट्रीज हैं उनको मिलाकर ये बना हुआ है, जैसे कि बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE. तो इन लोग सभी कंट्रीज जो है वो आपस में मिलकर जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस इन्हें बनाया है, और साथ में मिलकर जो भी इश्यूज होते हैं इनके तो उसको टैकल करने पर फोकस करती हैं. और ये रियाद डिक्लेरेशन है, इसमें इनके 72 मैटर्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो इसमें मतलब सामने आए हैं रियाद डिक्लेरेशन के थ्रू. इतना डिटेल में आप मत जाना कि 72 आइटम में क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज वो हम लोग को देखने को मिलता है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यानी कि उनके उन 6 कंट्री का एक ये काउंसिल है, राइट. तो उसमें हम लोग को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें इंडिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको बस बेसिक चीज़ें ऊपर से जो है वो पता होनी चाहिए. और बताया जा रहा है कि इसका 48th सेशन जो है वो UAE में कंडक्ट किया जाएगा. और ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 1981 में इस्टैब्लिश की गई थी, और इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि अपनी समिट हर साल करती है, और ये 6 कंट्रीज जो हैं जिसके बारे में भी आपको बताया था, जिसको मिलाकर ये काउंसिल बनता है, तो ये अपने इश्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कैसे इनके जो कॉमन इश्यूज हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, और प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, कल्चर को, सोशल कॉपरेशन, राइट. अब देखिए,
यहां पर बताया जा रहा है कि मालदीव्स ने कहा है कि वो कॉमनवेल्थ नेशंस को दोबारा से ज्वाइन कर लेंगी। तो देखो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की अगर हम लोग बात करें, जिसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, तो 53 कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 53 कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ब्रिटिश राज हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन, या फिर कॉमनवेल्थ नेशन की कैटेगरी में इंडिया आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, 200 साल का इनका राज था। तो जो जो कंट्रीज जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया था, राइट, ब्रिटेन ने जहां जहां पर राज किया था, तो उन कंट्रीज ने मिलकर एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है वो बना लिया है। और कॉमनवेल्थ नेशन की सुप्रीम कमांडर आप बोल सकते हो, या सुप्रीम बोल सकते हो, हेड बोल सकते हो कॉमनवेल्थ नेशन की, वो क्वीन एलिजाबेथ टू हम लोग को देखने को मिलती है। बट गाइज ये चीज आप याद रखना, जितने भी मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ के, तो वो लीगली लायबल नहीं है, ना ही बाउंडेड है एक दूसरे से, राइट। तो यही चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। 1926 में जो है वो इसको एस्टैब्लिश किया गया था कॉमनवेल्थ नेशंस को। अब देखिए बात की जा रही है यहां पर कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में, तो फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट जो है गाइस प्रीति सरन जी, तो इनको इलेक्ट कर लिया गया है एशिया पैसिफिक सीट के लिए यूनाइटेड नेशन की कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स की। तो याद रखिएगा CESCR जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी एशिया पैसिफिक सीट में अब हम लोग को प्रीति सरन जी देखने को मिलेंगी, जो कि फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट है। और CESCR की बात करें तो उसको 1985 में सेटअप किया गया था बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसका काम क्या है? तो देखो नाम से इसके समझ में आ रहा है, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर जो है ये काम करती है, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए, कहीं किसी के राइट तो छीने नहीं जा रहे, वॉयलेट तो नहीं हो रहे, उसको ये मॉनिटर करती है। और इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अब देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है राजीव महर्षि जी, ये वाइस चेयरमैन बन गए हैं यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के। तो यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स जो है गाइस, इसमें ये एस्टैब्लिश हुई थी 1969 में। 11 कंट्रीज का पैनल ये हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया, जर्मनी, चिले, कनाडा, फ्रांस, इटली, फिलीपींस, घाना, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। और करेंटली ये जो पैनल जो है गाइस, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, वो यूके हम लोग को एज अ हेड देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वाइस चेयरमैन इंडिया बन चुका है। तो इसका काम क्या होता है इस पैनल का, मैं आपको बताता हूँ। इन लोग काम क्या करते हैं, तो ऑडिटर्स ऑडिटिंग के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो गड़बड़ी होती है उसको मॉनिटर किया जाता है, लूपहोल्स को मॉनिटर किया जाता है, कहीं फाइनेंशियल फंड के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, इस पर जो है ये काम करते हैं। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस एक तरह की हम लोग को देखने को मिलती है, या फिर ऑडिटिंग प्रोसेस एक तरह की इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को देखने को मिलती है। पैनल जो है वो ऑडिटिंग प्रोसेस पर काम करता है। कहीं से बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन मेंबर ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज को अडॉप्ट किया है, यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट है जिसपे फोकस किया जा रहा है कि जो रेफ्यूजीज जो है पूरी दुनिया भर में से उनको खत्म किया जाए, यानी कि स्टेटलेसनेस को खत्म किया जाए। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी कंट्री, जिसके होता है ना स्टेटलेसनेस या रेफ्यूजी, किनको बोला जाता है? उन लोगों को बोला जाता है जिन लोगों के पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं होती किसी भी कंट्री की, राइट। तो जो लोग, ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री में, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो कौन लोग हैं? रेफ्यूजीज हैं जिनको भगाया गया था म्यांमार से निकाल के, खदेड़ के निकाल दिया था, भगा दिया था। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं होती है, उनको रेफ्यूजीज बोला जाता है, राइट। तो ये रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स के बीच में एक डिफरेंस आप समझ लो। तो जिस भी कंट्री के लोगों को फोर्सफुली निकाला जाता है उनको रेफ्यूजी बोला जाता है, और माइग्रेंट का मतलब जो लोग खुद ब खुद अपनी रेसिडेंस को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आज मैं इंडिया में हूँ, मेरा मन कर रहा है कि यार मैं अब इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के, हालांकि कभी होगा नहीं ऐसा, मैं यूएसए शिफ्ट हो जाऊँ, तो मैंने क्या किया, मैं माइग्रेंट हुआ, यानी कि मैंने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप हासिल कर ली। तो यहाँ पर मेरे पास सिटीजनशिप है, बट जब मेरे पास सिटीजनशिप नहीं होगी उस कंडीशन पर मैं रेफ्यूजी कहलाऊंगा। समझ रहे हो डिफरेंस को? तो ये बेसिकली ग्लोबल हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजीज जो है ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जिस पर फोकस किया जाता है कि पूरी दुनिया भर में से रेफ्यूजीज को खत्म किया जाए। और इवन एक चीज और आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें टोटल जो 17 डेवलपमेंटल गोल है उनमें से एक गोल हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि 2030 तक स्टेटलेसनेस को खत्म करना, यानी कि सभी लोगों को जो है वो सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल पूरी दुनिया भर में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ना हो। सेकेंडली आई बिलोंग नाम का एक कैंपेन भी चल रहा है, याद रखना नाम चाहो तो कहीं पे लिख लो आई बिलोंग। इसका टारगेट भी यही है कि पूरी दुनिया भर में से स्टेटलेसनेस को जो है वो खत्म करना है 2024 तक, और इंडिया भी आई बिलोंग कैंपेन को सपोर्ट करती है। गाइस अब बताया जा रहा है कि इंडिया ने साइन किया है एक एसेशन पैक्ट, यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है ट्रांस रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क के साथ, जिसमें 30 कंट्रीज जो है वो
हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होगा गाइस, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये 30 कंट्रीज जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी कि कौन सी शिप जो है वो कहाँ से निकल रही है, किस डायरेक्शन पर जा रही है। तो इनका मेजर एक टारगेट ये रहेगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करना, बढ़ाना मैरीटाइम सिक्योरिटी को, बिकॉज कई सारे ऐसे आप जानते हो कि इलीगल तरीके से जो प्रोडक्ट्स के मूवमेंट होते हैं, कई सारी ऐसे जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लो तो ह्यूमंस को भी इलीगल तरीके से मूव किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। कई सारी ऐसी स्मगलिंग हम लोग को देखने को मिलती है जो कि शिप रूट के थ्रू या सी रूट के थ्रू होती है, राइट। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग ने देखा था कि जो मुंबई 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें भी सी रूट के थ्रू ही टेररिस्ट आए थे, राइट। तो इसका मकसद ये होगा कि ये 30 कंट्रीज आपस में जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो वो किस मीडियम के थ्रू जाएगा, तो उसको ये ट्रैक करेंगे, राइट। तो ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पर आपस में, और इसका एग्रीमेंट जो है वो इंडिया ने साइन कर लिया है। अब गाइस बताया जा रहा है कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने इंडिया में विजिट करी थी। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो इन्होंने वेरियस एग्रीमेंट्स वगैरह जो है वो कंडक्ट किए थे, एग्री बिजनेस को लेकर एग्रीमेंट हुए, वीज़ा को लेकर एग्रीमेंट्स हुए, राइट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कॉपरेशन यहाँ पर जाहिर किया, हेल्थ, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म, तो वेरियस सेक्टर्स में जो है वो इनकी बातचीत हुई, कॉपरेशन हुआ इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और इंडिया ने अनाउंस किया कि ये मालदीव्स को 1.4 बिलियन US डॉलर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर करेगी और साथ ही साथ टेररिज्म को खत्म करने पर भी बातचीत यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो वेरियस चीज़ें हम लोग को यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स के बीच में देखने को मिली थी। अब गाइस नेक्स्ट पिलर सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशली ओरिएंटेड इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिल रही है। तो दो स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो देखो गाइस ये दोनों स्कीम में पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कौन लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। तो देखो इस स्कीम को अवेल कर किया जा सकता है कोई किसी के भी द्वारा जिसके पास बैंक का अकाउंट हो, यानी कि जिसके पास बैंक खाता हो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इनकम सिनेरियो, इनकम स्लैब नहीं है कि सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग ही इसका लाभ उठाएंगे। जिस किसी के पास भी बैंक अकाउंट है वो इस स्कीम का सब्सक्राइबर बन सकता है, बेनिफिशियरी बन सकता है। तो देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी इंडिविजुअल 18 साल से 50 साल की उम्र के होंगे उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिल जाएगी, और जिनके पास बैंक अकाउंट होगा तो इस योजना के थ्रू 2 लाख रुपये तक का, 2 लाख रुपए का लाइफ कवर इंश्योरेंस ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर जो भी इसका बेनिफिशियरी होगा उसकी अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके द्वारा लिखे गए या बताए गए नॉमिनी जो होगा उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रीमियम बहुत ही सस्ता है, 330 रुपए एक साल के हिसाब से प्रीमियम इसका देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दूसरी स्कीम की बात करें तो 18 साल से 70 साल की उम्र के लोग जो है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और ये एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यानी कि डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके नॉमिनी को। और अगर कोई डिसेबल हो जाता है, पार्शियली डिसेबल या परमानेंट डिसेबल अगर कोई हो जाता है, राइट, तो उसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो याद रखना अगर कोई इंडिविजुअल परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे इस स्कीम के थ्रू, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा बताए गए नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। और इस स्कीम भी इसका प्रीमियम भी काफ़ी सस्ता है, मात्र 12 रुपए एक साल का, यानी कि 1 रुपए एक महीने का इसका प्रीमियम बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना की बात करें तो जितने भी लोग हैं गाइस जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा के हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई थी। इसमें उनको 10 सालों के लिए अश्योर्ड 8% पर एनम का रिटर्न जो है वो देने की बात की गई। तो ये बेसिकली ओल्ड एज पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। दोस्तों अब देखने को मिल रहा है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। बोला गया है कि 2018 और 19 के बजट में ये रखा गया है सामने कि हर एक ब्लॉक में 2022 तक जिस एरिया में, जिस ब्लॉक में 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन रहती है या फिर एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्संस रहते हैं तो उस जगह पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो डेवलप किए जाएंगे। ये बेसिकली शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई है और फोकस किया जा रहा है कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके वहाँ पर। अब गाइस जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात करें तो पहला पिलर इकोनॉमी आता है। तो G20 की समिट अभी हम लोग को अर्जेंटीना में देखने को मिली थी, तो उस समय इंडिया के द्वारा एक 9-पॉइंट एजेंडा सजेस्ट किया गया था
एक्शन अगेंस्ट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एंड एसेट रिकवरी के लिए, यानी कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि इजी तरीके समझाओ तो नीरव मोदी और विजय माल्या जो है गाइस, ये कौन है? तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इंडिया के बैंक से पैसा लोन लिया और चूना लगा के फ्रॉड करके जो है वो दूसरी कंट्री में जाकर बैठ गए। अब हम लोग को पता है कि यार विजय माल्या लंदन में बैठा हुआ है, बट देन टू वी आर नॉट एबल टू अरेस्ट विजय माल्या। द रीजन बीइंग इज क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है, वहाँ की कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं और हम लोग किसी और कंट्री में जाकर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को उठाकर कैद करके जो है वो या फिर अरेस्ट करके नहीं ला सकते, राइट? तो ये इससे क्या होता है, इससे ऐसे जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको बढ़ावा मिल जाता है। तो इंडिया ने ऐसे 9 पॉइंट सजेस्ट किए हैं जिसमें बताया है कि किस प्रकार से हम लोग इफेक्टिवली ऐसे क्राइम से जो है वो लड़ पाएं, ऐसे फाइनेंशियल क्राइम से लड़ पाएं। तो इन्होंने बोला है कि सभी G20 कंट्री जो है, इंडिया ने बताया है कि सभी G20 कंट्री को सामने आना चाहिए, आपस में मिलकर जो है वो एक कॉपरेशन के साथ, एक्टिव कॉपरेशन और कोलेबोरेशन के साथ जो है वो ऐसे फाइनेंशियल क्राइम को रोकने पर मदद करनी चाहिए, राइट? एक दूसरे के साथ एक तरह का एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके तहत ऐसे ऑफेंडर्स जो है वो बच ना पाए, उनको सेफ हेवेंस जो है वो ना मिल पाए और ऐसे ऑफेंडर्स को की एंट्री दूसरे देशों में डिनाई कर दी जाए। एटलीस्ट 20 ये कंट्रीज हैं G20 मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है, 20 कंट्रीज नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि आपको मैंने बताया था कि G20 में 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है और यूरोपियन यूनियन अपने आप में 28 कंट्रीज का एक संघ है, राइट? तो ऐसी इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ था और इवन बोला गया था कि जो प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के, तो इस प्रिंसिपल को भी अडॉप्ट किया जाए, स्पेशली इसके अंदर जो इंटरनेशनल कॉपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि सभी लोग आपस में कॉपरेट करें, राइट? इस प्रकार के क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, तो वैसे ही इनका जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है उसी के आधार पर, उसी के प्रिंसिपल पर ये कहा गया है कि सभी G20 के जो मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर जो है वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर को रोकने पर काम करें, राइट? फोकस करें, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं दी जाए उनके नेशन के अंदर, क्योंकि उनको एक बार एंट्री मिल जाती है फिर वो मस्त रहते हैं दूसरी कंट्री के अंदर कहीं से भी फ्रॉड करके, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये का, लाखों तो छोटी बात हो गई अब, करोड़ रुपए का फ्रॉड करके, राइट? और इसमें बोला गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को पावर दी जाए कि वो जो है वो ऐसे ऑफेंसेस जो होते हैं उस पर मॉनिटर करें, राइट? उस पर कार्रवाई करें, इवन इंटरपोल की भी यहाँ पर बात हुई थी, राइट? कि इंटरपोल को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो ये वेरियस चीज़ें जो है वो इंडिया के द्वारा दी गई हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि इंडिया के अंदर ऐसे जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके कारण काफ़ी सारे हमारे बैंक जो है वो NPA हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे बैंक में हम लोग को देखने को मिल गए, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ा है, राइट? अब बोगी बील ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, तो पहली चीज़ याद रखना, ये ब्रिज जो है वो आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके ऊपर ये ब्रिज हम लोग को देखने को मिलता है, और रोड और रेल ये कंबाइंड ब्रिज है, रोड और रेल दोनों का, राइट? और 2002 में स्टार्ट हुआ था ये इस ब्रिज का बनना, और ये बताया जा रहा है कि लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है इंडिया का, 4.94 किलोमीटर का ये है, और आसाम अकॉर्ड 1985 का ये हिस्सा है बोगी बील प्रोजेक्ट का। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी 2018 राइस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वर्ल्ड बैंक ने गाइस इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शन को जो है वो, इंडिया का जो सक्सेसफुल हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी ऑक्शन, तो उसको प्रेस किया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडिया ने गाइस काफ़ी सस्ते रेट में जो है वो सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करना जो है वो डिक्लेयर किया है, यानी कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया भर में सबसे सस्ते रेट में जो है वो सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और सबसे महंगे रेट में सोलार एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है कनाडा, चाहो तो लिख लो कहीं पे। अब देखिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, ये रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी राइज 2018, जिसमें हम लोग को देखने को मिला है कि कौन सी कंट्रीज जो है वो सस्टेनेबल तरीके से एनर्जी पॉलिसीज पर काम कर रही हैं और फोकस कर रही हैं प्रोग्रेसिवली, तो उसको इन्होंने चार्ट प्रोवाइड किया है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ करी थी जो 24th कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो वहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। अब इसमें चार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 7 टारगेट एरियाज हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि जो एक्सेस टू क्लीन कुकिंग जो है, तो उसमें क्लीन कुकिंग वाला जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज़्यादा ओवरलुक्ड है और अंडरफंडेड है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, यानी कि इस क्लीन कुकिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इसी के लिए हमारे इंडिया के अंदर एक उज्ज्वल स्कीम देखने को मिली, जिसमें कि फ्री LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज की महिलाओं को, राइट? जिसके थ्रू फोकस किया जा रहा है कि लोग बाग LPG का उपयोग करें और इस प्रकार के अनक्लीन कुकिंग फ्यूल्स का उपयोग ना करें, राइट? तो क्लीन कुकिंग फ्यूल पर ध्यान जो है वो ये इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि वेरियस कंट्रीज के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, और इसी के ऊपर हाईलाइट किया गया है कि इस पर ध्यान दिया जाए, और आप जानते हो कि इंडिया में काफ़ी जोरों शोरों से इस पर ध्यान चल रहा है।
सौभाग्य स्कीम की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की बात की जा रही है तो सितंबर 2017 को यह स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सभी इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मिले उनको, राइट, इलेक्ट्रीफाई करने की बात की गई थी, अर्बन रूरल दोनों एरियाज को यहां पर कवर करने की बात की गई थी कि पूरे इंडिया में सभी लोगों के पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए और फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा था बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को। और बताया जा रहा है कि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, जो अबव पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो उन लोग को सिर्फ 500 रुपये पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को हासिल करने के लिए। अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है गाइस, ये नोडल एजेंसी है सौभाग्य स्कीम की, ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा। और जिन जिन एरिया पर जहाँ पर खंबे नहीं लग सकते, ग्रिड्स वगैरह नहीं लग सकते, पोल्स वगैरह, राइट, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स वगैरह, तो ऐसी जगहों पर सोलर फोटोवोल्टाइक का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों के घर के ऊपर जो है वो सोलर ग्रिड्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल सके, राइट। तो ये किस पर्पज के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे पर्पज मतलब सोलर फोटोवोल्टाइक, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है जिन लोगों के घर पर खंबे नहीं लग सकते, उस एरिया पर जैसे कि हिली एरियाज पर खंबे नहीं लगाए जा सकते, वहां पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं पहुंचाई जा सकती, तो उस समय यहां पर सोलर फोटोवोल्टाइक का उपयोग किया जाएगा। इसमें आप एग्जांपल के तौर पर छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर इसी तरीके से हम लोग को देखने को मिला था कि जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई ऐसे सोलर ग्रिड्स लगा के, राइट। अब रायथू बंधु स्कीम की बात की जा रही है तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए। इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स को 4,000 रुपये एक एकड़ के हिसाब से हर सीजन पे दिया जाएगा, जिसके चलते उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि उनके पास जो है वो रेडी कैश रखा रहेगा, तो उनको किसी और से जो है वो लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इवन ये इस पैसे को जो है वो अलग अलग जगह पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, इवन जैसे कि फार्मर जो है वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अपने बच्चों की एजुकेशन फीस देने के लिए, या फिर उस फार्मर के घर के अंदर कोई ओल्ड एज पर्सन है, राइट, तो उसके इलाज के लिए वो इन सब पैसों का उपयोग कर सकता है। तो एक तरह से फार्मर को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से एक सीजन के लिए दिए जाएंगे रायथू बंधु स्कीम के थ्रू। ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम, याद रखिएगा नाम। बात करेंगे इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिवाइज किया है 23 आइटम्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो देखो ट्राइफाइड जो है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, उन्होंने रिकमेंड किया था कुछ नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, और गाइस इसकी आवश्यकता ये थी क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाली जो कम्युनिटीज होती हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती हैं ऐसी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, राइट। तो उनका बताया जाता है कि 20-40% तक की उनकी इनकम टोटली कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला था। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, ये ऐसे यानी कि फॉरेस्ट एरियाज में उगने वाले ऐसे कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनको बेचकर फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो है वो कुछ पैसा कमाती हैं, तो इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। तो इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ऑफर करी है गवर्नमेंट ने, और आप जानते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ऐसी प्राइस जिस पर मिनिमम फार्मर्स को या जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है, राइट। तो इस पर एक इनकम सिक्योरिटी जो है वो हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए। अब देखो ये तो कॉमन चीज़ें ये सब जानते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है इसको रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा, राइट। अब गाइस बताया जा रहा है कि इंडिया एज अ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पर हम लोग को देखने को मिलेगी, तो इंडिया के पास मेंबरशिप हो गई है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 2020 से लेकर 21 के टर्म के लिए, टेन्योर के लिए, और ये अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के द्वारा। तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया, और इसका 160th सेशन हम लोग को अभी रिसेंटली रोम में देखने को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का, जिसमें एक और चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि इंडिया ने प्रपोजल रखा था कि मिलिट्स के लिए इंटरनेशनल ईयर्स जो है वो 2030 को बनाना चाहिए, तो इस चीज़ का अप्रूवल जो है यूनाइटेड नेशन ने दे दिया है, और हम लोग को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स जो है वो 2023 का देखने को मिलेगा। अब देखो 2023 में कंप्लीटली फोकस किया जाएगा सिर्फ मिलिट्स के ऊपर, और मिलिट्स आप जानते हैं गाइस कि मिलिट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है मिलिट्स को लेकर कि मिलिट्स जो है वो कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, और इवन इसको न्यूट्री सीरियल भी बोला जाता है, तो इस पर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी 2023 में काफ़ी ज़्यादा, और इसके लिए इस 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने का प्रपोजल ही इंडिया ने रखा था जिसको अप्रूवल हो गया। मिलेट्स कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, और भी कई सारे माइनर मिलेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स जिनको बोला जाता है जनरली, राइट। तो देखो आप जानते होंगे कि ज्वार और बाजरा जो है वो कितना ज़्यादा
हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग जो है वो अवेयर नहीं है। तो फोकस यही किया जा रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार बाजरा और इस प्रकार के मिलेट्स जो है उसको कंज्यूम करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बताया जा रहा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फार्मर के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए, और पहली बार ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम लोग को देखने को मिला है इंडिया में कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो हमारी कंट्री के जितने भी फार्मर्स हैं गाइस, तो उनकी सॉइल कैसी है तो उसको एनालाइज किया जाएगा एक्सपर्ट्स वगैरह के द्वारा, और इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स तक पहुँचाई जाएगी न्यूज़ की उनकी सॉइल में जो है वो क्या क्या कमियाँ हैं, और समय समय पर इसकी एनालिसिस जो है वो की जाएगी। और हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है कि 12.04 करोड़ फार्मर्स जो हैं उनको बेनिफिट मिले, उनको जानकारी मिल जाए कि उनकी सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमियां हैं, उस हिसाब से वो अपनी सॉइल पर जो है वो बेटर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, और उसके पीछे एक्सपर्ट जो है वो सजेशन प्रोवाइड कराएंगे फार्मर्स को इससे रिलेटेड। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो सिक्स्थ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है साउथ एशिया रीजनल सेंटर का, ये हमारे इंडिया में अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग के कैंपस के अंदर होगा, इंस्टीट्यूट बिल्डअप किया जाएगा जो कि वाराणसी में स्थित है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का छठवां ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल का साउथ एशियन रीजन का, तो ये वाराणसी में बिल्डअप किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाएगी राइस से रिलेटेड, हम लोग को देखने को मिलेगा राइट राइस के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं गाइस, वो पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर पर जिन्होंने विजिट किया था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, नवंबर 2017 में इन्होंने विजिट किया था। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, बस जनरली आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो फिलीपींस मनीला में हम लोग को देखने को मिलता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन रोड रीजनल समिट की बात करें तो ये हम लोग को देखने को मिला था कि वाराणसी में ही हुई थी, दीनदयाल हस्तकला संकुल जो है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम, वहां पर ये समिट हम लोग को देखने को मिली थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। तो इस पर एम किया गया था कि जो लोकल पीपल जो है गाइस वो अपने आर्ट्स और क्राफ्ट्स पर काम करें, ज़्यादातर हैंडमेड प्रोडक्ट्स पर काम करें और वो प्रमोट करें इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को, राइट, अपनी स्किल्स के थ्रू ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करें, राइट, लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाकर। अब देखिए पेमेंट ऐप्स के लिए कुछ नॉर्म्स लाने की बात करी है मीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने आरबीआई को कहा है कि वो कुछ नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए जिसके चलते पेमेंट ऐप्स जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके और पेमेंट ऐप्स जो है वो लोगों का डेटा अपने पास स्टोर करके ना रखें। तो देखो होता क्या है, हम लोग के पास पेटीएम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, भीम ऐप उपयोग कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, तो देर आर वेरियस ऐप्स, फोन पे उपयोग कर रहे हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए, बट व्हाट दीज ऐप्स आर डूइंग, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कंज्यूमर की अपने पास स्टोर करके रख रही है। और आप जानते होगा इसकी डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है और ऐसा कंसर्न रेज किया था नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा कि ये सब ऐप्स जो है गाइज ये काफ़ी सारा डेटा कंज्यूमर्स का पर्सनल डेटा ये अपने पास सिक्योर करके रख रही हैं जो कि काफ़ी खतरनाक इन फ्यूचर हो सकता है। अगर ये डेटा लीक हो जाए किसी माध्यम के थ्रू तो चुटकियों में काफ़ी सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को देखने को मिला कि आरबीआई जो है वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रही है जिसके चलते पेमेंट बैंक्स वगैरह के ऊपर जो है वो निगरानी रखी जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई भी एनपीसीआई बैंक्स और जो ये सर्विस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस प्रकार की एप्लीकेशंस वगैरह उनके बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है डेटा सिक्योरिटी को लेकर या डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, राइट। तो आरबीआई ने डायरेक्शन दिए हैं सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो इंश्योर करें कि जितना भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड डेटा जो है जो कि वो ऑपरेट किया जा रहा है वो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होगा। और इवन आप जानते ही हैं कि कुछ समय पहले यही ऑर्डर जो है वो आरबीआई ने जो है वो न्यूज़ वगैरह में दिए थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिला था, तो अप्रैल में ये ऑर्डर पास किए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि जितना भी डेटा है इंडियंस का, राइट, फाइनेंशियल डेटा स्पेशली, तो वो इंडिया के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, इंडिया की बाहर की कंपनी में स्टोर नहीं होना चाहिए, राइट। और एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 भी ड्राफ्ट किया गया है जिसके चलते लोगों के डेटा प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है और डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लाने की बात की जा रही है इंडिया में, राइट, क्योंकि आज की डेट में डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हम लोग को देखने को मिल रहा है और काफ़ी विवाद भी न्यूज़ में आता जाता दिखाई दे रहा है। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर तो उसका ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये पूरा मॉनिटर करता है और ये सेटअप किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडेंस और सपोर्ट के थ्रू और साथ ही साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन के थ्रू, राइट। और इसके 10 प्रमोटर्स बैंक भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने यूपीआई बनाया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, राइट, और जो कि इंडिया को कैशलेस सोसाइटी बनाने पर काम कर रहा है। और इन्होंने एक रुपे जो है जो कि हमारा खुद का
कार्ड सिस्टम है, कार्ड पेमेंट नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, रुपे कार्ड जिसको हम लोग देखते हैं, जिसको अभी रिसेंटली भूटान में भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था और बहरीन में भी लॉन्च हुआ है, मालदीव्स में भी ये रुपे जो है वो लॉन्च हो चुका है, राइट। तो ये जो है वो फोकस किया, ये यूपीआई के द्वारा, यूपीआई इन्होंने बनाया था, रुपए इन्होंने बनाया था, एनपीसीआई ने, तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, राइट। अब देखिए एनआईएमजेड को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को, तो देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, एक ऐसा जोन जहां पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मैन्युफैक्चर की जाएंगी चीज़ों को, तो एक तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब ही हम लोग को देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा एरिया है, डेवलप्ड लैंड का एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है और एक तरह का इकोसिस्टम है जहां पर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। और अभी तक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है इस प्रकार के जोन सिर्फ तीन ही जगह पर हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट। जब बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने अनाउंस किया है पहली स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2018 को, राइट। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो स्टार्टअप पॉलिसी लीडर्स हैं, इंक्यूबेशन हब है, सीडिंग इनोवेशन है, स्केलिंग इनोवेशन, रेगुलेटरी चेन चैंपियंस, प्रोक्योरमेंट लीडर्स, कम्युनिकेशन चैंपियंस, नॉर्थ ईस्टर्न लीडर्स, हिल स्टेट लीडर, तो ये जो अलग अलग वेरियस कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर कोई भी स्टेट जो है वो कौन सी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर बेस्ड ये रैंकिंग यहाँ पर DIPP के द्वारा निकाली गई है, राइट। तो एम किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो स्टार्टअप्स पर फोकस करें, इन्वेस्टमेंट करें स्टार्टअप्स पर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस करें और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करें। इससे क्या होगा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा स्टेट्स का आपस में और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलेगी कि वेरियस स्टेट्स जो है वो स्टार्टअप्स पर फोकस करेंगे, इनोवेशन पर फोकस करेंगे, राइट। अब देखो एक स्टार्टअप बिल्डअप होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक स्टार्टअप के साथ काफी सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो इसी प्रकार से फोकस किया जा रहा है। और जॉब के अलावा भी हम लोग को देखने को मिलेगा जो स्टार्टअप्स होंगे वो नए नए इनोवेटिव चीज़ों को लेकर आएंगे, राइट। और एक हेल्दी इकोनॉमी जो है वो इंडिया बन सकेगी और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को काफी बूस्ट मिल जाएगा इससे। अब इसमें बेस्ट परफॉर्मर गुजरात है, टॉप परफॉर्मर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये वेरियस आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स की क्या क्या रैंकिंग आई है और आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए और आपकी स्टेट की क्या रैंकिंग है ये भी लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात की जा रही है, नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स को रिलीज किया है, तो ये नाम है बेसलाइन रिपोर्ट 2018। तो अब देखिए गाइस इसमें फोकस क्या किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो इंडिया जो है वो कौन से गोल को किस प्रकार से अचीव कर रही है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म्स के ऊपर ये मेजर किया गया है इन गोल्स को कि कितनी तेजी से, कितनी अच्छी तरह से हम लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह का मैप जो है वो बनाया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, और ये डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और इसमें से 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसी को रखा गया है, 17 में से 13 गोल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे इसमें, गोल नंबर 12, 13 और 14 नहीं देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट डेटा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है एट प्रेजेंट, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गई हैं, राइट। तो हम लोग को देखने को मिल रही है कि कितनी तेजी से जो है वो गोल को अचीव करने पर फोकस करें, बट अल्टीमेटली अगर आप स्टेट की तरफ देखोगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि हमारी स्टेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काम जो है वो चल रहा है, बट हाँ थोड़ा स्लो तरीके से चल रहा है, बट देन टू चल रहा है। नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल जो है वो सेटअप की जा रही है DIPP के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस पर फोकस किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाए वेरियस मेडिकल डिवाइसेस को, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर गाइस मोस्ट ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस हम लोग इंपोर्ट कराते हैं दूसरी कंट्री से, राइट, मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो फोकस किया जा रहा है कि हम लोग इंडिया के अंदर ही मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। और जो आंध्र प्रदेश के अंदर मेडिटेक जोन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इस काउंसिल को। और ये जो काउंसिल के अंदर हम लोग को DIPP के सेक्रेटरी यानी कि एक IAS ऑफिसर एज अ हेड जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। अब देखिए PCS1X के बारे में बात की जा रही है, इंडिया पोर्ट्स एसोसिएशन ने लॉन्च किया है PCS1X को, जिसके चलते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को इंक्रीज करने पर फोकस किया जा रहा है। ये क्लाउड बेस्ड न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें 8 नए स्टेक होल्डर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इकट्ठा होकर जो है ये काम कर रहे हैं मैरीटाइम ट्रेड को सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने की, राइट। तो जितना भी मैरीटाइम ट्रेड होता है इजी तरीके से समझो तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि फोकस करेगा कि जो डिपेंडेंसी होती है यानी कि जो जैसे कि एक सामान है
ठीक है, वो पोर्ट में आकर रखा गया। अब एक सामान पोर्ट में आकर रखा रहता है, उसको काफी समय के बाद वो शिप पर चढ़ता है, क्योंकि सामान रखेगा, लाएंगे सामान को, उसकी फिर उसका चेक किया जाएगा कहीं उसमें कोई इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट। तो वेरियस प्रोसेस से होकर गुजरता है वो सामान, तब जाकर फिर फाइनली शिप में वो ऑफलोड किया जाता है। तो अब इस चीज़ को पूरा डिजिटल करने की बात की जा रही है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा मैरीटाइम ट्रेड जो है वो हम लोग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक तरह से आप सोचो, इमेजिन करो प्रैक्टिकल लेवल पर, कि जब तक सामान शिप में नहीं चढ़ेगा तब तक वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, तब तक वो कैसे जाएगा। तो क्या होता है कि जब सामान पोर्ट में आने से लेकर शिप में चढ़ने तक बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सामान को, तो बोला जा रहा है कि इस प्रोसेस को पूरा डिजिटल किया जा रहा है, जिसके चलते प्रोसेस जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टेट्स, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, इनको नोटिस भेजा है कि इन्होंने जो है वो लैंड एक्विजिशन लॉ को चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करी थी कि जो है उनको भगा दिया गया है उनके स्थित स्थान से। तो ये इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। तो देखो गाइस, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कहीं पर एक रेल की पटरी जो है वो बिछानी है, ठीक है, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्डअप करना है। अब उस जगह पर ऑलरेडी एक ऐसी जगह है, अब देखो रेल की पटरी बिछाई जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, और वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर किसी और की भी ज़मीन मौजूद हो, किसी और के भी घर मौजूद हो, जैसे कि सरकार जो है जब वो रोड चौड़ी करती है तो लोगों के घर वर तोड़ देती है, राइट। या फिर कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चालू किया जाता है सरकार के द्वारा, तो क्या होता है उस वहाँ पर जो उस ज़मीन को खरीदा जाता है जहाँ पर प्रोजेक्ट चालू करना है, या फिर उस घर पे अगर कोई वहाँ पर स्थित है, यानी कि कोई बस्ती वगैरह है वहाँ पर, तो उस बस्ती को हटाया जाता है। तो देखो, एक कानून है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, जिसको जनरली लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। तो ये कानून कहता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी इंडिविजुअल को हटाया जा रहा है उसकी स्थित स्थान से, तो पहले उसके लिए कोई दूसरी जगह, दूसरा शेल्टर जो है वो चालू किया जाए, ओपन किया जाए, और उसके बाद फिर उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। बट क्या हुआ हम लोग को देखने को मिला कि कई सारी स्टेट्स हैं, स्पेशली दीज 5 स्टेट्स, इन्होंने अपने कानून को चेंज किया, और कि जिसके चलते लोगों को प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ना मिल पाए उससे पहले ही जो है वो वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। तो देखो, कानून क्या कहता है कि पहले आपको लोगों को, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो पहले उनको आप एक जगह दे दो जहाँ पर वो शिफ्ट कर पाए, रह पाए। बट इन्होंने कुछ चेंजेस ऐसे लेकर आए जहाँ पर ऐसा था कि लोग जो हैं उनको निकालो और उनको आश्वासन दो कि आपको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद कहानी डिले करते रहो, राइट। तो उनको प्रॉपर शेल्टर ना दो, कई सारी स्टेट्स ऐसे लूपहोल निकाल के दूसरे लोगों को जिनको उनको शिफ्ट करना था और वहाँ पर उनकी जगह पर प्रोजेक्ट चालू करना था, तो उनको उन्होंने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं प्रोवाइड कराया और अपना प्रोजेक्ट शुरू हो गया, और आज लोग बाग जो है वो घर से बेघर हो गए। गई जब बताया जा रहा है कि कई सारे स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं और कहा है कि अपनी एंजल फंडिंग से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं वो क्लियर किए जाएँ, स्टार्टअप्स को बोला है कि अपने टैक्सेस को क्लियर कर दो। तो एंजल फंडिंग और एंजल टैक्स क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस आप समझो। तो देखो गाइस, पहली चीज़ तो एंजल फंडिंग हम लोग समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप के ऊपर आपने 1 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए, तो आपने क्या किया उसके ऊपर एंजल फंडिंग दी। अब एंजल फंडिंग ऐसी फंडिंग को बोला जाता है जो फेयर मार्केट वैल्यू से उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि फेयर मार्केट वैल्यू, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इस फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करती है। अब फेयर मार्केट वैल्यू जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट किया कि एक स्टार्टअप जो है, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन बनाने का एक कोई स्टार्टअप है, तो वो जो स्टार्टअप है मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, उन्होंने सोचा कि यार जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होना चाहिए मोबाइल फ़ोन बनाने का, वो शेयर के अकॉर्डिंग 50 लाख होनी चाहिए, बट आपने उस कंपनी पर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या हुआ कि आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है, और ये फेयर वैल्यू डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम लोग को देखने को मिली। तो इसमें क्या हुआ, जो इन्होंने जो फेयर वाली वैल्यू जो डिसाइड किया ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया, बट आपने जो 1 करोड़ रुपए दिए, आप तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप शेयर होल्डर हो गए उस कंपनी के, आपको पता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो स्टार्टअप वाला है उसको पता है कि उसका उसने जो पैसा चार्ज किया है वो फेयर चार्ज किया है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको थोड़ा ना पता कि मोबाइल फोन जो बनाया जा रहा है वो एप्पल आईफोन की कैटेगरी वाला बन रहा है, राइट, यानी कि अच्छे खासे उसमें हाईटेक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई काफ़ी शानदार मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोबाइल फोन, रोबोटिक फीचर्स होंगे उसमें, इस प्रकार का, राइट। तो आपने वो सब चीज़, आपने उसके इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए उसको इन्वेस्टमेंट दिया, उसने जो आपसे चार्ज किया वो अपने अलग खर्चों को ध्यान में रखते हुए चार्ज किया, बट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको ऐसा लगा कि जो फंडिंग हुई है ये फेयर वैल्यू से ज़्यादा फंडिंग हुई है, तो यहीं पर ही एक लूप होल आ जाता है, और इसीलिए आज की डेट में स्टार्टअप जो है वो परेशान हो रही है इसी, और ये जो इशू जो है एंजल टैक्स का और एंजल फंडिंग का हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है ये डिसाइड करने का कि जो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए और जो एंजल फंडिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, राइट। तो ये डिफरेंस के कारण ही पूरा झोलमाल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ऐसी जो
हायर वैल्यूएशन के जो फंडिंग होती है उस पर 30% टैक्स जो है वो लगाया जाता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये बोलती है कि जितने इस प्रकार की जो हायर जो वैल्यूएशन के जो शेयर्स हैं, राइट, जो फंडिंग है, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहती है कि ऐसी फंडिंग जो होती है वो एक कंपनी की इनकम मानी जाएगी, राइट right? तो ये चीज इससे वो रिलेट कर लेते हैं कि इट इज काउंटेड एज ए इनकम टू दैट कंपनी एंड इज टैक्स्ड, तो ये बोला जाता है। और एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस ही किया था 2012 में, क्योंकि काफी ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने से रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो काफी सारी नोटिस की गई थी, तो इसी को देखते हुए एक एंजल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि पहले के समय पे होता ये था कि लोग बाग जिनका काला पैसा हुआ करता था वो किसी कंपनी में डाल देते थे अपना पैसा भारी अमाउंट और उसको वो व्हाइट बना लेते थे, तो ऐसी चीजें ना हो, ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, तो इसके लिए इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखेंगे, एंजल टैक्स जो है वो सामने आया। अब एंजल टैक्स प्रॉब्लमेटिक क्यों है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर जो प्रीमियम पे कर रहा है तो वो उस बिजनेस के आइडिया के ऊपर पे करता है, बट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको नहीं पता कि जो आइडिया जो है वो क्या है या कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, वो सिर्फ एक अपना खुद ब खुद अनुमान लगा लेते हैं और उस हिसाब से बिना किसी प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर और उसके कैलकुलेशन के वो किसी भी फंडिंग को जो है वो फेयर वैल्यू फंडिंग या फिर एंजल फंडिंग जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं, राइट। तो ये एक इशू था और इसीलिए काफ़ी सारी आईटी कंपनीज ने काफ़ी सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको नोटिस भेजे थे आईटी डिपार्टमेंट ने, सॉरी, CS, विप्रो, IBM, ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये गाइज आरबीआई ने इन कंपनीज को चुना है कि ये कंपनी जो है वो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को सेटअप करेंगी। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी सेटअप करने की बात कर रहे हैं, ये एक डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, तो इसकी मदद से जो विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, जैसे कि जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और वो बैंक से लोन सिर्फ इसलिए लेते हैं कि वो बैंक को चूना लगा दें यानी कि डिफॉल्टर बन जाए, तो ऐसे लोगों को जो है वो पहचानने के लिए और उनका डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करने के लिए ये कुछ कंपनी जो है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है कि वो ऐसी डिजिटल रजिस्ट्री, क्रेडिट रजिस्ट्री जो है वो तैयार करें, राइट। तो इसीलिए ये कंपनी हम लोग को देखने को मिली है, राइट। तो और आज के रेट में वैसे ही काफी ज्यादा घोटाला हो रहा है हमारे यहाँ इंडिया में। अब बिमल जलन जो है गाइज ये हेड करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व को लेकर, देखो ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियो में जो पिछले मंथ का था वो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो हम लोग को आज की डेट में जो वॉर देखने को मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वॉर नहीं कहेंगे हालांकि एक टेंशन देखने को मिली थी GOI और RBI के बीच में, तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो RBI से मांग रही थी कि उनको एक्सेसिव सरप्लस जो RBI के पास रखा हुआ है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाए जिससे कि गवर्नमेंट वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सके, बट RBI मना कर रही थी। इससे पहले हमने देखा कि उर्जित पटेल जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उन्होंने इसी मैटर के ऊपर रिजाइन कर दिया था इसी चीज़ को लेकर। फिर अब फाइनली जो है वो बिमल जलन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, अभी एट प्रेजेंट का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ करंट का, सितंबर 2019 जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, कि अभी जो हुआ है वो अभी डिसाइड हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने सरप्लस को जो है वो गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि जो बिमल जलन कमेटी जो बनाई गई थी, और बिमल जलन की मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये इन्होंने रिकमेंड किए थे कि जो RBI के पास जो एक्सेसिव अमाउंट है वो RBI गवर्नमेंट को दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी एक पावर हम लोग को देखने को मिलती है, लीगल पावर, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो RBI को कमांड कर सकती है। अब इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने गाइस 41,000 करोड़ रुपए जो है वो मांगे हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए। आप जानते हो कि बैंक में काफ़ी ज़्यादा NPA हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गई हैं बैंक, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो बैंक से फ्रॉड करके भग गए। अब बैंक जो है वो अनस्टेबल हो गई है, दैट्स वाई हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बैंक को 41,000 करोड़ रुपये चाहिए स्टेबल होने के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम की अगर बात करें गाइस, तो सेंटर contribution to national pension scheme has been increased to 14% from 10%. तो देखो normally पहले हम लोग को देखने को मिलता था कि national pension scheme के through government जो है वो 10% contribute किया करती थी लोगों की पेंशन के लिए, बट अब ये 10% से 14% हो गया है, और इवन ये भी देखने को मिल रहा है कि जो national pension scheme के जो subscriber हैं वो 60% तक amount जो है वो withdraw कर सकते हैं ऑल ओवर, राइट। तो पहले हुआ करता था कि पहले जो है वो जब अमाउंट विड्रॉ किया करते थे तो उनके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह लगता था, बट अब जब वो विड्रॉ करेंगे तो उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं लगाया जाएगा। अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में इसको लॉन्च किया गया था, स्टार्टिंग में इसको सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लॉन्च किया गया था, उसके बाद फिर 2009 में सभी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको लॉन्च कर दिया था। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपकी कहीं पर जॉब लगी तो उसमें आप देखते हो कि जो पेंशंस जो मिलती हैं यानी कि कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है हर महीने आपकी सैलरी से कटता है, और फिर एंड में जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन जो है वो दी जाती है, तो वो आप ही का अमाउंट होता है जो आप थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, थोड़ा आपकी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एंड सम पोर्शन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि पहले 10% हुआ करता था, अब गवर्नमेंट 14% इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात करें तो MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU साइन किया है मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया के साथ, और ये ट्रेन करेंगी रूरल यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो गांव के युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये ट्रेनिंग ऑफर की जाएगी। अब देखिए चैंपियन एम्प्लॉयर्स पॉलिसी भी याद रखना आप, कि ये चैंपियन एम्प्लॉयर पॉलिसी जो है ये उन इंडस्ट्री लीडर्स को बोला जाता है, यानी कि उन चैंपियन एम्प्लॉयर्स जो है वो उन इंडस्ट्री के लीडर को बोला जाता है जो कि ट्रेनिंग ऑफर करते हैं इस स्कीम के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू। जो MOU हमने देखी ना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये जो स्कीम है इसके थ्रू जो भी इंडस्ट्रियल लीडर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो ट्रेनर बन जाते हैं, तो उनको चैंपियंस एम्प्लॉयर जो है वो बोला जाता है, राइट। और फिर वो फोकस करते हैं कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए भी, राइट। अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इंप्लीमेंट करी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, और इसका मकसद ये है कि गाइस जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस ऑफर करना, जिसके चलते उनको कोई भी अगर नेचुरल रिस्क होता है, यानी कि जैसे कि हमने देखा कि कभी भी एकदम से बारिश तेज़ हो गई, उनकी फसलें वगैरह ख़राब हो गई, कई बार हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा बारिश होने के कारण भी किसान की फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि किसान जो है उसके ऊपर लोन का काफ़ी बर्डन ऑलरेडी रहता है, और अगर उसकी फसल ख़राब हो जाएगी तो और उसका पूरा कंप्लीटली नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो, किसान जो है वो ईजी तरीके से अपने लोन को पे ऑफ कर सके, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लाई गई, जिसके चलते अगर फार्मर की जो फील्ड है और जो उसकी ईल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं फसल जो है अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसको जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा, उसको रिकवरी मिल जाएगी इस चीज़ की। और ये कंपलसरी है, हर एक किसान जो कि लोन लेता है बैंक से तो उसके लिए बिल्कुल कंपलसरी है ये वाली स्कीम, और वॉलंट्री है नॉन लोनी फार्मर्स के लिए, यानी कि जो लोग फार्मर्स लोन नहीं लेते हैं उनके लिए वॉलंट्री है। और इसका मैक्सिमम प्रीमियम होगा 2% खारिफ के लिए, 1.5% राबी के लिए और 5% कमर्शियल क्रॉप के लिए, यानी कि जो भी किसान अगर खारिफ क्रॉप उगाते हैं तो उस टोटल क्रॉप का 2% ही सिर्फ उनको प्रीमियम जो है वो भरना पड़ेगा, और रेस्ट जो डिफरेंस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा, राइट। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के नाम से इसको जनरली हम लोग जानते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम के थ्रू एक जो गरीब परिवार हैं, पुअर पीपल हैं, पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं, बताया जा रहा है कि 50 करोड़ लोग जो हैं उनको इस स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो उस स्कीम में 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट होगा इनका, यानी कि अगर कोई भी फैमिली जो है उसके अंदर कोई भी इलाज कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको इस स्कीम के थ्रू उनका पूरा खर्चा जो होगा सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन का वो कंप्लीट सरकार की तरफ से दिया जाएगा पूरा, यानी कि 5 लाख रुपीज़ तक का ये बताया जा रहा है, इतना खर्चा जो है वो दिया जाएगा। और 10 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ को ये टारगेट कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली की साइज़ के ऊपर, यानी कि एक इंडिविजुअल है, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ है, उनके अगर 5 बच्चे 6 बच्चे भी हुए तो भी सबको जो है वो इस स्कीम के थ्रू कवर कर लिया जाएगा, और सेंटर और स्टेट के बीच में ये शेयर होगा इसका प्रीमियम 60-40 के रेशियो से, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए फेम इंडिया स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। तो फेम इंडिया स्कीम के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग को, तो मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है कि ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की आवश्यकता है। और आप जानती हो कि पेट्रोल डीजल जो है ये फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, तो इसका रिजर्व जो है वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा कम है, और जिस रेट में हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं उस रेट में अगर करते रहे तो नेक्स्ट 40 ईयर्स में कंप्लीटली पूरी दुनिया भर में से ये रिजर्व खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज द ऑफिशियल रिपोर्ट, और ये बकायदा ये रिपोर्ट में NCERT में भी बकायदा इसके बारे में भी मेंशन है कि लगातार अगर हम लोग कंटिन्यूसली जिस रेट में पेट्रोलियम को उपयोग कर रहे हैं उस रेट में करते रहे तो पूरी दुनिया भर में से पेट्रोलियम डीजल जो है वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिजर्व, राइट। तो उसके लिए हम लोग को पावर के लिए अल्टरनेटिव सोर्स को ढूंढने की आवश्यकता है, और आप जानते हो कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां जो है वो कितना ज़्यादा कार्बन एमिट करती हैं, कार्बन एमिशन उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे फायदा ये होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से कि एक तो एनवायरमेंट काफ़ी क्लीन होगा और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलेगा कि मतलब पैसों की भी बचत होगी, फॉसिल फ्यूल्स को जो हम लोग वो कर रहे हैं ओवर यूटिलाइज तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी तो इंडिया में भी काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, राइट, नए नए प्लांट्स ओपन होंगे। और इवन सरकार जो है वो फेम इंडिया स्कीम के थ्रू जो भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी भी ऑफर कर रही है, और ना ही सिर्फ लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी ये सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का ही एक हिस्सा है फेम स्कीम, फेम इंडिया स्कीम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं।
और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड कार्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस, सभी के लिए ये इस सेगमेंट की व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है. राइट, फेम चार एरिया पर फोकस करती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो रेटिंग एजेंसी एक क्रिसिल है, तो गाइज उनकी अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 1,00,000 करोड़ रुपए अगले 3 सालों में लगाने पड़ेंगे अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट को अचीव करना है. तो प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट है कि उनको 1 करोड़ हाउसेज जो है वो बनाने हैं, और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो है 2022 की इसी मिशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी को शेल्टर जो है वो मिल सके और सभी को खुद का घर जो है वो मिल सके. तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है. अब 1,00,000 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट को खर्चा करने पड़ेंगे अगर उनको इस मिशन को जो है वो अचीव करना है. तो राइट, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है. और इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी भी ऑफर करेगी, यानी कि जो भी लोग अगर घर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बताया गया है कि मात्र 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जो है वो होम लोन ऑफर कर दिया जाएगा 15 ईयर्स के टेन्योर के लिए. साथ ही साथ जो भी बेनिफिशियरी होंगे, जो भी घर लेंगे, तो उनको 1,00,000 रुपये सरकार ऑफर करेगी, और इवन जो एलिजिबल अर्बन पुअर हैं उनको 1,50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे. प्लस जो लोग घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो उनको भी लोन मिल जाएगा. साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग अपने घर में टॉयलेट बनवाना चाहते हैं उनको भी लोन जो है वो दे दिया जाएगा इस स्कीम के थ्रू. अब जेम पोर्टल की बात की जा रही है, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में, तो एक तरह से देखिएगा इस जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन वेबसाइट होती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट निकाली है जेम पोर्टल के नाम की, जहां पर जाकर जो गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो हैं, जैसे कि काफ़ी सारी हम लोग को गवर्नमेंट एजेंसीज देखने को मिलती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हो गई, स्टेट मिनिस्ट्रीज हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई और उनकी एजेंसीज वगैरह हो गई, तो वो इस पोर्टल पर जाकर अलग अलग लोगों से जो है वो सामान परचेज कर सकते हैं बल्क में. और ये एक तरह से ट्रांसपेरेंसी भी हम लोग को इसमें देखने को मिलेगी, पेपरलेस पूरी चीज़ें होंगी और काफ़ी फास्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट का इसमें काम हो जाएगा और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो फायदा भी मिल जाएगा. काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने की, गवर्नमेंट को सामान वगैरह बेचने की. राइट, दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट ने एक ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन जो है उन्होंने लॉन्च करी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, ये हम लोग को देखने को मिल रही है. तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो सेलर्स होंगे, जैसे कि सेम वैसे ही फ्लिपकार्ट अमेजॉन की जो वेबसाइट होती है उसी प्रकार से यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर सेलर और बायर्स आकर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो परचेज कर सकते हैं. तो इंडिया पोस्ट की है वेबसाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखना. दीनदयाल स्पर्श की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च की है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए, जिसको दीनदयाल स्पर्श जो है वो बोला जा रहा है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, तो ये इसका नाम रखा गया है. और ये श्री सिन्हा जो है हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मिनिस्टर हैं इसके स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के मनोज सिन्हा जी, तो इन्होंने एक मेघदूत अवार्ड भी अनाउंस किया है ये ग्रामीण डाक सेवक के लिए. और एम्प्लॉयज जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के टोटल 8 कैटेगरी में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपना दिया है, तो उनको ये मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. तो देखो जनरली याद रखना, मेघदूत अवार्ड किसको दिया जाता है या फिर मेघदूत अवार्ड किसके द्वारा और लॉन्च किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या इंडिया पोस्ट के द्वारा किया जाता है. राइट, तो इसमें 21,000 रुपये कैश प्राइज, गोल्ड मेडल और सिटिएशन भी दिया जाता है. ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की बात करें तो 2016 में ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था. इस मिशन का मेजर मकसद ये है कि जो रूर्बन एरियाज़ जो हैं, यानी कि जो ना ही रूरल एरियाज़ होते हैं ना ही अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो बीच का जो क्लस्टर हम लोग को देखने को मिलता है, आप कभी हाईवे में गए होगे तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे आपको पैचेस, ऐसे क्लस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बस्तियां देखने को मिल जाती हैं, जो ना ही कम्प्लीटली आप जिसको रूरल बोल सकते हो ना ही अर्बन बोल सकते हो. तो ऐसे एरियाज़ को जो है वो डेवलप करने के लिए ये मिशन जो है वो काम करता है. राइट, और यहाँ पर हर एक प्रकार की फैसिलिटीज़ ऑफर करने की बात की जाती है, क्योंकि देखो कई बार हम लोग देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ के लिए एक अलग प्लान चलते हैं, रूरल एरियाज़ के लिए अलग प्लान चलते हैं, बट जो बीच का जो एरिया होता है तो उसके लिए क्या प्लान, तो ये उसके लिए इस स्कीम के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग को मिशन के थ्रू प्लान देखने को मिलते हैं, जिसमें ऐसे एरिया को हर तरीके से डेवलप करने पर फोकस किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रूवल दे दिया है वाराणसी को एज अ फ्रेट विलेज. अब वाराणसी हम लोग को एज अ फ्रेट विलेज देखने को मिल रही है. वाराणसी फ्रेट विलेज की बात करें गई तो इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप की गई है और ये कार्गो हब की तरह काम करेगी. तो देखो क्या होता है कि जैसे इस जगह पर वाराणसी पे इस फ्रेट विलेज पर जाकर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपना सामान, अपना कार्गो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इंडिया में पहुंचा सकता है एंड इवन अब्रॉड ऑल्सो. राइट, कई सारे लोग होते हैं जिनके पास, जो लोग सोचते हैं कि उनका सामान जो है वो वाटर वे के थ्रू जाए, कई लोग सोचते हैं कि उनका सामान जो है वो जल्दी चला जाए यानी कि एयरवेज के थ्रू, कई लोग सोचते हैं कि ट्रेन के थ्रू चला जाए या रोड के थ्रू चला जाए. तो वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो एक ही जगह से लोग बाग जो है वो
कर सकते हैं इस फ्रेट विलेज के थ्रू, राइट। तो ये फैसिलिटीज ऑफर करती है कई सारे लोगों को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, जो लोग इस प्रकार के फ्रेट बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपने कार्गोस को जो है वो मतलब उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने सामान जो है वो भेज सकते हैं, समझ रहे बातों को। तो ये फ्रेट विलेज है वाराणसी में, याद रखिएगा आप। अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को, और इसमें फोकस किया जा रहा है कि फार्मर्स की इनकम को, जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, और इस पॉलिसी के थ्रू टारगेट कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को भी डबल किया जाए। एट प्रेजेंट हमारा 30 बिलियन से भी ज़्यादा, 30 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो बाहर मार्केट में भेजे जाते हैं, तो उसमें हमारी इनकम होती है 30 बिलियन US डॉलर की। बट ये बताया जा रहा है कि इसको बढ़ाकर हम लोग को 60 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा करनी है 2022 तक, और फिर उसके बाद हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे 100 बिलियन US डॉलर के, राइट, अगले कुछ सालों में। तो देखो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पॉलिसी जो है वो लाई गई है, और इसमें फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोड्यूस को बाहर दूसरी कंट्री के मार्केट में भी बेच सकेंगे, राइट। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ईयर एंड रिव्यू 2018 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या क्या चीज़ें करी पूरे 2018 में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स हम लोग को देखने को मिल रही है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स जो है गाइस इंडिया के, यानी कि इंडिया में कौन कितने ज़्यादा बाहर से लोग आकर 2018 में उन्होंने टूर किया है, तो देखो इसमें बताया जा रहा है कि 93,67,424 टूरिस्ट इंडिया में आए हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 5.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये बताया जा रहा है कि इन टूरिस्ट से इंडिया को कितनी अर्निंग हुई है, तो 158,846 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, राइट। और इसमें पिछले साल के मुकाबले इसमें भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, और टूरिज्म का जो प्लान हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें फोकस किया जाता है कि टूरिज्म को बूस्ट करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिला कि 2018 में ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है एज कम्पेयर टू 2017, क्योंकि टूरिज्म ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि वेरियस स्कीम्स, वेरियस प्रोग्राम, स्वदेश दर्शन स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये हम लोग को देखने को मिली, प्रसाद स्कीम है, एक नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, राइट, जिसमें जितने भी पिलग्रिमेज सेंटर हैं इंडिया के अंदर, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको अच्छा किया जा रहा है, राइट, और उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है वेरियस चीज़ों के थ्रू। अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला जिसमें कि टूरिज्म बूस्ट करने पर फोकस किया गया, इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साथ में मिलकर लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। तो जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में उनको वर्ल्ड क्लास वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटीज ऑफर की जा रही है, उनको बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके चलते कि वहां पर टूरिस्ट आए, टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, राइट, और वहां पर आकर विजिट करें। और कौन सी साइट्स हैं ये, तो आप देखो ये साइट का नाम जो है वो वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि सूरज कुंड कहां पर है, तो ये हरियाणा में है, ये तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है इससे रिलेटेड। अजंता केव्स कहां पर है, महाराष्ट्र में है, राइट। हंपी कहां पर है, कर्नाटका में, राइट। तो ऐसी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अब देखो, अब नेक्स्ट में कई सारे आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स को डेवलप किया गया, राइट, 17 साइट्स, 12 क्लस्टर हम लोग को देखने को मिले आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स के, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सिकरी हो गई, तो देर आर वेरियस साइट्स, आप वीडियो को पॉज करके साइट्स के नाम याद रखिएगा। भारत पर्व की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया था एक भारत पर्व, रेड फोर्ट पर हम लोग को देखने को मिला था, रिपब्लिक डे जो था 2018 का, तो उसी का ही एक पार्टी हम लोग को देखने को मिला था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश, टूरिज्म फॉर ऑल, तो ऐसे कंसेप्ट को जो है वो प्रमोट किया गया, राइट, जिसमें इवन ये भी फोकस किया गया कि हमारे इंडियंस जो हैं, यानी कि डोमेस्टिक लोग जो हैं, इंडियन सिटीजन, वो भी इंडिया के वेरियस प्लेसेस पर जाकर विजिट करें, क्योंकि देखो मोस्टली आप जानते हो कि कई सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के, और इवन मैं भी, जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैंने भी आज तक इंडिया के पूरे कंप्लीट प्लेसेस को नहीं देखा है। तो फोकस किया जाता है कि आप फॉरेन ट्रिप लगाने की जगह, फॉरेन घूमने की जगह, एक बार इंडिया की ही बेस्ट प्लेसेस को घूमो, विजिट करो। इससे क्या होगा कि इंटरनल टूरिज्म जो है वो बूस्ट होगा हमारे यहाँ, कई सारे लोगों को जो है वो इवन जो लोकल पीपल्स हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट से, टूरिज्म से क्या फ़ायदा होता है, वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं जिस भी एरिया पर जो लोग विजिट करने जाते हैं, राइट, कोई भी एक टूरिस्ट है किसी एरिया पर विजिट करने जाता है तो वहाँ पर वो पैसे खर्च करता है, और उसके पैसे खर्च जब वो करते हैं तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, उनके लिए वो इनकम एज अ इनकम सोर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। पर्यटन पर्व की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये सेलिब्रेट किया गया था 16 से लेकर 27 सितंबर के बीच में। इस दिन टूरिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंस को अवेयर किया गया था, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म को अवेयर किया गया था लोगों के बीच में, देखो अपना देश। तो ये जो मैंने ये आपको बताया कि लोगों को इनकरेज करो इंडियन को कि वो दूसरी दूसरी अलग अलग हमारी कंट्री की टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर विजिट करें, तो उसी का ये हिस्सा हम लोग को देखने को मिला था। इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 हम लोग को देखने को मिला था, इसका पहला एडिशन हुआ था 2018 में,
16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में हम लोग को देखने को मिला था ये। और इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट भी लॉन्च की गई। इस वेबसाइट में स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चर, योगा एट्सेट्रा, कई सारे यानी कि जैसे जो टूरिस्ट प्लेसेस हमारे इंडिया की, वैल्यूज़ जो है हमारे इंडिया की, अलग अलग जगहें जो है हमारे इंडिया की जो कि उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के नाम से, हिस्टोरिकल इवेंट्स के नाम से जो है वो जानी जाती हैं, तो उसको यहाँ पर शोकेस किया गया था इस वेबसाइट में। और अभी भी आप देख सकते हैं इसको, प्लेसेस को वेबसाइट में जाकर। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट केव बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 हम लोग को देखने को मिली थी, जिसकी थीम थी बुद्धा पाथ द लिविंग हेरिटेज। आपको पता होगा कि चाइना से, जापान से, भूटान से कई सारे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर इंडिया के बुद्धिस्ट रिलेटेड प्लेसेस को या फिर इंडिया की बुद्धिस्ट साइट को विजिट करने के लिए, स्तूपास वगैरह हो गए, राइट, उन सब जगहों को विजिट करने के लिए। जापान जो है गाइस ये पार्टनर कंट्री हम लोग को देखने को मिली थी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2018 की। इसके अलावा वेरियस चीज़ों के थ्रू प्रमोट किया गया था 2018 में टूरिज्म को, राइट, सोशल मीडिया के थ्रू, पोस्टर्स वगैरह के थ्रू, वेरियस चीज़ों के थ्रू, तो एडवर्टीजमेंट भी हुआ। ई वीज़ा की बात करें तो 166 कंट्री के लिए ई वीज़ा इंडिया ने अवेलेबल करवाया, जिसके चलते लोग बाग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है वो अवेल कर सकें और डायरेक्टली इंडिया में आकर विजिट कर सकें, राइट। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो इससे भी 330 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने MBA किया था ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो वो पास हुए हैं यहाँ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से। अब देखिए ये तो हो गई पूरी टूरिज्म से रिलेटेड बात, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो सातवां राउंड हम लोग को इंडिया साउथ कोरिया CEPA नेगोशिएशन का देखने को मिला, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशन का देखने को मिला, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। यहाँ पर इंडियन शुगर इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स थे, डेलीगेटर्स जो थे, उन्होंने मिलकर जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव हैं साउथ कोरिया की 3 शुगर रिफाइनरीज के, उनके साथ डिटेल डिस्कशन किया। आप देखो साउथ कोरिया जो है वो 15 लाख टन रॉ शुगर को हर साल इंपोर्ट कराता है, तो अब फोकस किया जा रहा है कि इंडियन शुगर इंडस्ट्री जो है वो साउथ कोरिया गवर्नमेंट की क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मीट कर पाएँ, और इंडियंस जो है यानी इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह जो है शुगर इंडस्ट्रीज, वो साउथ कोरिया को शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करें। तो ये हम लोग की एक तरह से बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ कि फोकस किया गया कि हम लोग जो है वो साउथ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप और बेटर बनाएं और उसको शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि 15 लाख टन वो इंपोर्ट कराता है, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारी इंडियन शुगर इंडस्ट्रीज के लिए कि वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं काफ़ी ज़्यादा शुगर साउथ कोरिया को। बात हो रही है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में, तो 110 एंटी ट्यूबरकुलोसिस फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हमारी इंडिया में अवेलेबल है, बट उनमें से सिर्फ 32 को ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है। तो देखो गाइस ये ऐसा क्यों हुआ है, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो कई सारे जो क्वालिटीज यानी कि जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं जिनकी क्वालिटी सही नहीं होती, उसको CDSCO जो है वो हटा देती है, राइट, कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है। बट जो अप्रूव हो जाते हैं वो तो मार्केट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वो जो अनअप्रूव्ड हो जाते हैं जिनको CDS जो है वो रिजेक्ट कर देती है, तो ऐसी जो मेडिसिन होती हैं गाइज ये हम लोग को देखने को मिलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिकती हैं, राइट, और प्राइवेट डॉक्टर्स जो होते हैं यानी कि प्राइवेट क्लिनिक्स जिन डॉक्टर्स का होता है वो ऐसी मेडिसिन को रेफर कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे हॉस्पिटल्स में कभी आप गए होगे तो आपने नोटिस किया होगा कुछ काले बैग पहनकर कुछ लोग बैठे रहते हैं फिट एंड फाइन, तो वो लोग होते हैं ये मेडिसिन के एग्जीक्यूटिव्स, वो डॉक्टर्स के पास जाकर डील करते हैं कि कैसे इन मेडिसिन को जो है यानी कि डॉक्टर को बोलते हैं कि आप हमारी मेडिसिन भेजिए हम आपको इतना बेनिफिट देंगे। तो आपने देखा होगा कई बार कि कई सारे डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जो कि उन्हीं के स्टोर पर मिलती है, उन्हीं के बताए गए स्टोर पर मिलती है, उसके अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगी, राइट, तो ऐसा होता है। तो ये सब जो मेडिसिन होती हैं इनमें से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बताई गई हैं कि ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जिन मेडिसिन को रिजेक्ट कर देती है ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, राइट, और ऐसी जो रिजेक्ट की गई हैं जो अनअप्रूव्ड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हैं, तो इनका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, और इसके लिए बताया जा रहा है कि एक फार्माको विजिलेंस मैकेनिज्म होने की आवश्यकता है, कि स्ट्रॉन्ग फार्माको विजिलेंस मैकेनिज्म जो कि मॉनिटर करे ऐसी मेडिसिन को कि जो मेडिसिन जिनको अनअप्रूव करती है FDC वो आखिरकार कहाँ जाती हैं, राइट, तो देखो उन मेडिसिन जो अनअप्रूव मेडिसिन होगी जिनको लोग बाग खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, राइट, तो देखो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होते, बट कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐसी चीज़ें बिकती हैं जो कि जो CDSCO के द्वारा अनअप्रूव की जाती हैं, रिजेक्ट की जाती हैं, राइट। अब देखिए 80th सेशन हम लोग को पॉलिसी कमीशन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिला था रिसेंटली मुंबई में। इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने और इसको होस्ट किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है गाइस इसकी 180 कंट्री से भी ज़्यादा इसकी मेंबर्स हैं और ये इकलौता ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफाइन करता है
कस्टम क्लियरेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को, राइट। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसको एस्टैब्लिश किया था 1952 में और इंडिया 1971 से WCO का मेंबर है। किम्बरले प्रोसेस की बात करें तो इंडिया हेड करेगा किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को 1 जनवरी 2018 से, और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का। तो देखो, अप्रॉक्सीमेटली जितने भी डायमंड्स होते हैं पूरी दुनिया भर में, 99.8% जो ग्लोबल प्रोडक्शन होता है डायमंड्स का, वो इन्हीं के किम्बरले प्रोसेस कंट्रीज के मेंबर्स का हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि इस जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, इस स्कीम के थ्रू जितने मेंबर्स हैं इसमें मिले हुए, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 99.8% ऐसी कंट्रीज अवेलेबल हैं, इसकी मेंबरशिप ऐसी कंट्रीज के पास है जो डायमंड को प्रोड्यूस करती हैं, राइट, जहाँ से डायमंड हम लोग को निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें फोकस किया जाता है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स का फ्लो है उसको प्रिवेंट करना। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, ये डायमंड का ट्रेड जो होता है वो हर तरीके से पॉसिबल होता है। अब देखो, डायमंड जो है उसको कोई भी कहीं पर भी किसी भी देश में खरीद सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, जो बड़े बड़े डॉन्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डायमंड्स वगैरह में डील करते हैं। तो ऐसी जो डीलिंग होती है इल्लीगल टाइप की, तो उसको कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स बोला जाता है। और ये बोला जा रहा है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स को प्रिवेंट करना है कि वो मार्केट में फ्लो करें। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स जो है, क्योंकि देखो, डायमंड आप इंडिया से, अगर आप यूएसए में जाओगे, आप डायमंड को बेचने की कोशिश करोगे, डायमंड ईजिली बिक जाएगा, क्योंकि डायमंड की कॉस्ट अपने आप में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसीलिए अब गाइस बताया जा रहा है कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी जो है, जो कि इंडिया की नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी है, यानी कि ये मान्यता प्रोवाइड कराती है, सर्टिफिकेट लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, तो एशिया पैसिफिक रीजन में सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सर्टिफिकेशन ऑफर करने का काम जो होगा वो NABCB का हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी इंडियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं, राइट, और इवन इंपोर्ट भी होते हैं कई सारे ऐसे गुड्स इंडिया के अंदर, तो उनको ये चेक करती है, एश्योर करती है कि उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। और ये तीसरी एक्रीडिटेशन बॉडी जो है एशिया पैसिफिक रीजन की, ये हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रही है, और जो दूसरी बॉडीज हैं वो हांगकांग और मेक्सिको में हम लोग को देखने को मिली है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2018 की रिपोर्ट आ गई है और ये रिलीज हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वीपो के द्वारा। और पूरी दुनिया भर में 1.4 मिलियन पेटेंट जो है वो ग्रांट किए गए थे 2017 में, और चाइना में सबसे ज्यादा पेटेंट जो है वो ग्रांट किए गए थे, राइट, 4,20,144। उसके बाद फिर यूएसए में 3,18,829। और ये पेटेंट इंडिया के अंदर गाइस जो ग्रांट हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, वो हम लोग को इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि 2016 में 8,248 पेटेंट जो है वो लागू किए गए थे, और अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 12,387 पेटेंट जो है वो हमारे इंडिया में 2017 में देखने को मिले हैं। इंडिया की वीपो की रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो 10वीं रैंक हमारी इंडिया में पेटेंट ग्रांट करने के नाम पर आई है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जो है, ये वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसको 1967 में क्रिएट किया गया था, फोकस किया गया था कि पूरी दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जाए और उसके प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। देखो, इंटेलेक्चुअल कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पेटेंट कब मिलता है उसको, या फिर किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेडमार्क कॉपीराइट कब मिलता है, जब वो उसका खुद का प्रोडक्ट हो। जैसे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बात करें गाइस, तो ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम है इसका पेटेंट है ज्ञान सर के पास, पेटेंट नहीं बोलेंगे, ट्रेडमार्क है इसका ज्ञान सर के पास, राइट, जो कि हमारे फाउंडर है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। तो इसका मतलब ये है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम जो है वो कमर्शियली हमारे अलावा, हमारी कंपनी के अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। इवन जो इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ पर रिलीज करते हैं, जैसे कि आप मैगजीन देख रहे हो, तो इस मैगजीन को कॉपी करके कोई भी मार्केट में नहीं बेच सकता। अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका भी कॉपीराइट ज्ञान सर के पास है। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू। और इंडिया वीपो का मेंबर है, और वीपो वर्ल्ड लेवल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है। अब स्विफ्ट इंडिया की बात करें, तो स्विफ्ट इंडिया ने अपॉइंट किया है एक्स SBI चीफ अरुंधति भट्टाचार्य जी को। ये अब न्यू चेयरमैन हम लोग को स्विफ्ट इंडिया की देखने को मिलेंगी। अब स्विफ्ट इंडिया जो है एक जॉइंट वेंचर है जो टॉप इंडियन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, और स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ था, और स्विफ्ट इंडिया जो है गाइस, या फिर मैं इन जनरल स्विफ्ट बोलूं, तो इसका काम क्या होता है, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि दुनिया भर में जितने भी फाइनेंशियल मैसेजिंग से रिलेटेड काम होते हैं वो इनके द्वारा स्विफ्ट के मीडियम के थ्रू, स्विफ्ट सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ, उसके थ्रू पहुंचाए जाते हैं। देखो, इजी तरीके से हम लोग क्या होता है, आप जैसे आप इंडिया में हो और आपका फ्रेंड यूएसए में है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड को जो है वो यूएसए में पैसा चाहिए आपसे, और आप
ये सपोज करो कि आप दोनों के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है पैसे ट्रांसफर करने का, तो आप क्या करोगे, आप नियरेस्ट बैंक के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि क्या आप स्विफ्ट मैसेजिंग में डील करते हो या फिर आपके पास क्या स्विफ्ट सिस्टम है, तो वो बोलेंगे हाँ है, तो फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि यार देख मैं इस बैंक अकाउंट पे हूँ, यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम है, तू अपने वहाँ पर किसी बैंक अकाउंट के पास जाओ और उनसे बैंक के पास जाओ अपने एरिया पे और उनसे पूछ क्या वो भी स्विफ्ट के सिस्टम पर काम करते हैं, तो उसको भी मिल जाएगा आपके फ्रेंड को, अगर कोई बाय चांस एक कोई बैंक मिल गया जो कि स्विफ्ट के साथ काम करता है, स्विफ्ट मैसेजिंग के ऊपर काम करता है, तो उससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर बैंक पर पैसे जमा कराए, बैंक अपने फाइनेंशियल मीडियम के थ्रू उस बैंक में पैसा जमा कराएगा, बट उससे पहले वो क्या करेगा, वो एक मैसेज ट्रांसफर करेगा और वो इंक्रिप्टेड मैसेज होता है जो कि एग्जैक्टली उसी बैंक को मिलेगा, यूएसए के उसी बैंक को दिया जाएगा वो कोड के साथ ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो बैंक वाकई में अवेलेबल है कि नहीं है और जो मीडियम जो ट्रांजेक्शन का होगा वो लीगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है और वो एग्जैक्टली जिनके पास पैसा पहुंचाना है उनके पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये काम करता है। एक चीज़ याद रखना कि स्विफ्ट जो है गाइज कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता, ये सिर्फ मैसेजिंग करता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो पैसा जो है वो सही अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर्पस के लिए। तो ये पेमेंट ऑर्डर वगैरह जो है गाइस ये सिर्फ पेमेंट ऑर्डर को सेंड करता है, बाकी कोई भी फंड ट्रांसफर स्विफ्ट के द्वारा नहीं किया जाता, राइट। तो ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए हम लोग को देखने को मिलता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल बेल्जियम में है, इसका फाउंडेशन 1973 में हुआ था, 239 बैंक्स का ये ग्रुप है, 15 कंट्रीज के अंदर ये स्विफ्ट जो है वो काम करती है, राइट और इंडिया के अंदर भी हम लोग को स्विफ्ट इंडिया देखने को मिल जाती है। सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज कैरियर है ये और ये मैसेज ट्रांसफर करता है एक बैंक से दूसरे बैंक के पास, राइट। अब न्यू इंडिया का विजन क्या है गाइस, तो इंडिया फोकस कर रही है कि 2025 तक इंडिया की इकोनॉमी को $5 trillion जो है वो बनाना है, जिसमें से बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को $1 trillion बनाना है, सर्विस सेक्टर को $3 trillion और मैन्युफैक्चरिंग को अगेन $1 trillion, राइट। तो इंडिया ने टारगेट किया है कि 2025 तक इंडिया को $5 trillion की इकोनॉमी बनानी है और इवन जैसे इसी साल के एंड में यानी कि 2019 के एंड में आपको मिल जाएगा कि इंडिया $3 trillion की इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एस्टैब्लिश की गई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए। अब ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होगी, तो जितने भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर हैं गाइस, तो उनके लिए एक्सपोर्ट को बेहतर करने पर फोकस करेगी कि वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके एक्सपोर्ट करने की, और टारगेट किया गया है कि 2020 में MSME के $100 billion का एक्सपोर्ट जो है वो करना है, राइट। एक ऑनलाइन पोर्टल हम लोग को इंश्योर देखने को मिल रहा है, इंश्योर नेशनल लाइवलीहुड मिशन EDGE यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और ये ऑनलाइन पोर्टल एक वेबसाइट जो है इंश्योर नाम की जिसको डेवलप किया है नाबार्ड ने, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज के अंडर जो है वो काम करेगी वेबसाइट। इसमें क्या होगा गाइस कि जो भी लोग जो है फिशरी सेक्टर और इस प्रकार के लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री हो गई, स्मॉल रिमिनेंट हो गया, पिग्स हो गई, तो ऐसी लाइव स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो लोग काम करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट जो है वो एज के थ्रू जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मीडियम के थ्रू डायरेक्टली उनके बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जो है वो सब्सिडी उनको चली जाएगी। महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है स्मार्ट प्रोजेक्ट 10,000 विलेज के लिए। याद रखिएगा स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव यह है कि इनको सस्टेनेबल फार्मिंग अगले 3 सालों में अचीव करनी है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक भी जो है वो असिस्ट कर रही है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलर की तरफ बात करें तो कोरोलेव क्रेटर, अगर ये न्यूज़ में आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मार्स में है ये कोरोलेव क्रेटर, 82 किलोमीटर का ये कोरोलेव क्रेटर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब काइगा पावर स्टेशन की बात करें गाइस, तो काइगा पावर स्टेशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बना लिया है, कर्नाटका में स्थित है ये काइगा पावर स्टेशन, तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन हम लोग को देखने को मिलता है, यूरेनियम की मदद से जो है ये पावर जनरेट करता है और 941 डेज तक लगातार इसने बिना रुके जो है वो ऑपरेट किया है, और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 940 डेज का था यूनाइटेड किंगडम का। अब हमारा यानी कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो ये पावर स्टेशन है काइगा पावर स्टेशन 1, ये कर्नाटका में स्थित है, इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये यूरेनियम को एज अ फ्यूल और हैवी वाटर जो है वो यूज़ करता है, यानी कि फ्यूल जो है वो यूरेनियम को नेचुरल फ्यूल की तरह जो है ये उपयोग करता है और पावर जनरेट करने पर काम करता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया है, रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम जिसको हम लोग जनरली ड्रोन बोलते हैं, तो याद रखना आपसे आप ड्रोन को ड्रोन की तरह नहीं बोलोगे, आप उसको रिमोटली पायलट एरियल सिस्टम जो है वो बोलोगे। तो गाइस एक हम लोग को देखने को मिला कि सिविल एविएशन रेगुलेशन जो है वो लॉन्च किया गया है अगस्त 2018 में, इंडिया ने अनाउंस किया था कि मतलब कुछ एरियाज जहां पर आप ड्रोन उड़ा सकते हो, राइट, क्योंकि नैनो ड्रोन्स जो है वो इंडिया में उड़ना जो है वो लीगली शुरू हो जाएंगे, बट बताया जा रहा है कि माइक्रो और उससे ऊपर के जो ड्रोन्स होते हैं
तो उसको ऑपरेट करने के लिए पायलट्स को जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा डिजिटल स्काई पोर्टल पे, यानी कि एक वेबसाइट पे गवर्नमेंट की, जहां पर उनको पता लगेगा कि वो किस किस एरियाज पर जो है वो फ्रीली उड़ान जो है वो भरवा सकते हैं अपने ड्रोन्स की, यानी कि ड्रोन को फ्रीली कहां कहां पर उड़ाया जा सकता है। जैसे कि ग्रीन जोन, ग्रीन जोन अगर है तो आप कहीं पर भी उस जगह पर ड्रोन को उड़ा सकते हैं। येलो जोन पे अगर आपको, येलो जोन कहीं पर है और वहां पर अगर आपको शूट करना है, ड्रोन उड़ाना है, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से। और रेड जोन पर आप किसी भी तरीके से ड्रोन जो है वो उड़ा नहीं सकते। अब देखो, रेड जोन हो गया जैसे कि एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास रेड जोन है, वहाँ पर तो बिल्कुल आप कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि वहाँ पर प्लेन्स वगैरह लैंड करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये इस प्रकार से जो है वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो गाइडलाइंस लाई गई हैं और एक कानून जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की बात करें तो ये 26वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हम लोग को अभी रिसेंटली ओडिशा में देखने को मिला था, जिसकी थीम थी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। तो 1993 से ये कांग्रेस जो है वो स्टार्ट की गई थी, जिसका टारगेट यही था कि जो इनोवेशन जो है वो इंडिया में लाए जाए, राइट। और इंडियन साइंटिस्ट अचीवमेंट जो है 2018 के वो कौन से हैं गाइस? तो देखो, हमारे कई सारे इंडियन साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि एक जेल बनाया गया था मतलब जो कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा टॉक्सिक पेस्टिसाइड से। और ये बेंगलुरु के अंदर एक जो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी और रीजनरेटिव मेडिसिन है, वहां पर ये बनाया गया था, तैयार किया गया था। इस जेल का नाम है पोलीऑक्सीम, राइट। इसके अलावा दुनिया का सबसे थिनेस्ट मटेरियल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के द्वारा ये डेवलप किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 1,00,000 टाइम्स ज्यादा थिन है शीट ऑफ पेपर से, यानी कि अगर आप एक पेपर को हाथ में उठाओगे उससे 1,00,000 टाइम्स, यानी कि 1,00,000 बार मल्टीप्लाई कर दो आप माइनस में, तो उतना थिन है ये, यानी कि आपके आंखों से तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इतना थिन हम लोग को इसकी थिननेस इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। क्योंकि तो पेपर इतना थिन होता है, अब आप उससे 1,00,000 गुना और ज्यादा थिन कर दो उस चीज को, तो आप सोचो कि कितना थिनेस्ट ये मटेरियल बनाया गया है। बनाना जीनोम की जीन एडिटिंग जो है गाइस वो करवाई गई है, अब बनाना को जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ये बात चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो मोहाली में है, वहां पर बनाना जीनोम को एडिट किया गया है कैस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी के थ्रू। और ये पहली बार ऐसा हम लोग को देखने को मिला है कि इंडिया के अंदर किसी फ्रूट को जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया हो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब देखिए, जीका, डेंगू, जापान, एनसीफिलाइटिस, चिकनगुनिया, तो ये जो बीमारियां हैं गाइस, तो उसको टैकल करने के लिए कुछ नई डिस्कवरी सामने आई हैं। और इसमें नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो कि मनेसर में हम लोग को देखने को मिलता है, उन्होंने बताया है कि जीका वायरस कैसे बच्चों में स्मॉल हेड साइज जो है वो कॉज होता है, यानी कि माइक्रो सीफेली नाम की एक बीमारी है जिसके कारण जीका वायरस होता है। तो ये बताया गया है कि रिसर्च के थ्रू कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब फास्टर डायग्नोस्टिक टूल्स जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनाई गई हैं, साइंटिस्ट जो हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के, उन्होंने साथ में मिलकर जो है कुछ नए टेस्ट किए हैं जो कि एप्टामीटर लिंक्ड इमोबिलाइज्ड सॉर्बेंट एसे, अलीसा और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्पूटम में बैक्टीरिया प्रोटीन जो है उसको डिटेक्ट किया जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। तो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही फास्ट टेक्निक जो है वो लाई गई है कि जिसके चलते जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए कि किसी इंडिविजुअल को ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है। अब पंजाब की ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक हम लोग को देखने को मिला है, ये न्यू दिल्ली के अंदर तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के द्वारा यानी कि पता लगाया गया है आर्सेनिक हम लोग को पंजाब की ग्राउंड वाटर में मिला है।
अब गाइस ये साइंटिस्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के, उन्होंने ये बताया है कि जो आने वाले समय में सन स्पॉट साइकिल जो है वो कैसी होने वाली है, राइट. तो इन्होंने फोकस किया कि आने वाले समय में सन स्पॉट साइकिल जो है वो स्ट्रॉन्गर हम लोग को देखने को मिलेगी. तो इन्होंने सन स्पॉट्स को जो है वो कैलकुलेट किया काफ़ी समय से, यानी काफ़ी डिकेड से जो है ये सन स्पॉट्स को कैलकुलेट कर रहे थे और इन्होंने उस चीज़ का अंदाजा लगा लिया कि आने वाले समय में सन स्पॉट्स जो है वो कैसे होने वाले हैं. अब एक नया टूल हम लोग को ऑटिज्म स्क्रीनिंग का देखने को मिल रहा है. तो ऑटिज्म जो है वो गलत तरीके से डायग्नोस की जाती है और इसको मेंटल रिटार्डेशन की तरह डायग्नोस कर दिया जाता है. यानी कि किसी को ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है गाइज, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये, यानी कि उसको पागल बरकरार कर दिया जाता है कि वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है. बट ऐसा नहीं है. ऑटिज्म को बेहतर तरीके से डायग्नोस करने के लिए एक नया टूल जो है वो लेकर आए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के साइंटिस्ट, राइट. तो ऑटिज्म को कैलकुलेट करने डायग्नोस करने के लिए ये टूल है. अब देखिए अल्जीमर हंटिंगस्टन जो है गाइज, इसकी अगर हम लोग बात करें तो साइंटिस्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, तो इन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि कैसे जो अल्जीमर के डिजीज़ जो होती है उसमें कैसे लोगों की मेमोरी जो है वो खत्म होने लगती है, राइट. तो जैसे अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी होगी, काफ़ी शानदार मूवी थी. तो सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में आपने देखा होगा कि जो आर्मी ऑफिसर बने थे ना, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्टर का, तो उनकी मदर को अल्जीमर नाम की बीमारी हो गई थी, वो भूलने लगी थी चीज़ें, राइट. तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी उनके बेटे को और बहुत सारी चीज़ें भूलने लगी थी, कहीं पर भी चली जाती थी वो, राइट. तो ये प्रॉब्लम होती है अल्जीमर की. अब ग्रीन टेक्निक्स निकाली गई हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए. पुणे के अंदर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, उन्होंने डेवलप करी है ऐसी टेक्निक जिसके चलते प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो मतलब उसके पॉल्यूशन को जो है वो हटाया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है. दोस्तों चेन्नई के अंदर एक गांव के अंदर कुछ स्टोन एज टूल्स जो है वो डिस्कवर किए गए हैं, जिससे पता लगा है कि मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो है वो इंडिया में ही प्रेजेंट था, राइट. बिल्कुल सेम टाइम जब अफ्रीका के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग आए हैं, राइट, जो हम लोग को देखने को मिला, हरप्पन कल्चर जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस समय जो लोग आए हैं वो अफ्रीका से, ईरान से जो है वो इंडिया में सेटल हुए हैं. बट ऐसा नहीं है गाइस, ये बताया जा रहा है कि नई स्टडी के थ्रू कि इंडिया के अंदर लोग रहा करते थे 385,000 साल पहले इंडिया के अंदर. तो जो बिल्कुल सेम टाइम है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन का एवोल्यूशन या ह्यूमन के ट्रेसेस हम लोग को अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है. अफ्रीका के अलावा इंडिया में भी ह्यूमन के ट्रेसेस हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट. तो ये बोला जाता है कि इंडिया के अंदर खुद के ही लोग हैं, यानी कि खुद का इंडिजीनियस डेवलपमेंट है ह्यूमन का इंडिया के अंदर, राइट. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है एक स्टडी के थ्रू. अब 24 घंटे पहले ही केरला के अंदर अमृता यूनिवर्सिटी और सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये बता दिया गया है कि रियल टाइम बेसिस पर लैंडस्लाइड की वार्निंग 24 घंटे पहले ही एडवांस में बता दी जाएगी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने अपग्रेड कर ली है उनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी को वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने गाइस डिस्क रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसके लिए सिल्क पॉलीमर का उपयोग किया गया है. सिल्क पॉलीमर के उपयोग से ये आर्टिफिशियल वर्टिबल डिस्क जो है वो बनाने वाले हैं और आने वाले समय में डिस्क रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी. अब बात करें इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 की, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट साइंस मीट जो है वो हम लोग को पंजाब में देखने को मिली है, जिसकी थीम थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव थे कि इंडिया में साइंस को जो है वो प्रमोट करना, राइट. तो इसकी पहली मीटिंग हम लोग को 1914 में देखने को मिली थी एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में. अब बताया जा रहा है कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने 200 नेविक पावर्ड सैटेलाइट इनेबल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 80 फिशिंग बोट ग्रुप्स को. और बताया जा रहा है कि ये जो डिवाइसेज हैं ये इसरो के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि जो फिशरमैन्स वगैरह जो हैं, फिशिंग ग्रुप्स वगैरह जो है, उनको साइक्लोन्स के बारे में जो है वो अपडेट प्रोवाइड कराएंगे रियल टाइम बेसिस पर, जिसके चलते ये फिशरमैन जो है वो हमारी अथॉरिटी को तुरंत अपडेट जो है वो कर सकें रिलेटेड टू साइक्लोन्स एंड इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं. अब देखो नेविक के बारे में अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट है इंडिया की. इजी टर्म्स में बताऊं तो मैं आपको इंडिया का ये जीपीएस है, ठीक है. तो इसकी मदद से वेरियस चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि रोड्स वगैरह को ट्रैक करने के लिए. जैसे कि जीपीएस में क्या होता है, आप जीपीएस में आपको कहीं से कहीं तक जाना है तो आप जीपीएस को खोल लेते हो अपने फ़ोन में और चले जाते हो, तो वैसे ये इंडिया का जीपीएस हम लोग को नेविक देखने को मिल जाता है. एक्सीड सेट जो है गाइस ये लॉन्च किया है, एक्सीड सेट और एक्सीड स्पेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इंडिया की पहली प्राइवेट फंडेड स्टार्टअप है, जो कि सक्सेसफुली जिसने सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया है. एक्सीड सैट जो है वो एक प्राइवेट सैटेलाइट है, जो कि एक्सीड स्पेस नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई है, और इनकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स के द्वारा. और स्पेस एक्स आप जानते हो कि इलन मस्क की एक कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है यूएसए में. तो उन्होंने एक्सीड सैट को जो है वो लॉन्च किया था, और एक्सीड स्पेस जो है वो इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है.
अब एक्सीड सेट के बारे में बात करूं मैं तो आपको ये मिनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है गाइस, और ये बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट रेडियो ऑपरेटर्स को काफ़ी फायदा जो है वो प्रोवाइड करवाने वाली है। नासा का व्योजर 2 के बारे में बात करें तो दूसरी बार हिस्ट्री के अंदर एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जो है गाइस वो स्पेस बिटवीन द स्टार्स जो है वो पहुंच गया, यानी कि बहुत दूर जो है ये जाकर पहुंच गया है, यानी कि अगर हम अपने स्पेस की बात करें तो जितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है तो उससे बाहर निकलकर एक वियोजर 2 जो है वो चला गया है। वियोजर 2 जो है वो नासा का है, इससे पहले वियोजर 1 जो था गाइस वो भी लॉन्च किया गया था, तो वो भी आउट ऑफ द स्पेस जो है वो चला गया, यानी कि बहुत दूर, यानी कि ह्यूमन मेड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी दूर चला गया है। इसको मात्र चार पाँच सालों के लिए जो है वो लॉन्च किया गया था, इसने अपनी जर्नी भरी थी कि ये सिर्फ 4-5 सालों के लिए ही जो है ये हवा में उड़ान भरेगा, बट अब ये बता रहे हैं कि ये करीब इसको लगभग 41 साल हो चुके हैं इसकी जर्नी को। तो देखो ये मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि ये कितने, ये स्टार्टिंग में 5 सालों के लिए ही बनाया गया था कि ये 5 सालों में जो है वो जुपिटर सैटर्न को स्टडी करेगा वियोजर 2, और 1977 में इसको लॉन्च किया था, बट अब ऑलमोस्ट ये बता रहे हैं कि 41 साल हो गए और आज भी जो है ये अपनी जर्नी जो है वो कंडक्ट कर रहा है, और इवन वियोजर 1 और वियोजर 2 दोनों ही जो है वो अपनी जर्नी कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। और ये बहुत ही दूर चले गए हैं स्पेस के हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब नासा की आइस सेट 2 के बारे में बात करें तो गाइस ये देखो एंटार्कटिक रीजन में जो आइस शीट मेल्ट हो रही है उसको मैप करने के लिए नासा ने आइस शीट 2 जो है उसको लॉन्च किया था, राइट, कि कितनी तेजी से बर्फ जो है वो पिघल रही है उसको ये जान सके, तो इसके लिए आइस शीट 2 को लॉन्च किया गया था। अब अपोलो 8 की बात करें तो 50वीं एनिवर्सरी हम लोग को अपोलो 8 की देखने को मिल गई है, और ये सेकेंड मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन है यूनाइटेड स्टेट्स अपोलो स्पेस प्रोग्राम का। 1968 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, राइट। और नासा ने गाइस कहा है कि जो सैटर्न की रिंग जो है वो पूरी तरह से 100 मिलियन सालों के बाद जो है वो खत्म हो जाएगी। नासा एक रिंग, सैटर्न जो है वो रिंग प्लैनेट है, तो नासा ने कहा है कि उसकी जो रिंग है वो 100 बिलियन साल के बाद जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, 100 मिलियन साल के बाद, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है, अब 100 मिलियन साल तक कौन जिएगा। इनसाइट मिशन की बात करें गाइस तो यूनाइटेड स्पेस एजेंसी का अनमैन्ड मार्स इनसाइट लैंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इनसाइट मिशन जो है ये मार्स का मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, और ये मार्स में गया हुआ है, मार्स में सिस्मिक एक्टिविटीज जो है उससे रिलेटेड ये स्टडी कंडक्ट करेगा। अब देखिए गाइस हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, हाई राइज जिसका नाम रखा गया है, तो नासा का ये MRO है मार्स रिकनसाइंस ऑर्बिटर, तो ये इनसाइट लैंडर के पास है, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना कि इनसाइट मिशन के थ्रू इनसाइट जो स्पेसक्राफ्ट है नासा का वो मार्स में है, तो वहां पर ये जो है वो उसकी फोटो खींचकर भेज रहा है नासा को। सुपर अर्थ की बात करें गाइस तो एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हम लोग को मिला है जिसका नाम रखा है सुपर अर्थ, तो ये हमारे कॉन्स्टिलेशन के बाहर है, ये कॉन्स्टिलेशन कैसियोपिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट जो है वो डिस्कवर हुआ है, 21 लाइट ईयर्स दूर है ये हमसे, और इसको डब किया गया है HD 219134b से के नाम से इसको जाना जा रहा है, और ये हमारी धरती से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसको सुपर अर्थ बोला जा रहा है। चाइना ने लॉन्च किया है पहली होंगयोंग प्रोजेक्ट सैटेलाइट, अब गाइस चाइना फोकस कर रहा है कि ये काफ़ी सारी इसने कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट पर छोड़ दी है, और इसके लिए चाइना टारगेट कर रहा है कि ये जो इनकी सैटेलाइट्स होगी ये चाइना के अंदर इंटरनेट कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर जो है वो ज़्यादा काम करेगी, उसको बूस्ट करने पर काम करेगी। अब देखिए एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि जो मोबाइल टावर्स हमारे आसपास लगे रहते हैं घर के आसपास, तो वो उनमें से कोई रेडिएशन नहीं आता, वो ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सोयूज रॉकेट की बात करें तो रशिया का ये सोयूज रॉकेट है, रशिया अमेरिका कैनेडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं इस सोयूज रॉकेट में बैठकर गए हैं कजाकिस्तान से, और ये पहला मैन्ड मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जब ये अक्टूबर के बाद जब ये फेल हुआ था, यानी कि उस समय भी भेजने की कोशिश करी थी एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसके बाद ये पहला मैन मिशन है। अब याद रखना देखो सोयूज रॉकेट जो है ये कहा जाता है, तो ये रशियन स्पेसक्राफ्ट है, सोयूज रशिया का रॉकेट है जो कि एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो जाता है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आप बोल सकते हो कि ये एक तरह की लाइफ बोट है, राइट, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को पहुँचाने के लिए सोयूज का उपयोग किया जाता है, और वहाँ से वापस आने के लिए सोयूज का उपयोग किया जाता है। अब देखिए गाइस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो रिटायर होने वाला है, यानी कि वो बंद होने वाला है 2024 में, ये वाली चीज़ भी याद रखिएगा। ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करें तो नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट है,
इसने गाइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो ट्रेस किए हैं बेनू एस्टेरॉइड में। तो देखो ओसिरिस रेक्स मिशन जो है नासा का ये बेनू एस्टेरॉइड की स्टडी करने के लिए गया हुआ है और ये फोकस करेगा कि जो बेनू एस्टेरॉइड जो है, ये बोला जाता है कि बेनू एस्टेरॉइड जो है वो नियर अर्थ एस्टेरॉइड यानी कि हमारी धरती से काफ़ी पास ये एस्टेरॉइड है और माना जाता है कि जब सोलर सिस्टम जब बना था तो उसी समय का ये एस्टेरॉइड है। तो उसको स्टडी करके पता लगेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है सोलर सिस्टम जो है वो कैसे बना है। अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हम लोग को देखने को मिलती है। इसकी रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर की है। 3-स्टेज मिसाइल है ये, 17 मीटर टॉल और 2 मीटर वाइड की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर वेपन्स को, वॉरहेड को जो है वो लेकर जा सकती है कैरी करके। और अग्नि मिसाइल की सीरीज की बात करें तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 हम लोग को देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है और अग्नि 5 जो है वो काफ़ी एडवांस वेरिएंट है इस अग्नि सीरीज का, राइट। और इंडिया जो है वो ये एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज को ज्वाइन कर लेगी, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ही सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज है, यानी कि इन कंट्रीज के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाकर निशाना दाग सकती हैं और वही मिसाइल हमारे पास इंडिया के पास आ गई है, अग्नि 5 हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया की हैवीएस्ट सैटेलाइट है GSAT-11 जिसको सक्सेसफुली लॉन्च करा दिया गया है फ्रेंच गुयाना से, और गुयाना स्पेस सेंटर जो हम लोग को देखने को मिलता है गुयाना में, फ्रेंच गुयाना में, वहां से ये लॉन्च हुई है इस सैटेलाइट को, GSAT-11 को इसरो ने बनाया है। हैवीएस्ट सैटेलाइट है अभी तक की, 3470 किलोग्राम की ये सैटेलाइट का वेट है। यूरोपियन लॉन्चर ऑपरेटर एरीन स्पेस जो है गाइस उसके थ्रू ये लॉन्च की गई है, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब हाई थ्रोपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि कम्युनिकेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा प्रोवाइड करेगी और इवन इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड भी काफ़ी फायदा प्रोवाइड कराएगी, इंटरनेट कनेक्शन को और एडवांस करने पर फोकस करेगी। GSAT-7A की बात करें तो मिलिट्री की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये गाइस, इसरो ने लॉन्च कर दी है। स्पेसिफिकली मिलिट्री की सैटेलाइट है ये, याद रखना। तो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि इस सैटेलाइट को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मिलिट्री पर्पस के लिए ही बनाया गया है। ये इससे फायदा होगा इंडियन एयरफोर्स को हमारी, तो इंडियन एयरफोर्स जब उड़ान भरती है गाइस तो उनको काफ़ी परेशानियां जाती हैं अपने मिशन के दौरान कम्युनिकेट करने में, तो ये सैटेलाइट उनको हेल्प करेगी, ठीक है। आईसर कोलकाता की टीम ने डेवलप किया है एक मेथड जिसके चलते ये सोलर एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको साइंस में बताया था, ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था कि और कौन से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हम लोग को 2018 में देखने को मिले, तो उनमें से एक प्रोजेक्ट ये है। तो इसमें जो सन साइकिल की मैं बात कर रहा था आपसे, सन स्पॉट साइकिल या सन साइकिल की बात कर रहा था, तो उसको ऑब्जर्व प्रिडिक्ट जो है वो किया जा सकता है साइंटिस्ट वगैरह के द्वारा। तो सन स्पॉट्स को प्रिडिक्ट करते हुए, सन स्पॉट क्या होते हैं, ये बेसिकली एक टेम्पररी फिनोमेना होता है सन के फोटोस्फेयर में जो कि सन के एरिया के आसपास कुछ डार्कर स्पॉट्स जो है वो जनरेट करता है। तो इसको स्टडी करते हुए पता लग सकता है कि सूर्य की आने वाली साइकिल जो है वो कैसी होने वाली है, राइट। तो इसका प्रेडिक्शन करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। अब देखिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पिलर की तरफ बढ़े, तो देखिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रेडिशन नोटिफिकेशन की रिवाइज गाइडलाइन हम लोग को देखने को मिल गई है। अब लोग बाग जो है वो नीचे ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं। इसके गाइडलाइंस के थ्रू जो भी लोग भारी मात्रा में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो अगर भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगी तो उनको कुछ फाइन जो है वो भरना पड़ेगा, राइट। क्योंकि देखो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए वेरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये उन्हीं में से एक हम लोग को देखने को मिला था। इंडिया, नेपाल, भूटान ने प्लान किया है कि ये जॉइंट टास्क फोर्स जो है वो कंडक्ट करेंगी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कंचनजंगा लैंडस्केप पे हम लोग को देखने को मिलेगा जहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है ये तीनों कंट्रीज के द्वारा। ये तीनों मिलकर जो है वो फोकस कर रही हैं कि वाइल्ड लाइफ की जो स्मगलिंग होती है ना एनिमल्स वगैरह की, हम लोग को देखने को मिलता है ट्रेड होता है एनिमल्स वगैरह का, तो उसको रोकने पर जो है ये फोकस कर रहे हैं। अब देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो गंगा नदी में पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था और यहाँ पर हम लोग को उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला भी देखने को मिला था जहाँ पर फोकस किया गया था कि जो कुंभ मेला लगने से पहले जो है यहाँ पर एरिया को साफ सफाई किया जाए। और पेंट माई सिटी कैंपेन भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला था जहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जब लोग यहाँ पर मौजूद हुए थे आए थे तो उन लोग ने जो है वो पेंटिंग वगैरह करी थी और सिटी को क्लीन करने पर फोकस किया था, कुंभ को क्लीन करने पर फोकस किया था। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्कॉच को जो है वो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड जो है गाइज ये मिला है जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आनंद कुमार जी, तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री के अंदर 73 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इंडिया पूरी दुनिया भर में चौथी कंट्री बन गई है विंड एनर्जी के मामले में, पाँचवीं कंट्री सोलार के मामले में और पाँचवीं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में,
राइट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है गाइज ये हम लोग को देखने को मिलता है और ये उन लोगों को दिया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है या फिर उन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है जो लोग इंडिया को बेटर नेशन बनाने के लिए काम करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को के सेक्रेटरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की बात करें तो जापान ने डिसाइड किया है कि ये इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से जो है वो विड्रॉ कर लेगा। अब ये कमीशन जो है गाइस इसमें 89 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि टारगेट करते हैं कि व्हेल को जो है वो पूरी दुनिया भर में प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया था और ये कमर्शियल व्हेलिंग को बैन करता है किया था इसने 1986 में, राइट। अब देखिए जीका की वार्निंग मिली है दी थी यूएसए ने कुछ समय पहले जो है वो एक मीडिया वगैरह में खबर छापी थी कि जो भी लोग यूएसए से इंडिया जा रहे हैं वो मत जाएं क्योंकि वहाँ पर यूएस इंडिया के अंदर राजस्थान और उसके आसपास के एरिया में काफ़ी तेज़ी से जीका वायरस फैला हुआ है। तो इसी को लेकर जो है गाइस इंडिया ने यूएसए को कहा कि आप अपनी वार्निंग हटा लीजिए क्योंकि स्थिति ऐसी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई जीका वीका वायरस फैला नहीं है। अब देखिए जीका वायरस होता कैसे, एडीज मॉस्किटो और इवन एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से होता है जो कि डेंगू भी लेकर जाती हैं, कैरी करती हैं, राइट। तो इसमें सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, फीवर हो गया, रैश हो गया, जॉइंट पेन होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, मसल पेन भी कई कबार हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अब फोकस किया जा रहा है गाइस कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफिकेशन दिया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स व्हीकल्स हैं या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट व्हीकल्स हैं तो उनको जो है वो ड्यूअल फ्यूल का बनाया जाए, ड्यूअल फ्यूल यूसेज का बनाया जाए, जिससे कि टारगेट किया जा रहा है कि हम लोग जो है वो बायोफ्यूल्स को बूस्ट करें और इन गाड़ियों के अंदर बायोफ्यूल डले पेट्रोल और डीजल के अलावा। इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2018 देखने को मिली है, तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली में जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी और इस ये हर साल होती है, यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि कैसे जो पूरी हमारी कंट्री के अंदर जो पानी की जो समस्या है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, राइट। तो इस पर जो है वो ये फोकस हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें वेरियस चीज़ें होती हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में डिस्कशन होता है कि नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। अब 8 में से 1 मृत्यु इंडिया के अंदर होती है एयर पॉल्यूशन के कारण और ये हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिली है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 1.7 ईयर से कम हुई है, यानी कि इंडिया में जो लोग रहते हैं तो वो जैसे कि नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर यानी कि एक इंसान बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक 60 साल जीता है तो वर्ल्ड लेवल की अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ तो इंडिया में वो 1.7 ईयर्स कम जिएगा बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट। अब देखिए एक स्टडी के थ्रू ये भी पता लगा है कि बायोप्लास्टिक जो है ये भी क्लाइमेट के लिए बेकार हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी के द्वारा स्टडी कंडक्ट की गई थी। हालांकि गाइस इनकी स्टडी के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है क्योंकि बायोप्लास्टिक जो है गाइस ये केमिकल न्यूट्रल हम लोग को देखने को मिलता है तो ये रिन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं जैसे कि मेज हो गया, शुगर केन हो गया, तो उनसे ये प्लास्टिक जो है बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग जिस प्लास्टिक के कप में जो चाय पीते हैं ना तो वो जो कप होता है वो लगता तो प्लास्टिक का है बट वो मेज वगैरह से और इस प्रकार के रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से बनता है, राइट। तो उसको बायोप्लास्टिक बोलते हैं। तो अभी एक स्टडी बता रही है ये कि जो रिसर्चर ने कहा है कि जो बायोप्लास्टिक जो है ये भी क्लाइमेट के लिए जो है वो खराब है, बट हालांकि इनकी स्टडी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें इनकी स्टडी को काफ़ी लोगों ने जो है वो सपोर्ट भी नहीं किया था और ये इनका जो अजम्पशन बेसिकली जो है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई थी। अब इको निवास संहिता 2018 के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है इको निवास संहिता 2018 और ये एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जिसके चलते रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जिसके चलते जितने भी जो बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं रियल एस्टेट में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं तो उनको काफ़ी फायदा मिलेगा और ये ऐसे घर बनाएंगे जो घर एनर्जी एफिशिएंट हो, राइट, जहां पर कम से कम पावर का यूटिलाइजेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी और इन सब के थ्रू जो है वो पावर जनरेट हो। तो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जहां पर कम से कम कन्वेंशनल यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा जिसके चलते एनर्जी जो है वो बचाई जा सकेगी, इस पर फोकस है। अब देखिए इंडिया का सेकेंड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट UNFCCC को जो है वो दे दी गई है। बाइनियल अपडेट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 5 कंपोनेंट है, नेशनल सर्कमस्टेंसेज, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, मिटिगेशन एक्शन, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स एंड सपोर्ट रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन अरेंजमेंट। तो देखो इसमें है क्या, इन जनरल मैं आपको बता दूं तो जो भी इंडिया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शंस कर रही है, जो भी काम कर रही है, तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में जो है वो लिखकर भेज दिया जाता है। अब देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में हम लोग को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलती है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक इमरजेंसी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है।
तो पूरी दुनिया भर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन 150 से भी कम है। आप सपोज करिए गाइस कि एक ऐसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक ऐसी चिड़िया है जो कि पूरी दुनिया भर में सिर्फ 150 ही बची हुई हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि ये चिड़िया जो है उनको प्रोटेक्टेड जोन मिले, और इसके लिए राजस्थान स्टेट हो गई और वेरियस स्टेट्स हो गई इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश ऑल्सो। तो उन लोग काम कर रहे हैं कि इन बर्ड्स को जो है वो, इन चिड़िया को जो है वो बचाया जाए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यूनाइटेड नेशन मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट एक्शन अवार्ड हम लोग को देखने को मिला है। तो इंडियन प्राइवेट प्रोजेक्ट है एक, हेल्प अस ग्रीन, तो इसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जो है वो मिला है। और दूसरे जो 14 प्रोजेक्ट हैं गाइस उनको यूनाइटेड नेशन मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट एक्शन जो है वो दिया गया है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, राइट, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज से जो है वो बचा जाए, राइट, कैसे क्लाइमेट चेंज से टैकल, कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। तो नए नए इनोवेटिव जो है वो चीज़ें ये सामने लेकर आते हैं, और इसमें इंडिया की एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है हेल्प अस ग्रीन, तो उसको इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखो, अब हेल्प अस ग्रीन ने किया क्या, तो इसने बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई, जैसे कि मंदिरों के अंदर जो फूल वगैरह पड़े रहते हैं, राइट, तो उसको फूल को लोग बाग साफ करके नदियों वगैरह में फेंक देते हैं। अब आप देखो गाइस कि वो फूल जो होता है उसके अंदर भी केमिकल पेस्टिसाइड्स मौजूद होता है, क्योंकि गार्डन वगैरह में माली जो होता है वो फूल के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड्स छिड़कता है, राइट, कि फूल जो है उससे कीड़े मकौड़े हट जाएं। बट होता क्या है कि जब वो फूल भगवान पे चढ़ते हैं और उसके बाद फिर लोग बाग फूल को इकट्ठा करके नदियों में ठंडा कर देते हैं, जनरली हम लोग बोलते हैं कि नदियों में ठंडा कर दो फूल को या फेंक दो, तो लोग बाग जो है वो नदियों में फूल को फेंक देते हैं। अब उस फूल के अंदर है केमिकल पेस्टिसाइड्स, और उस केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो फूल के माध्यम से पानियों में चला जाता है, और इससे क्या होता है कि नदियों को पल्यूशन होता है, पल्यूट होती हैं नदियाँ, राइट, और हम लोग देखते हैं कि कई सारे स्पीसीज के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो इसके लिए इस हेल्प अस ग्रीन नाम के इनिशिएटिव ने क्या किया, उन फूल को उठाकर उस फूल से अगरबत्ती बना दी, राइट, एक ऐसी मतलब इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला कि उस फूल को इकट्ठा किया ने, और इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर वुमेन्स को इन्वॉल्व किया जिससे कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो वो वुमेन है वो फूल को इकट्ठा करती हैं, उसके बाद फिर वो अगरबत्ती बनाती हैं उस फूल से, राइट, तो ये काफ़ी शानदार इनिशिएटिव है। और इसे ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया जाए बल्कि सभी जगह पर लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रैक्टिस जो है वो चल रही थी हेल्प अस ग्रीन की, हम लोग को देखने को मिली थी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि 10 किलोमीटर का एरिया जो है, 21 नेशनल पार्क जो हमारे इंडिया के अंदर हैं, तो उसके आसपास का 10 किलोमीटर के एरिया को जो है वो इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ना हो, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप ना हो, और इको सेंसिटिव जोन बनने से, यानी कि एक तरह का ये प्रोटेक्टेड जोन हो जाएगा, उससे कई सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को जो है वो फायदा हो जाएगा, स्पेशली एनिमल स्पीसीज, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई। और पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग को सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की अभी रिसेंटली देखने को मिली है मोहाली में, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन बिजनेस स्कूल जो है मोहाली का, वहाँ पर ये कंडक्ट की गई थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था भाखरा बीस मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर फोकस किया गया है, हम लोग को देखने को मिला है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए कैसे सस्टेनेबल तरीकों का जो है वो उपयोग करना है, उस पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, यहाँ पर बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, यहाँ पर प्रमोट किया जाता है कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को जो है वो कैसे आगे बढ़ाना है, सस्टेनेबल तरीके से कैसे वाटर मैनेज करना है, लोगों के बीच में वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को बताना है कि पानी जो है उसको बचाया जाए। ग्लोबल कार्बन बजट की बात करें गाइस, तो यहाँ बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में कार्बन बजट जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, राइट, तो ये बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हम लोग को 2018 में देखने को मिला है, 37.1 बिलियन टन्स, और ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया है जो कि UEEA हम लोग को जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है उनके रिसर्चर ने ये फाइंड आउट किया है कि पूरी दुनिया भर में 2018 में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के मामले में। पिछले साल के मुकाबले हम लोग ने CO2 को 6.3% ज़्यादा एमिट किया है। तो देखो, आज की रेट में फोकस कर रहे हैं कि CO2 के एमिशन को रोका जाए, बट यहाँ पर उल्टा ही हम लोग को रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और 10 बिगेस्ट एमिटर है 2018 की चाइना, USA, इंडिया, रशिया, जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की बात करें तो 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी को हेल्प करती है, बताती है कि कैसे जो है वो ग्रीन हाउस गैस को के इंक्रीज होने से रोका जाए, राइट।
आप देखिए सीओपी 24 की अगर हम लोग बात करें तो सीओपी 24 यानी कि 24 सेशन हम लोग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का देखने को मिला था कटोवाइस पोलैंड में। यहां पर डिस्कशन हुआ था कि टेम्परेचर को 2 डिग्री से भी कम पर जो है वो लेकर आना है, टेम्परेचर राइज जो हो रहा है उसको 2 डिग्री से भी कम जो है वो करना है, तो इसके बारे में हम लोग को यहां पर देखने को मिला था। तो देखो गाइस ये जो है वो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको भी आपको इसके बारे में सेम एज इट इज जो है वो समझाया था कि फोकस किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो कम से कम करना है, राइट, टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसको गिराना है। तो इस पर यहां पर कटोवाइस पोलैंड में डिस्कशन हुए थे। अब देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग बात करें अगर पिलर की, तो इटली जो है गाइज उसको एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2018 मिल गया है। 9th एडिशन हुआ था एडमिरल कप सेलिंग रेगेटा 2018 का, जिसको जीत लिया है इटली ने। और बताया जा रहा है कि इट्टीकुलम बीच जो है इंडियन नेवल अकेडमी इसी माला में, तो वहां पर ये हुआ था 9th एडिशन इसका, जहां पर एक तरह की ये बोट रेस होती है, बोट रेस। इस बोट रेस में काफ़ी सारी कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से इटली ने फर्स्ट नंबर हासिल किया है और सेकंड जो है वो सिंगापुर हम लोग को देखने को मिली है, थर्ड यूएसए और फोर्थ इंडिया हम लोग को देखने को मिल गई है। तो ये एक सेलिंग रेस होती है यानी कि बोट रेस कंपटीशन होता है, जो लेजर रेडियल बोट्स होती हैं, तो उसका ये कंपटीशन होता है जिसमें 62 पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं और उसमें 9 फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हम लोग को देखने को मिले थे। अब न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 4 मिसाइल जो है जिसका सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो करवा दिया गया है, तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर बैलास्टिक मिसाइल है ये, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिल रही है। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, उसी के अंडर ये मिसाइल को डेवलप किया है। और ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है जो कि 1 टन तक का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकती है। डीप सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडियन नेवी के पास एक डीप सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम आ गया है, जो सबमरीन होती है गाइस उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये सिस्टम जो है वो काम करेगा। जो सबमरीन के अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जैसे कभी जो सबमरीन जो है वो, जो कि आप जानते हो कि पानी के नीचे चलती है, तो अगर वो कहीं खराब हो जाए, कुछ हो जाए वहां पर, तो उसके अंदर से क्रू मेंबर को कैसे निकालना है, तो एक नई सिस्टम जो है वो आ गई है जो कि वहां पर जाकर तुरंत वहां पर जाकर जो है वो क्रू मेंबर्स को बचा लेगी इतनी नीचे तक जाकर। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो डिफेंस मिनिस्टर है गाइस निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने अभी नहीं यानी कि पहले के जो डिफेंस मिनिस्टर जो थी हमारी निर्मला सीतारमन, क्योंकि अभी तो चेंज हो गई, अभी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी देखने को मिल रहे हैं, तो उस समय उन्होंने लॉन्च किया था इसको इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन को, और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। तो देखो जो हमारा इंडियन ओशन इतना बड़ा है, तो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए ये फ्यूजन सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया था कि यानी कि हर एक एक्टिविटी इंडियन ओशन में जो भी हो रही है उसके बारे में इस फ्यूजन सेंटर को पता लग सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइस 10 एजेंसीज को एम्पावर किया है कि ये सभी प्रकार के कंप्यूटर डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, 10 एजेंसीज को, राइट। तो यहां पर फोकस रखा है कि जो 10 गवर्नमेंटल एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस फॉर सर्विसेज एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड असम ओनली, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस जो है। तो ये 10 एजेंसी ऐसी हैं जो कि किसी के भी कंप्यूटर के डेटा को जो है वो ट्रेस कर सकती हैं, राइट। और इवन अगर किसी भी के भी कंप्यूटर के डेटा को अगर ये मांगती हैं और अगर उनको वो मना कर देते हैं डेटा को देना, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको 7 साल की सज़ा और फाइन जो है वो उसको चार्ज किया जाएगा। तो देखो अब बात सिर्फ कॉल और ईमेल को ट्रेस करने की नहीं है, अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी के भी स्टोर्ड कंप्यूटर डेटा को भी चेक कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं, राइट। क्योंकि आज की डेट में साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है और इस प्रकार की फेक न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, तो ये फेक न्यूज़ कहाँ से आई है, क्या हुई है और इसके किसके पास कितना इलीगल डेटा है, राइट। क्योंकि आज की डेट में पूरा डेटा ही चल रहा है, लोग बाग किसी का भी डेटा चुरा कर जो है वो काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई हैकर है, उसके पास किसी का कुछ लोगों का जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है काफ़ी सारे लोगों की, तो ये एजेंसी को पता लग जाएगा। अगर ट्रेस करेंगी एजेंसी किसी के कंप्यूटर के स्टोरेज को, तो उनको पता लग जाएगा कि अरे यार इसके पास तो इतना स्टोरेज डेटा है, मतलब यानी कि इसने लीक किया है या हैक किया है किसी का डेटा वगैरह। तो इस प्रकार से ये काम करेगी एजेंसी। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट की बात की जाए, तो यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है एक नया फ्रेमवर्क इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करने के लिए, राइट। अब बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितनी भी फेक न्यूज़ वगैरह होती हैं उनको रोकने के लिए आईटी एक्ट को अमेंड किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 79 आईटी एक्ट का जो है वो ड्राफ्ट किया गया है,
अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि फेसबुक में किसी ने या व्हाट्सएप में किसी ने कोई मैसेज लिखा, राइट, और फिर वो मैसेज जो है वो वायरल हो जाता है, बट किसी को पता नहीं लग पाता है कि किसके पास से ये मैसेज आया है, किसने इस मैसेज को क्रिएट किया है, जनरेट किया है। तो अब गवर्नमेंट को जो है ये पता लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं इस प्रकार की मैसेजिंग कंपनीज, तो उनको अपने पास जो है वो 180 डेज का डेटा जो है वो रखना पड़ेगा, राइट, जिसके चलते अगर कोई भी इंडिविजुअल इस प्रकार की डेटा को लीक करता है या इस प्रकार की फेक न्यूज स्प्रेड करता है तो वो पकड़ाया जा सके, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अब बात की जा रही है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बारे में, तो गाइस तीनों सर्विसेज जो है हमारी आर्म सर्विसेज, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, तो इनका एक सिंगल परमानेंट चीफ हम लोग को अब देखने को मिलेगा, राइट, जो कि एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री की तरह जो है वो काम करेगा। ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को रिलेटेड टू वेरियस थिंग, और ये जो जो चीफ जो होने वाले हैं गाइज, ये 4-स्टार ऑफिसर होंगे, ये इक्वलेंट होंगे जो आर्मी के चीफ होते हैं, एयरफोर्स के या नेवी के चीफ, उसके इक्वलेंट की पोजीशन के ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। और इनका काम होगा कोऑर्डिनेट करने का, तीनों सर्विसेज के बीच में ये कोऑर्डिनेशन करेंगे, और इस प्रकार की एक बॉडी होनी चाहिए, इसका रिकमेंडेशन किया था कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा भी, और ये लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट के पर्पस के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी, राइट। तो जितने भी जॉइंट इश्यूज होते हैं तीनों सर्विसेज के बीच में, ट्रूप्स की ट्रेनिंग को लेकर, वेपन सिस्टम को एक्वायर करने को लेकर, राइट, या फिर जॉइंट ऑपरेशन को लेकर, तो ऐसे जो इश्यूज जो है उनको एक ही जगह पर जो है वो डील किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन जो है वो मिल सकेगा। और गाइस नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने भी ये सेम चीज़ रिकमेंड करी थी कि इस प्रकार की एक सिंगल चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, या फिर एक पोस्ट होनी चाहिए चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, राइट। तो बस यही था गाइस पूरा मंथ का करंट अफेयर्स हमारा, तो दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स जो है वो फिनिश हो गया है, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।